Hello, okay, sure. Okay.. Goodbye everyone. चलिए दोस्तों आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर न्यू बैचेस ऑफ एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे सीए फाइनल में दोस्तों पेपर नंबर टू एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम बैचेस शुरू करने जा रहे हैं 100 मार्क्स का ये पेपर है एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे पहली बैच होगी सी ए फाइनल की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की नॉर्मली हम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट से शुरुआत करते हैं या फिर हम एफ से शुरुआत करते हैं तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने एफ कर लिया होगा नहीं सो so, आपने एफ कर लिया है सो दिस इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की सबसे पहली बैच है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओके दोस्तों इससे पहले कि हम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करें लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू आई एम प्रवीण खटोड़ एंड आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट आई बिकेम चार्टेड अकाउंटेंट इन ईयर टू सो इट्स बिन 18 ईयर्स सिंस आई एम ए चार्टेड अकाउंटेंट जब आप लोगों ने होश संभाला होगा तब मेरा सी हो चुका था एंड आफ्टर बिकमिंग अ चार्टेड अकाउंटेंट इन ईयर टू i was confused what should i do in life should i go for practice ca in practice should i go for teaching or i should go for job you know what did i selected job i worked at bangalore in infosys i worked in mumbai where I worked for a financial services company. And then I moved to America. There I worked for two and a half years. So that was my career path since 2005 to 2010. So I worked for 5 years and then in year 2010 i came back to india and since then i am into teaching field so it's been 13 14 years since i am teaching i'm teaching subjects like advanced financial management financial management at, inter at intermediate level and costing at intermediate level i also teach cfa courses cfa level 1 level 2 and level 3 okay so that was all about me now let us talk about you तो आपसे दोस्तों मैं कुछ कुछ बातें जानना चाहूँगा ताकि हम हमारे बैच को सही ढंग से आगे कंडक्ट कर पाएं। आपके इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें मुझे जाननी है वो ये है कि आपका अटेम्प्ट कब ड्यू है आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका 2024 में अटेम्प्ट ड्यू है 2024

और मैंने आपसे अटेम्प्ट क्यों पूछे उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जब हम ए एफ एम की बैचेस सबसे पहले शुरू कर देते हैं राइट और आपका अटेम्प्ट अगर आज से टू इयर्स डाउन द लाइन या टू एंड हाफ इयर्स डाउन द लाइन इतने समय बाद है तो यू आर प्रोन टू फॉरगेट द थिंग्स आप चीजें भूलने भी लगेंगे राइट अब इसका क्या तरीका है ये प्रॉब्लम सीए फाउंडेशन में नहीं आई थी ये प्रॉब्लम सीए इंटरमीडिएट में भी नहीं आती क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और उससे इन फाइव टू तो सिक्स मंथ्स हमारे अटेम्प्ट ड्यू हो जाते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम फाइनल में आनी शुरू हो जाती है कि हम पढ़ते हैं आज और अटेम्प्ट ड्यू होता है बहुत समय बाद तो दोस्तों इसका सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि हम जो भी सारी चीजें पढ़ेंगे हम उसे डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो आप जानते ही हैं. हम यहां पर, पर प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे विथ यानी नॉट जस्ट द फॉर्मला बट द लॉजिक बिहाइंड हैज अराइव्ड राइट ये सारी चीजें हम हमारी कॉपी में नोट कर लेंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि सिक्स मंथ्स लाइन लाइन जब जब बैच बैच हमारी हमारी खत्म हो जाएगी उसके line, जब आप कॉपी कॉपी पलटेंगे तो तो आपको पूरी पूरी रिकॉल होने लगेगी हम इस तरीके से हमारी बनाएंगे राइट दोस्तों वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने पर लेकर उस को पर नोट कर ले सवाल मेरा आप से है कि आप से कितने हैं जिनको सीए इंटरमीडिएट में थी एफ एम इकोनॉमिक्स एग्जाम एग्जाम्ट एग्जाम्ट ओके अच्छा ये तो हुई एग्जामिशन की बात कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे हमारी क्लास में एंड आई वॉन्ट यू टू बी फ्रेंक जिन्हें कि एफ एम इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को हम छोड़ देते हैं अब तो एफ एम एस एम हो चुका है जिन्हें एफ एम से डर लगता था कि यार ये तो मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यस और वो लेवरेज लेवरेज हालांकि ईजी था कैपिटल बजटिंग रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग उसमें स्टैंडर्ड डिविशन आ जाता था फिर उसके बाद वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मोदी ग्लानियन मिलर मतलब न जाने क्या ही अप्रोच थी इधर से इधर पैसा डालते थे और कुछ करके प्रॉफिट निकाल लेते थे आर्बिट्रेज प्रॉफिट ऐसे तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एफ से थोड़ा हवा है मतलब डर सा लगता है यार एफ भारी चीज़ है भारी चीज़ है एफ ओके okay. तो दोस्तों बैच की कंपोजिशन में ऐसा है कि कुछ तो वो हैं जिन्होंने एग्जैम्ट करा हुआ है एफएम और कुछ वो हैं दे आर फेयरफुल अबाउट एफएम आई कैन मेक अ प्रॉमिस कि अगले पांच से सात लेक्चर के अंदर एफ जिसे अब हम सी फाइनल में ए कहते हैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये आपका ना फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा ये फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा उसके पीछे कई सारे एट द बिगिनिंग सी ए फाइनल में दोस्तों एफ आर हुआ ए एफ एम हुआ एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑडिट हुआ एक मल्टी डिसिप्लिनरी का पेपर हुआ और डी टी हुआ आईडी टी हुआ राइट आप नाइनटी प्लस मार्क्स लेकर आएंगे डी टी में ऑडिट में कैन यू इमेजिन की कोई नाइन्टी प्लस मार्क्स लेकर आ रहा है वो भी ऑडिट में जिसमें हम खुद सी ए इंटरमीडिएट से जानते हैं कि कितनी मुश्किलों से ऑडिट का पेपर निकला था चालीस पैंतालीस पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पास होते हैं ऑडिट में इंक्लूडिंग मी मैं भी ऐसे ही पास हुआ था तो दोस्तों ऑडिट हुआ डी टी हुआ इसमें वी केनोट इवन थिंक अबाउट नाइनटी प्लस मार्क्स कैन यू थिंक अबाउट नाइनटी प्लस मार्क्स इन ऑडिट कैन यू थिंक अबाउट नाइनटी प्लस मार्क्स इन डी टी डायरेक्ट एक्सेस नो राइट वो तो इंटरमीडिएट का डी टी था दोस्तों सी ए फाइनल का डी टी है पढ़ते वक्त अच्छा लगता है लेकिन एग्जाम में पता नहीं चलता कहां से कौन सा केस लॉ और कौन सी केस स्टडी आ गई इसके अलावा बचता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स प्लस योर सेल्फ पेज मॉड्यूल्स एफ आर एफ आर के अंदर बहुत ही वॉलेटाइल पेपर आता है इट कु ले देकर आपका सी ए फाइनल में दोनों ग्रुप में सिर्फ एक ही सहारा है ए एफ एम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट यह एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हो एग्जाम में यानी एग्जाम हॉल में कदम रखने से पहले कॉन्फिडेंस रहेगा रीजनेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं इसमें कुछ अच्छा कर पाऊंगा और जो एग्रीगेट की प्रॉब्लम होती है जो हमें से कही होगी प्रॉब्लम रहती है और रही भी होगी शायद इंटरमीडिएट में एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है, है। तो टारगेट रखें आपके सामने दोस्तों कुछ चीज यहां पर पेश करना चाहूंगा ये तो खैर सी ये फाइनल है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने स्कीम मेरा नाम लिखा हुआ है यू कैन सी टॉपर्स ओवर हियर यहां पर दोस्तों 94, 94, 90, ये ऑडिट में नहीं मिलेंगे ये डी में भी नहीं मिलेंगे ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी नहीं मिलते हैं एफ में भी बड़ी मुश्किल से कोई होगा तो शायद मिलेंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि एफ में भी ऐसे मार्क्स नहीं आते हैं और मैं यहाँ पर आपको दावे के साथ कह सकता हूँ और मैं इनमें से कुछ स्टूडेंट्स को पर्सनली जानता भी हूँ मतलब वो भी फेस टू फेस पढ़े थे आप ही आप ही लोगों की तरह देवर एवरेज स्टूडेंट नॉट लाइक की ट्वेल्थ में वो लोगों ने रैंक स्कोर करा फाउंडेशन में रैंक स्कोर करा इंटर में रैंक लेकर आए देर परफेक्ट एवरेज स्टूडेंट एंड दे हैव स्कोर्ड नाइन्टी फोर मार्क्स और ये जो तीनों स्टूडेंट्स हैं ना जिनके नाइंटी फोर मार्क्स है इनमें से एक भी रैंकर नहीं है मतलब एक नॉन रैंकर के इतने मार्क्स आना मैं ज्यादा बड़ी बात समझता हूं बजाय कि एक रैंकर बिकॉज रैंकर तो बॉन्ट टैलेंट होता है लेकिन एक नॉन रैंकर भी इतना अच्छा कर सकता है एएफएम के पेपर में एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका करियर मेकिंग सब्जेक्ट है हो सकता है आपकी जिंदगी के आगे आने वाले तीस साल और पैंतीस साल किस पर टिके हुए जो हम आज यहां पर क्लासरूम में पढ़ेंगे उस पर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग ऑडिट में अपना करियर तो नहीं बनाना चाह रहे होंगे ऑडिट 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 ऑलीवुड इज टिकिंग तो दोस्तों ऑडिट में आ, मैं मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जॉब ज्वाइन करी और छः महीने में ना ऑडिट की फील्ड से बोर होने लग गए यार ऑडिट में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स आती हैं और वो सॉफ्टवेयर प्लग इन होता है सारी एक्सेप्शनल रिपोर्ट आ जाती है और बस हमें कुछ काम अच्छा सा करने को नहीं मिल रहा है कि रूटीन जॉब हो गया और रूटीन जॉब्स में आपकी कोई खास प्रोग्रेस नहीं होने वाली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड बहुत ही डायनामिक है डेली नए नए इवेंट्स होते रहते कभी रशिया यूक्रेन पर वॉर कर रहा है कभी चाइना ताइवान का इशू हो रहा है कभी क्या हो रहा है कभी इंडिया के के प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर जाकर जर्मनी के मिनिस्टर से मिल रहे और इन सारे इवेंट्स का इंपैक्ट आता है कभी जीएसटी काउंसिल कोई डिसीजन लेती है जिसका इंपैक्ट शेयर मार्केट में आता है और डेली बेसिस पर नए नए इवेंट्स होते हैं उनको उनको एनालाइज करने में बहुत मजा आता है उनका इंपैक्ट देने में बहुत मजा आता है तो दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैं जिस तरीके से इसको आपको पढ़ाने वाला हूं मेरा ओरिएंटेशन होगा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन विच कि जब भी मैं किसी चैप्टर को शुरू करूंगा या कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश करूंगा तो मैं इसको प्रैक्टिकली कनेक्ट करूंगा जब हम चीजों को प्रैक्टिकली कनेक्ट करेंगे ऑब्वियसली वो हमें ज्यादा समय तक ध्यान रहेगा और अब उसे रियल लाइफ में भी यानी फाइव ईयर्स डाउन द लाइन भी आप मुझे याद करेंगे कि सर ने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था और इस तरीके से उसकी फाउंडेशन हमने ले डाउन करी थे दोस्तों अब आप बताइए आप में से कितने स्टूडेंट्स है जो इस सोच के साथ क्लास में बैठे हुए हैं कि हाँ 90 प्लस लेकर आएंगे एएफएम में 90 प्लस 90 प्लस 9 दोस्तों 90 प्लस सोचना आसान है लेकिन लाना मुश्किल है इतना आसान नहीं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जितने सारे मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ना यहां पर 100% ऑफ द कांसेप्ट को 100% समझना पड़ेगा Which मीन्स अगर क्लास में मेरे पढ़ाते वक्त अगर आपको मन में जरा सा भी डाउट हो तो आपको पूछना पड़ेगा और आप बेहिचक होकर डाउट पूछिए मुझसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका सिली सा भी डाउट हुआ आई एम गोइंग टू आंसर दैट राइट हालांकि मैं पढ़ाऊंगा ऐसा कि आपको डाउट्स नहीं आएंगे बिकॉज मैं शुरू ही बहुत ही बेसिक लेवल से करता हूँ मैं जब पढ़ाता हूँ तो एक assumption लेता हूं कि आपने इंटरमीडिएट में एफ नहीं पढ़ा हुआ है यानी आपने सी ए फाउंडेशन करा और आप सीधे सी ए फाइनल का ए एफ एम पढ़ रहे हो इस तरीके से मैं आपको ए एफ एम पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली uh, जब मैं बेसिक अप्रोच से, से शुरू करूंगा तो uh, सभी साथ में आ जाएंगे सभी का अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड रहता है हम सब साथ में आ जाएंगे और फिर भी मेरे समझाने पर आपको जरा सा भी डाउट हो यू कैन आस्क दैट राइट हंड्रेड परसेंट ऑफ द सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे मैं ऐसा नहीं करूंगा कि सिलेक्टिव अप्रोच पर चलूंगा कि थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है इसको छोड़ देते हैं बैच का ड्यूरेशन थोड़ा सा बचा लेते हैं सी ए इंस्टीट्यूट बहुत ही वॉलेटाइल है पेपर सेट करने में और मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मैं तो कई सारे अटेम्प्ट देख चुका हूं तो मुझे पता है कि बीच बीच में हर पांच से छह अटेम्प्ट में आई सी आई गुगली फेंकता है यानी कि एक मिसलिनियसा चैप्टर मिसलिनियस सा चैप्टर जिससे नॉर्मली क्वेश्चन ही नहीं आता है फोर मार्क्स का क्वेश्चन आता है उससे चौबीस से तीस नंबर के क्वेश्चन उठाकर पूछ लिए जाते हैं अब बाय चांस उसमें आपने एबीसी एनालिसिस लगाया और उसको सी कैटेगरी में रखा और आपने कहा वैसे तो सी कैटेगरी कौन ध्यान देने वाला और उससे चौबीस नंबर के पेपर आ गए एक अटेम्प्ट गया तो दोस्तों ऐसा ना हो हमारे साथ उसके लिए हम हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवर करेंगे मैं आपको हंड्रेड परसेंट टीच करूंगा आई कैन मेक यू वन मोर प्रोमिस मैं आपको हंड्रेड परसेंट ऑफ द थैंक्स टीच करूंगा यानी यहां पर रेटिफिकेशन जीरो होगा हम कोई भी चीज यहां पर रटेंगे नहीं हम हंड्रेड परसेंट चीजों का डेरिवेशन देखेंगे सारे फॉर्मुलेस इसका हम यहां पर डेरिवेशन देखेंगे दोस्तों नाइनटी प्लस लाने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं तो मैं मेरा हंड्रेड परसेंट देने को तैयार हूं क्या आप, आपका हंड्रेड परसेंट देने को तैयार हैं दोस्तों मजा आएगा अब मैं अब मुझे आपसे एक बात और करनी है आपका जब भी रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट 2024, 2025, 2026, सीए आप बन तो जाएंगे सीए बनने के बाद आपका कितना पैकेज लगता है कि average, 10 12 lakhs, 10 12 lakhs, okay. दोस्तों एक रैंकर सीए उसका कितना पैकेज लगता है क्या उसका टेन टू ट्वेल्व लैक्स का पैकेज लगता है या ज्यादा ज़्यादा आप में से कोई है जिसकी इंटरमीडिएट में रैंक लगी हो दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि सीए फाइनल में जिन्होंने इंटरमीडिएट का जब रिजल्ट आया और फाइनल में कदम रखा तब उन्होंने मन में ठान लिया कि यार मुझे सीए फाइनल में रैंक लेकर आनी है सोचा आपने सोचा सोचने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं सोचना बहुत जरूरी है पहले लेकर आए रैंक उससे पहले सोचना जरूरी है क्वाइट ऑफ व्यू ऑफ यू ओके दोस्तों एक सीए ऑल इंडिया रैंकर का पैकेज आप क्या मानते हैं क्या लगता है सीए ऑल इंडिया रैंकर का पैकेज ट्वेंटी फाइव लैक्स बहुत ज्यादा बोल दिया क्या मैंने थर्टी लैक्स थर्टी फाइव लैक्स आई हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट में ये फिल्टर ही सिर्फ एक ही लगाते हैं आईटीसी नाम की कंपनी हिंदुस्तानिवर नाम की कंपनी ये लोग हर अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिक्रूट करते हैं और सिर्फ एक ही फिल्टर होता है ऑल इंडिया रैंकर्स हमें सिर्फ ऑल इंडिया रैंकर्स को रिक्रूट करना है एंड द मिनिम पैकेज दे ऑफर इज ट्वेंटी फोर लैक्स इट कुड बी ट्वेंटी एट लैक्स इट कु इट कुड बी थर्टी फाइव ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे आज मैं अगर टेन लैक्स मान रहा हूं एक नॉर्मल क्वालिफाइड सीए का पैकेज तो क्या मैं रैंकर का पैकेज ट्वेंटी फाइव लैक्स मान सकता हूं ट्वेंटी फाइव भी छोड़ो ट्वेंटी तो मान सकता हूं ना कैन यू फील द डिफरेंस नॉर्मल सीए इज इक्वल टू टेन लैक्स रैंकर सीए इज इक्वल टू मिनिमम ट्वेंटी इट कुड बी ट्वेंटी फाइव इट कुड बी थर्टी इट कुड बी थर्टी फाइव ये तो हुई स्टार्टिंग पैकेज की बात नेक्स्ट ईयर जब प्रमोशन होगा तो टेन वाला कहां जाएगा ट्वेल्व और ट्वेंटी वाला कहां जाएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी रहेगा ये गैप हमेशा रहेगा फाइव इन डाउन द लाइन जिसका आज पैकेज टेन लैक्स है उसका ट्वेंटी लैक्स होगा फाइव ईयर डाउन द लाइन जिसका आज पैकेज टेन लैक्स उसका कितना होगा ट्वेंटी और उसने तो शुरू ही ट्वेंटी से किया है वो कहां होगा इट बी अराउंड फोर्टी फिफ्टी लैक्स तो क्या आपको नहीं लगता है कि जिंदगी में बजाय कि आप दस साल जॉब करें उसकी बजाय रैंक लाकर सिर्फ पांच ही साल जॉब कर ले और उतना पैसा कमा ले जितना एक नॉन रैंकर कमाता है या हम ऐसा माने कि हमारी टोटल जॉब की लाइफ है फोर्टी ईयर्स रिज्यूम कि हम फोर्टी ईयर्स तक जॉब करेंगे तो उसकी बजाय आप रैंक लाकर सिर्फ ट्वेंटी ईयर्स ही जॉब करें बाकी बीस साल आप कुछ भी मत करें तो भी यू विल एंड अप विद द सेम अमाउंट यानी यू कैन प्रैक्टिकली रिटायर एट द एज ऑफ फोर्टी चालीस की एज पर आप रिटायर हो सकते हो अपनी लाइफ एंजॉय करो बट उसके लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी क्या मेहनत करनी पड़ेगी रैंक जो 50 ऑल इंडिया रैंक्स आती है ना उसमें से 25 फाइव ऑल इंडिया रैंकर्स तो वो होते हैं जो बॉन्ड टैलेंट होते हैं जो पैदाइशी मतलब उनको भगवान ने अलग गॉड गिफ्टेड होते हैं लेकिन लुक एट अदर साइड 25 ऐसे भी ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं जिनका फाउंडेशन में कोई नाम नहीं था रैंक के लिस्ट में न टॉपर्स के लिस्ट में जिनका इंटरमीडिएट में भी कोई नाम नहीं था न टॉपर्स के लिस्ट में न रैंकर्स के लिस्ट में एंड दे हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक्स में हर अटेम्प्ट में देखता हूं कि जो 50 रैंक्स आती है उसमें से सिर्फ मुट्ठी भरी वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंटरमीडिएट में भी रैंक लगी और फाइनल में भी रैंक लगी ऐसे बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सीधे फाइनल में रैंक लगी और दोस्तों आपके पास ये मौका है ये मौका है ऑल इंडिया रैंक सीए में लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप ठान लो डिटर्मिनेशन कर लो कि मैं रैंक लेकर आऊंगा और उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो एक बार रिविजन लगाओ दो बार रिविजन लगाओ तीन बार रिविजन लगाओ चार बार रिविजन लगाओ क्या बड़ी बात है सिलेबस क्या आप नहीं ला सकते हो रैंक में आपसे पूछ रहा हूं लाई तो जा सकती है ना वाई वी शुडंट ट्राई फॉर रैंक रैंक के लिए हमें ट्राई करना ही चाहिए और यह मौका है नहीं तो 40 साल तक करते रहना जॉब जो, जो मैं आपका काम 20 साल में करवा रहा हूं बीस साल जॉब करो ना आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाना है तो भी चालीस साल तक जॉब करना बारह घंटे उसकी बजाय बीस साल तक तो जॉब करनी है रैंक और दोस्तों एक गैप कभी क्लोज नहीं होता है, जो इंडिया रैंकर होता है वो उसी लेवल पर चलता है यानी कि जो मेरे साथ क्वालिफाइड सीएस हैं मतलब जब मैं पढ़ाई करता था तब जो ऑल इंडिया रैंकर थे ना उनके पैकेज अभी अराउंड टू करोड़ कितना टू करोड़ एंड आई नो दैम पर्सनली दो करोड़ का पैकेज क्या बात कर रहे हो यार दो करोड़ का पैकेज मतलब समझ रहे हो आप दो करोड़ में से नेट सेविंग आप मान के चलिए वन करोड़ और उस वन करोड़ को आप सिर्फ एफ कर दो ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं तो एक फ्रेश क्वालिफाइड सीए का पैकेज निकलता है उसका एक करोड़ की एफडी का जो इंटरेस्ट मिलता है वो एक न्यूली क्वालिफाइड सीए जो कि पूरे बारह महीने काम करेगा सुबह से शाम तक और जितना पैकेज कमाएगा नेट सेविंग करेगा ना उतना अब सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है ही इज एन ऑल इंडिया रैंकर तो दोस्तों ऑल इंडिया रैंक लाने का ट्राई करना चाहिए देखो ट्राई करना हमारे हाथ में है आए ना आए वो दूसरी बात है लेकिन ये गम जिंदगी में नहीं रहना चाहिए कि काश में ट्राई कर लेता आ तो सकती थी रैंक और क्यों नहीं ला सकते यार रैंक सी ए में ऑल इंडिया रैंक लाना ईजी है उतना कठिन नहीं है जितना आप कैट की एग्जाम जब दोगे ना तो उसमें तो बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है टाइमिंग का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और बहुत सारे लोग होते हैं वहां पर हमारे सी ए फाइनल में मुठ्ठी भर लोग तो एग्जाम देते हैं एक लाख कैट आपको मालूम है कितने सारे लाखों लोग देते हैं और वहां पर तो कोटा भी होता है रिजर्वेशन होता है आपके पास अपॉर्चुनिटी आपका लेवल प्लेइंग ग्राउंड है कोई भी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में नहीं है यू कैन स्कोर ऑल इंडिया रैंक ऑल इंडिया रैंक अगर फिफ्टी भी आ जाए ना तो भी बहुत इज्जत है मतलब ये ट्वेंटी लैक्स मैंने बहुत कम बोल दिया है जब आप कैंपस इंटरव्यू में बैठते हो ना तो एक नॉर्मल सीए को तो बस वो लोग पैकेज डिफाइन करते हैं कि आपका पैकेज रहेगा पूछते हैं पर लेकिन जब एक ऑल इंडिया का इंटरव्यू क्लियर होता है ना तो वहाँ पर दे गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू नेगोशिएट द पैकेज यानी अगर वो लोग आपका ऑफर कर रहे हैं सपोज करें ट्वेंटी फोर लैक्स एंड एन यू फॉर लेस देन थर्टी लैक्स You have दैट negotiation पावर इन यू छह लाख तो आपने वहां नेगोशिएट कर लिया जो अदरवाइज लोगों का पैकेज लग रहा है दोस्तों अब मैं वापस से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं इतना समझाने के बाद। ऑल इंडिया रैंक आप में से कितने स्टूडेंट्स लाने की अब कोशिश करेंगे दोस्तों ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए आपको मिनिमम चार बार रिवीजन करना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट का कितनी बार मिनिमम चार बार क्योंकि जब आपने किसी चीज को चार बार रिवाइज कर लिया ना मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है चार बार रिवाइज करने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं ना सिलेबस में फिर तो आने दो तो जैसा पेपर आए और चार बार अगर आपने रिवीजन कर लिया तो आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती एफर्ट लगाने पड़ेंगे या तो 20 साल एक्स्ट्रा जॉब कर लो या फिर इन दो साल में दो दो घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लो चॉइस इज योर्स दोस्तों हमारे सामने ये कुछ इंस्परेशन हैं नयन ही इज फ्रॉम भोपाल

सी ए फाइनेंस हमें इन्हें अपना इंस्पिरेशन बनाना चाहिए और रैंक के लिए ट्राई करना चाहिए आपके पास मौका है यार अगर मैं आपकी जगह बैठा होता ना मैं पक्का रैंक लेकर ही आता मैं मेरी कॉपी के फर्स्ट पेज पर लिख लेता आई एम एन ऑल इंडिया रैंकर आई एम एन ऑल इंडिया रैंकर एंड आई विल स्कोर रैंक एनी हाउ चाहे जो लगे क्या लगे मैंने आपको बता दिया चार बार रिविजन करना है किसी भी चीज़ का चार बार रिविजन में सारी चीजें अगर आप इस अप्रोच के साथ क्लास में बैठे हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है अगर आप इस अप्रोच के साथ क्लास में बैठे आपको बहुत मजा आने वाला है आपकी पढ़ने की अप्रोच ऑल इंडिया रैंकर होनी चाहिए सबसे पहले तो इनमें से मैं एक स्टूडेंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा प्रखर ही इज अगेन फ्रॉम इंदौर और प्रखर ने जब सी ए इंटरमीडिएट की एग्जाम दी थी रिजल्ट नहीं आया था एग्जाम दी थी उसके अगले दिन से ही हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सी ए याने जैसे ही उसने एग्जाम दी उसके तीन चार पांच दिन ही बीते होंगे ही केम टू मी और वो पूरा शेड्यूल ऐसा बनाकर लेकर आ गया एक्सेल शीट पर कि मैं इस मंथ से इस मंथ तक एस एफ एम की क्लास करूंगा उस वक्त एस एफ एम हुआ करता था फिर मैं एफ आर की क्लास करूंगा फिर मैं ये क्लास करूंगा फिर मैं एस एफ एम का यहाँ पर रिविजन वन करूंगा रिविजन टू करूंगा एंड ही एडियर्ड टू दैट स्केड्यूल एंड ही हैज अ स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक ट्वेंटी टू तो दोस्तों ऑल इंडिया रैंक में मेहनत तो लगती है लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि अब स्काई इज द लिमिट राइट एज कंपेयर टू नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट वेयर इज ही स्टैंडिंग राइट तो एक ऑल इंडिया रैंकर को सबसे पहले तो जल्दी शुरू करना है और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ शुरू करना है थोड़ा एफर्ट तो लगेंगे क्योंकि ऑल इंडिया रैंक कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है लेकिन एफर्ट लगाना मुझे तो ज्यादा फायदे का सौदा लगता है कि मैं दो साल एफर्ट लगाऊं बजाय कि मैं बीस साल नौकरी करूं दोस्तों इस उद्देश्य के साथ हम शुरुआत करते हैं ये तो खैर मेरा इंट्रोडक्शन है मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं अब हम आपके और मेरे इंट्रोडक्शन के बाद एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे सब्जेक्ट पर आते हैं ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप 90 प्लस लेकर आ सकते हो और आपकी जो मार्कशीट आएगी उसमें सबसे हाइएस्ट मार्क्स आपको ए में ही आएंगे दोस्तों एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से मैं दो मिनट के लिए एडवांस वर्ड हटा दूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं चाह रहा हूं दोस्तों कि हमारी क्लास इंटर एक्टिव बने राइट right? आप फ्रीली यहाँ पर जवाब दीजिए बिल्कुल घर जैसा माहौल है आप इस बात के लिए निश्चिंत हो जाइए कि हमने अगर सर को कुछ बोला तो फिर आ, सर ऐसा नहीं हो कि हमारा मजाक उड़ा दे कि अरे ये क्या बात कर ली आपने भाई तो ऐसी हमारी कोई अप्रोच नहीं है मैंने कभी किसी स्टूडेंट का कोई मजाक नहीं उड़ाया आप चाहे कितना भी सिली डाउट पूछ लो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप में जानने की जिज्ञासा है राइट तो आप फ्रीली यहां पर क्लास में बातचीत मतलब मुझसे बातचीत कीजिए चलिए दोस्तों तो अब आप मुझे बताइए इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्विजिशन ऑफ एक्विजिशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, राइट? दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आती है आप सोचते हैं जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्ड आपके दिमाग में आता है आप क्या सोचते हैं वेयर टू इन्वेस्ट वेयर टू यूटिलाइज द फंड प्रोक्योर द फंड रिटर्न परसेंटेज शेयर मार्केट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बहुत बढ़िया आप लोगों ने दोस्तों बहुत सारी टर्म्स बोल दी और इन सबको मैं मिक्स uh, करके एक डेफिनेशन आपके सामने बोलने जा रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दो सो एज टू अचीव द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन राइट ये जितनी सारी आपने चीजें बोली वो सब इस कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन के अंदर कवर हो रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो चीजें होती है एक तो प्रोक्योरमेंट ऑफ और दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ दो इन सबके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन राइट दोस्तों कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बीच में फर्क कर पा रहे हैं पहला सवाल तो ये कि क्या इनमें कोई फर्क है या एक ही तो बात है फर्क है राइट तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या फर्क है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड लेट मी गिव एन एग्जांपल एग्जांपल से हमें क्लैरिटी आएगी एक हमारा जो हम सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं उसका ओवरऑल हमें व्यू पता चलेगा व्हाट्सएप right? आप सभी के सेलफोन में होगा व्हाट्सएप राइट इनफैक्ट जब हम नया सेल फोन खरीदते हैं तो जो कुछ चुनिंदा एप्लीकेशन जो हम सबसे पहले डाउनलोड करते हैं उसमें होती है व्हाट्सएप व्हाट्सएप right? को आपने एक भी रुपया आज तक पे किया गया डाउनलोड के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन नथिंग राइट इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों फेसबुक नाम की कंपनी ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया था इयर्स अगो कितने में 19 बिलियन डॉलर्स में कितने में 19 बिलियन डॉलर्स और मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करके बताता हूं रफली वो वन ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ के बराबर होता है एक लाख बीस हजार करोड़ एक लाख बीस हजार सर करोड़ राइट right? एक लाख बीस हजार करोड़ में उन्होंने इस एप्लीकेशन को अक्वायर किया वो एप्लीकेशन जिसके लिए आप कुछ भी पे नहीं करते और तब जिस दिन एक्वायर करा था तब भी आप कुछ नहीं पे करते थे और आज भी आप इसके लिए कुछ भी पे नहीं कर रहे हो व्हाट्सएप का अगर आप रेवेन्यू साइड इमेजिन करेंगे तो इट विल बी जीरो बिकॉज नो वन पेज फॉर व्हाट्सएप व्हाट्सएप आपको एडवर्टीजमेंट दिखाता है नहीं उनका तो एडवर्टीजमेंट से भी कोई कमाई नहीं व्हाट्सएप का रेवेन्यू साइड हम इमेजिन कर सकते हैं इट इज इक्वल टू कितना जीरो लेकिन क्या व्हाट्सएप के एक्सपेंसेस नहीं लगते हैं जो हमारा इतना सारा डेटा होता है इमेजेस हैं वीडियो भेज देते हैं हम वीडियो दन वो सब व्हाट्सएप सर्वर पर स्टोर करके रखता है सर्वर की कॉस्ट आती है नेटवर्किंग की कॉस्ट आती है एप्लीकेशन कितनी स्मूथ चलती है उनकी उस एप्लीकेशन को मेंटेन करने की कॉस्ट आती है तो क्या उनकी कॉस्ट नहीं लगती लगती है व्हाट्सएप आज से दस साल पहले अगर ये सोच लेता नो अवर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें प्रॉफिट कमाना है तो फिर वो आपको क्या कहता कि विल चार्ज यू फोर नाइनटी नाइन रुपीज फॉर वन ईयर सब्सक्रिप्शन कितना चार्ज करेंगे फोर नाइनटी नाइन फर्स्ट ईयर हम आपको फ्री दे देंगे और उसके बाद हम आपसे चार्ज करेंगे फोर नाइनटी नाइन हम कलाकार हम क्या करते हैं हम फर्स्ट ईयर पूरा फ्री चलाते हैं right? राइट फिर वो मैसेज पॉपअप करता कि आपका 499 है हम उसको और हम क्या करते दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम वी चैट डाउनलोड कर लेते हैं दूसरी बहुत सारी टेलीग्राम राइट so right? दोस्तों अगर व्हाट्सएप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सोच रखता तो शायद कुछ लोग उसे पेमेंट भी कर देते हैं कुछ उसका रेवेन्यू साइड भी बन जाता है कुछ चंद डॉलर्स उसका प्रॉफिट भी बन जाता कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसका प्रॉफिट बन जाता लेकिन क्या फेसबुक व्हाट्सएप को अक्वायर करता फिर नहीं करता क्योंकि जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर करा ना तब तो फेसबुक बहुत डरा हुआ था व्हाट्सएप से आज की तारीख में तो व्हाट्सएप फेसबुक का ही है लेकिन जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर करा था तब फेसबुक डरा हुआ था व्हाट्सएप से और फेसबुक को ये रिस्क थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि व्हाट्सएप ओवरटेक कर ले फेसबुक को व्हाट्सएप पर आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने करोड़ों लोग व्हाट्सएप पर होंगे आज की तारीख में दुनिया दुनिया की आबादी है सेवन करोड़ प्लस और व्हाट्सएप के पास हंड्रेड करोड़ प्लस अकाउंट्स हैं कितने हंड्रेड सौ करोड़ प्लस अकाउंट्स हैं व्हाट्सएप के पास आप इंडिया में इमेजिन कर लो ना हर वो व्यक्ति जिसके पास सेल फोन है वी कैन से कि उसके पास व्हाट्सएप है तो भारत की आबादी तो करोड़ प्लस पीपल आर देयर ऑन व्हाट्सएप हेलो सौ करोड़ प्लस लोग हैं व्हाट्सएप पर और ये देखकर फेसबुक ने बोला कि भले ही सौ करोड़ प्लस लोग हैं और जीरो रेवेन्यू दे रहे लेकिन सौ करोड़ लोग तो हैं आज की तारीख में व्हाट्सएप पर हैंड माइक दे दो हेलो हलो हेलो 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 हम्म कहा हम सौ करोड़ प्लस लोग हैं व्हाट्सएप के पास और ये देखकर फेसबुक ने नाइनटीन बिलियन डॉलर दिए अगर व्हाट्सएप रेवेन्यू कमाने के चक्कर में लगता तो शायद कुछ ही उसके सब्सक्राइबर्स होते मुश्किल से पांच सात करोड़ क्या फेसबुक उसे नाइनटीन बिलियन डॉलर देता नहीं तो दोस्तों वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम हमारी कंपनी की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं प्रॉफिट भले ही मैक्सिमाइज हो या ना हो व्हाट्सएप हैज फोकस्ड ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नॉट ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और आज की दुनिया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की है थिंक अबाउट एमेजॉन थिंक अबाउट फ्लिपकार्ट डू दे फोकस ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स नो, दे जस्ट फोकस ऑन कैप्चरिंग मार्केट शेयर कैप्चरिंग मार्केट शेयर मेकिंग मेकिंग देयर साइजेस बिगर एंड बिगर और वो अपना वेल्थ मैक्सिमाइज करते चले जाते हैं अगर आप दुनिया की टॉप टेन कंपनीज़ की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें एमेजॉन आएगा और एमेजोन के प्रॉफिट टॉप टेन कंपनीज के प्रॉफिट की लिस्ट में नहीं आएंगे अमेजॉन टॉप टेन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज नहीं है लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो जरूर टॉप टेन के अंदर है और आपके मेरे सामने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है रिलायंस जियो फ्री जब दोस्तों रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था आपको याद होगा कि रिलायंस जियो ने फ्री में सिम दी थी थ्री ऑफ फ्री चलाओ Internet free. Messages free. Calling free. उसके बाद थ्री मंथ्स और उन्होंने एक्सटेंड कर दिया फ्री का ऑफर और उसके बाद कुछ थोड़े से रुपए लेकर व्हाट देयर फोकस वाज ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कि हमें एक बार सब्सक्राइबर्स को इकट्ठा करना है एक बार सब्सक्राइबर्स हमारे पास आ गए उसके बाद हम कभी भी प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों ये बात करता है हमारा सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं आईसीए की तारीफ करता हूं कि उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस इतना ब्यूटीफुली डिजाइन करा है कि यह फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस स आपके काम में आएगा जॉब फ्लोर पर भी और आपकी पर्सनल लाइफ भी मैं आपको दोस्तों यहाँ पर सिलेबस का इंट्रोडक्शन देता हूं और सिलेबस के इंट्रोडक्शन में हम दो कंपोनेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं एक वो टॉपिक्स हम यहाँ पर देखेंगे जो कि कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड है यहां पर मैं उन टॉपिक्स की बात करूंगा जो आपको जॉब फ्लोर पर काम में आने वाले हैं यानी इन टॉपिक्स में हर एक एक टॉपिक में हमारा करियर बनता है और फिर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है यानी हमारी पर्सनल लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो टॉपिक्स काम में आने वाले हैं दोस्तों सिलेबस का इंट्रोडक्शन मैं दूं उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आना पड़ेगा सो लेट गेट इनटू अ सिचुएशन यू हैव बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन योर रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट 2024 25 26 आप अपने रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट में सीए बन गए वो दो शब्द जिनके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो वो अब आपके नाम के आगे लग चुके हैं आपने लिंकड पर जाकर एक बहुत बड़ा सा अनाउंसमेंट कर दिया आई हैव बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट वो ड्रीम वर्ड अब मेरे नाम के आगे लग गए सब पूरा आपने थे लिखी दोस्तों फाइव टू सेवन डेज लेटर आपके पास एक कनेक्शन की रिक्वेस्ट आई एंड दे आर ऑफरिंग यू जॉब इट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी बेस्ड इन जर्मनी और उनका अभी कोई ऑपरेशंस इंडिया में नहीं है दे आर जर्मनी बेस्ड कंपनी एंड दे हैव अप्रोच यू थ्रू लिंक विथ अ जॉब ऑफर उन्होंने दोस्तों आपके साथ कनेक्शन बिठाया उन्होंने आपका ईमेल आईडी मांगा उन्होंने आपका रेज्यूमे मांगा रेज्यूमे उन्होंने स्क्रीन करा और रेज्यूमे के बेसिस पर उन्होंने आपका इंटरव्यू कॉल स्केड्यूल करा सबसे पहला आपका एचआर राउंड हुआ एचआर राउंड आपने क्लियर करा उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड हुआ टेक्निकल राउंड आपने क्लियर करा जिस पर आपसे डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन हो सकते हैं एफ आर के क्वेश्चन हो सकते हैं सो ऑन राइट ये सारे राउंड्स क्लियर करने के बाद अब आपके पास ऑफर लेटर आया यू फाउंड की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है ये जो कंपनी है इसका बैकग्राउंड ऐसा था कि ये कंपनी जर्मनी बेस्ड कंपनी है और वो इंडिया में अपने ऑपरेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि जर्मनी की आबादी क्या है मट्ठी भर और भारत की आबादी कितनी सारी तो उनका कहना है कि इंडिया का जो अनटैप्ड मार्केट है हमें उसे एक्सप्लोर करना है और इंडिया में अब जीडीपी ग्रोथ हो रही है इनकम लोगों की बढ़ रही है तो हर किसी का लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड हो रहा है और ये जर्मनी की एक ऐसी कंपनी है जो कि लग्जरी बैग्स बनाती हैं शूज़ बनाती है परफ्यूम्स बनाती है और जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है तो इन चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ता है इस एनालिसिस के साथ वो लोग इंडिया मार्केट में आना चाहते हैं दोस्तों उन्होंने आपको रिक्रूट करा और अब जॉब का पहला दिन आपके पास जर्मनी से कॉल आया आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं जूम मीटिंग आप लोगों की चल रही है और उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करा ऑन बोर्ड करते हुए एंड नाउ दे हैव यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन मिस्टर और वी आर अ जर्मनी बेस्ड कंपनी एंड एंड यू नो अबाउट अस वी आर थ्री काइंड ऑफ सेगमेंट्स वी मैन्युफैक्चर परफ्यूम्स वी मैन्युफैक्चर शूज एंड वी मैन्युफैक्चर फैशन गारमेंट्स ये तीन उन्होंने उनके सेगमेंट बता दिए कौन से तीन सेगमेंट जरा रिपीट करें परफ्यूम शूज और फैशन गार्मेंट्स राइट और उन्होंने आपसे सीधा सवाल पूछा वी आर लुकिंग टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया एंड जनरेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया वेयर शेल वी सेटअप अवर प्लांट हम हमारा प्लांट कहां पर सेटअप करें बेस्ड ऑन अवर इंडिया एक्सपीरियंसिस वी हैव फाइनलाइज वी हैव फिल्टर्ड थ्री सिचुएशन थ्री लोकेशन वन इज नोएडा जहां पर हम फैक्ट्री लगा सकते हैं द सेकंड वन इज मुंबई जहां पर हम फैक्ट्री लगा सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र एंड थर्ड इज सपोज पीथमपुर विच इज नियर टू इंदौर हम यहां पर फैक्ट्री लगा सकते हैं नाउ मिस्टर सीए और मिस सीए ए प्लीज गाइडर्स वेयर शेल वी सेट अप अवर फैक्ट्री पंद्रह लाख का सवाल अब आपके सामने उन्होंने सीधा सवाल आपसे पूछ लिया है कि अब हम फैक्ट्री कहां पर लगाए पांच सेकेंड के लिए बिल्कुल वो भी फ्रीज हो गए और हम भी फ्रीज हो गए उसके बाद उन्होंने बोला टेक योर टाइम विल गेट बैक टू यू इन थ्री डेज तीन दिन का समय है आपके पास हम तीन दिन बाद आपसे कनेक्ट करेंगे और आपसे पूछेंगे वापस से इसी सवाल का जवाब कि हमें हमारी फैक्ट्री कहां लगानी चाहिए दोस्तों कॉल डिस्कनेक्ट जाओ अब आप बताइए क्या करेंगे क्या क्या फैक्टर्स एनालिसिस करेंगे कि कहां पर हमें सस्ता लेबर मिल रहा है क्या हमें नोएडा में या फिर हमें पीथमपुर में या फिर हमें मुंबई में रॉ मेटेरियल का एक्सेस कहां से ज्यादा आसान है गवर्नमेंट सब्सिडी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव है ट्रांसपोर्टेशन कहां से ज्यादा आसान पड़ेगा कहां का लॉजिस्टिक्स ज्यादा अच्छा है कहां के रोड ज्यादा अच्छे हैं कहां से कनेक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया की ज्यादा अच्छी है कंज्यूमर बेस कहां पर ज्यादा अच्छा है क्योंकि जहां हम प्रोडक्शन करेंगे अगर उसके नियर टू ही कंज्यूमर बेस रहेगा तो वो एडवांटेजियस पोजीशन में रहेगा हम फटाफट डिमांड को एड्रेस कर पाएंगे और बताइए दोस्तों बहुत अच्छे पॉइंट्स आप बता रहे हैं पॉलिटिकल कंडीशन हम देखेंगे यानी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखेंगे कि इंडस्ट्री को लेकर कितनी सपोर्टिव है क्या दिल्ली की गवर्नमेंट इंडस्ट्री को लेकर ज्यादा सपोर्टिव है या फिर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट या फिर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट राइट right? तो ये सारे फैक्टर्स आप एनालाइज करेंगे दोस्तों ये जितने सारे आपने फैक्टर्स बोले हैं ये मुझे ऑब्जेक्टिव कम लग रहे हैं और सब्जेक्टिव ज्यादा लग रहे हैं मान लीजिए आपने इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज कर भी लिया क्या आप कन्विंसिंगली उन्हें बता पाएंगे कि यह लोकेशन सबसे बेस्ट है डोंट यू थिंक कि सिर्फ इन फैक्टर्स के अलावा भी कई सारे फैक्टर्स होंगे डोंट यू थिंक कि वो जो कंपनी है वो यहां पर हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या सिर्फ इन फैक्टर्स को देखेंगी और इन्वेस्टमेंट कर देंगे और वुड दे नीड अ डिटेल्ड एनालिसिस दे वुड नीड अ डिटेल्ड एनालिसिस दोस्तों आपने एक चैप्टर भी पढ़ रखा है जिसके अंदर ये जो आपने सारी चीजें बोली हैं वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और उससे कहीं ज्यादा और ये चैप्टर तो आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं कैन यू टेल मी द नेम कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग राइट आप कैपिटल बजटिंग में प्रैक्टिकली क्या करते थे राइट बीइंग चार्टेड अकाउंटेंट अगर एक कंपनी आपसे लोकेशन पूछ रही है किस लोकेशन पर हमारा प्रोजेक्ट लगाना चाहिए व्हाट आर यू गोइंग टू डू यू आर गोइंग टू कंडक्ट कैपिटल इन फ्रंट ऑफ यू फैक्ट्री इन नोएडा फैक्ट्री इन मुंबईपुर और अब आप इन तीनों लोकेशन पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे जिसके अंदर जमीन की कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आ जाएगी इन तीनों लोकेशन के जब आप रेवेन्यूज फोरकास्ट करेंगे तो जो आपने पॉइंट बोला था कि कंज्यूमर बेस कहां ज्यादा है वो रेवेन्यूज की फोरकास्टिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा रेवेन्यूज के बाद जब आप कॉस्ट माइनस करते तो जो पॉइंट आपने बोला था कि कहां मुझे चीप लेबर मिलेगा आपने बोला था कहा रॉ मेटेरियल का एक्सेस ज्यादा आसान होगा कहां से ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा आसान होगा वो सब आपके कॉस्ट के कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट होगा इज दैट क्लियर तो दोस्तों जितने सारे आपने पॉइंट्स बोले उन सबको हम समप करके क्या करेंगे कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट बनाकर उसका इवेल्युएशन करेंगे इज दैट क्लियर तो दोस्तों हमारा सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर है एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग तो आप लोग ऑलरेडी इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं अब आप सोच रहे होंगे कि फिर एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग में आखिर क्या आता है जो आपने इंटरमीडिएट में कैपिटल बजटिंग पढ़ा था ना उसमें कुछ कमी पेशी रह गई थी उसमें कुछ फ्लॉ थे सबसे पहला फ्लॉ ये था कि आपने कभी इंफ्लेशन को इनकॉर्पोरेट ही नहीं करा कैपिटल बजटिंग करते वक्त जबकि इन्फ्लेशन तो होता है और आप लोग यूजुअली जब इंटरमीडिएट में कैपिटल बजटिंग करते थे तो एक जैसा रेवेन्यू ले लेते ले थे ईयर वन टू फाइव एक जैसी कॉस्ट ले लेते थे ईयर वन टू फाइव लेकिन क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में नहीं तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कैसे देना वो हम यहां पर सीखेंगे दूसरा एक और फ्लॉ आपके इंटरमीडिएट में रह गया था वो ये था आपने रिप्लेसमेंट डिसीजन पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में है ना रिप्लेसमेंट डिसीजन में दोस्तों देखना कितनी मतलब आ, आ, मजाक की बात होती थी कि ओल्ड मशीन है उसकी रिमेनिंग लाइफ है फाइव ईयर्स ओल्ड मशीन पुरानी मशीन जिसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है फाइव ईयर्स एंड यू आर थिंकिंग अबाउट रिप्लेसिंग इट विथ न्यू मशीन विथ लाइफ ऑफ अगेन फाइव इयर्स सोच के भी आश्चर्य होता है कि पुरानी मशीन की रिमेनिंग लाइफ है अभी पांच साल और नई मशीन की भी लाइफ कितनी है पांच साल क्या नई मशीन की लाइफ फाइव ईयर्स होगी नई मशीन की लाइफ हो सकता है एट ईयर्स हो सकता है ट्वेल्व ईयर्स हो राइट लेकिन आपने ऐसा कोई क्वेश्चन वहां पर नहीं किया रियल लाइफ में क्या होगा न्यू मशीन की लाइफ ज्यादा होगी तो वो चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे राइट right? इसी के साथ साथ और भी कुछ यहाँ पर मजेदार कॉन्सेप्ट हैं वो ये है कि कैपिटल बजेटिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑप्शन होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो हम उसे टू स्टेजेस में भी लगा सकते हैं इन द सेंस कि हम एक बड़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्रिएट करें उसकी वजह एक स्मॉल साइज की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी क्रिएट करें और फिर वो चल निकले वन ईयर टू ईयर के रिजल्ट के बेसिस पर हम फर्दर एक्सपेंशन कर लें तो ऐसे सारे दोस्तों ऑप्शन भी हम यहां पर स्टडी करेंगे राइट right? ये होता है हमारा एडवांस कैपिटल बजटिंग और एडवांस कैपिटल बजटिंग में जो हम यहां पर पढ़ेंगे वही आपको जॉब फ्लोर पर कैपिटल बजटिंग डिसीजन इवेल्युएट करने में काम में आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जब रिलायंस जियो शुरू किया होगा तो क्या ऐसा हुआ होगा कि मुकेश अंबानी जी को मतलब वन फाइन डे उनको एक ड्रीम आया होगा कि यार एक टेलीकॉम कंपनी अपने नाम की भी होनी चाहिए एंड ही जस्ट स्टार्टेड या फिर वहां पर कैपिटल विजिटिंग हुआ ही होगा हुआ ही होगा और हुआ ही था 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो में कितने का 2 लाख करोड़स और आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ही रिलायंस जियो है जो सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो रिलायंस जियो है दो लाख करोड़ जब अंबानी जी ने लगाए थे ना तो उनकी कंपनी की नेटवर्थ ही दो लाख करोड़ थी एक मिनट रिलायंस इंडस्ट्रीज जब 2016 में रिलायंस जियो स्टार्ट हुआ था ना तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यू ही टू लाख करोड़ थी और दो लाख करोड़ की कंपनी पर दो लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना डोंट यू थिंक उस लेवल पर एक व्यक्ति है जो कि अपनी उम्र के 50 प्लस साल के पड़ाव पर है इज टेकिंग सच ए बिग रिस्क क्योंकि अगर ये वेंचर फेल हो जाता कंपनी बैंक हो जाती बैंक यानी जीरो पर आ जाते वो बट फिर भी उन्होंने दो लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा और दो लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट विथ प्रॉपर कैलकुलेशन किया और वहां पर क्या लगता है कैपिटल बजटिंग राइट दोस्तों जॉब से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आपने उन तीन दिनों में कैपिटल बजटिंग का एनालिसिस किया और कंपनी के सामने आपने एनालिसिस प्रेजेंट करा आपने तीनों प्रोजेक्ट्स की प्रोजेक्ट वन प्रोजेक्ट टू तो, प्रोजेक्ट थ्री तीनों प्रोजेक्ट्स की आपने एनपीवी निकाली एंड यू फाउंड की एनपीवी जो सबसे ज्यादा आ रही वो नोएडा में सबसे ज्यादा एनपीवी आ रही क्योंकि वहां पर कंज्यूमर मार्केट ज्यादा पास में है वहां पर एक्सेस टू रॉ मेटेरियल ज्यादा इजी है वहां पर पॉलिटिकल फैक्टर्स आपके फेवर में है और आपको चीप लेबर भी मिल रहा है आपकी एनपीवी सबसे ज्यादा आ रही है कहां पर नोएडा में और अब जूम कॉल फिर से कनेक्ट हुआ जर्मनी से फिर से फोन कॉल आया आपने अपना एनालिसिस प्रेजेंट करा हाफ एन आवर आपने लगाया और आपने ये बताया कि हमें नोएडा में प्लांट लगाना चाहिए बिकॉज एनपीवी यहां पर पॉजिटिव आ रही है दे सॉरी मिस्टर सीए ये जो आपका एनालिसिस है ये कंप्लीटली रॉन्ग है आपने पूरा देखा कि यार इसमें कहां गलत है इनिशियल इन्वेस्टमेंट एनुअल कैश फ्लोस टर्मिनल कैश फ्लोस डिस्काउंटिंग एनपीवी दे सेड सॉरी वी आर फ्रॉम जर्मनी एंड आवर करेंसी इज यूरो एंड यू हैव कंडक्टेड एनालिसिस इन रुपीस it doesn't matter to us whether we are profitable in rupee terms or not what matters to us is that whether we are profitable in euro terms आपके मन में ना एक सेंटेंस आया बस वो तो अच्छा हुआ आपने उनके सामने बोला नहीं सेंटेंस देखना क्या आया आपके मन में सेंटेंस आया कि अगर रुपी बेस्ड एनपीवी पॉजिटिव है तो तो यूरो में भी तो पॉजिटिव ही होगी ना लेकिन एकदम से सेकंड थॉट आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ एक मिनट यूरो वन इज इक्वल टू है ना आप डॉलर यूरो आप समझते हो ना yeah. जर्मनी की करेंसी यूरो यूरो है यूरोन इज इक्वल टू अगर आज एटी फाइव रुपीज है तो क्या आज से वन ईयर डाउन द लाइन यूरो इज इक्वल टू एटी फाइव समथिंग डिफरेंट डिफरेंट तो जो आपके रूपी बेस कैश फ्लोज हैं वो वो यूरो इक्विवेलेंट में वही रहेंगे या वो सब चेंज हो जाएंगे सब चेंज हो जाएंगे एक सवाल है दोस्तों मेरा आपसे अगर रुपी में एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो इट इज फॉर श्योर की यूरो करेंसी में भी एनपीवी पॉजिटिव आएगी ट्रू और फॉल्स फॉल्स कंप्लीटली फॉल्स हो सकता है कि आज आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग रहा हो एट्टी फाइव रुपीज विच इज इक्वल टू यूरो और फर्स्ट ईयर में आपको मिल रहे हो नाइनटी रुपीज कितने मिल रहे हो नाइनटी रुपीज प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 90 रुपीज। तो आपकी एनपीवी रुपीस रुपीज में कितनी आ रही है प्लस फाइव है हाँ यूरो यूरो तो यूरोपियन के एंगल से सोचिए उसने यूरो वन का इन्वेस्टमेंट किया था जब इंडिया में उसे कैश फ्लो नाइनटी मिल रहा है और वो इसे कन्वर्ट करेगा किसमें में यूरोज में यूरो वन इज इक्वल टू कितना चल रहा है एक साल बाद हंड्रेड क्या नाइनटी रुपीज इज इक्वल टू वन यूरो होगा लेस देन वन यूरो भी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी नेगेटिव होगी राइट तो क्या फॉरेन करेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट्स का इवेल्यूएशन हम सी ए इंटरमीडिएट के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं या हमें फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स का को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और जैसे ही दोस्तों हम यहां पर फॉरेन करेंसीज की बात करना शुरू करते हैं तो फिर बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स भी ओपन हो जाते हैं जैसे फॉरेन करेंसी से जब यहां पर अमाउंट आता है और इन्वेस्टमेंट होता है तो रिपेट्रिएशन रेस्ट्रिक्शन नाम

फिर आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा होगा वो हमने लोकल लेवल पर रुपीज में पढ़ा था उसका इंटरनेशनलाइज वर्जन कहां पर पढ़ेंगे यहां पर पढ़ेंगे फिर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि हम डेट से पैसा रेस करते हैं इक्विटी से पैसा रेज करते हैं हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट वट इफ यू रेज फंड फ्रॉम फॉरन अगर आपने फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड से पैसा रेज करा अगर आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग करी ई या आपने जी डी इश्यू करें तो उस केस में आखिर कॉस्ट ऑफ फंड क्या होंगी वो सारी चीजें हम कहां पर पढ़ेंगे IFM में पढ़ेंगे। जो आपने पढ़ रखा है उसका advanced version और I can say internationalized version हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई कि क्योंकि मैं एक foreign company के लिए प्रोजेक्ट का इवेल्यूशन कर रहा हूं तो वॉट मैटर्स टू दैम यूरोज दे विल ब्रिंग यूरोज टू इंडिया दे विल ब्रिंग बैक यूरोस तो उन्हें तो यूरोस में मतलब है आपने अपने सारे कैलकुलेशंस करेक्ट करे एंड यू कनेक्टेड विद दैन दोस्तों कंपनी ने आपका एनालिसिस दे, देखा एंड दे वर वेरी हैप्पी कि आपने बढ़िया एनालिसिस कर दिया यूरो में भी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है थैंक गॉड जो हम उन्हें नोएडा वाली लोकेशन सजेस्ट कर रहे थे वो अब फॉरन करेंसी टर्म्स में भी प्रॉफिटेबल हैं कंपनी ने बोला ठीक है हम दो दिन का समय लेंगे हमारी यहां पर कैपिटल बजटिंग टीम है उनको पूरा प्रपोजल देंगे उन्हें कोई भी डाउट आएगा वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे आप उसका आंसर देना <coughs> दो दिन का समय कंपनी ने लगाया उन्होंने इस कैपिटल बजटिंग प्रपोजल को गो अहेड दे दिया अब यहां पर फैक्ट्री लगाने की कवायद शुरू हुई अब वापस से एक मुद्दा आया फंड्स। फंड आखिर किस तरीके से और कहां से रेज किए जाए देयर आर सो मेनी सोर्सेज जहां से कि हम फंड रेज कर सकते हैं राइट right? हम चाहे तो इंडिया की बैंक से लोन ले सकते हैं हम चाहे तो इंडिया में हमारे बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं हम चाहे तो फॉरेन से पैसा रेज कर सकते हैं दोस्तों जब आप कैपिटल बजटिंग प्रपोजल्स का इवेल्युएशन करते हैं तो आप उसमें डिस्काउंटिंग किस रेट से करते हैं के ओ से के ओ का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आती है और कॉस्ट ऑफ डेट भी आती है राइट right? अब देखना यहां पर एक और इंटरेस्टिंग सी बात कि जब आप कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करते हो तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को टेक इन टू अकाउंट करते हो है ना होना सपोज करें कि जो आप लोन ले रहे हैं डेट ले रहे हैं वो फ्लोटिंग रेट्स पर है आप समझते हो जब मैं वर्ड बोलता हूं फ्लोटिंग रेट्स पर फ्लोटिंग रेट का लोन है मतलब वो जैसे जैसे रेट्स चेंज होंगी वैसे वैसे आप पर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होंगी जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होंगी वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ डेट भी चेंज होंगी जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ डेट चेंज हो रही है आपका के ओ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है आपका के ओ चेंज हो रहा है अब बताइए कि इस कैपिटल बजटिंग प्रपोजल में आपका हर साल के ओ सेम है या हर साल डिफरेंट है हर साल डिफरेंट रियल लाइफ की सिचुएशन क्या है कि के ओ जो हो गया वो अगले दस साल तक सेम ही रहता है या वो हर साल चेंज हो सकता है हर साल चेंज हो सकता है तो इस चेंजिंग के वो में आखिर किस तरीके से कैपिटल बजटिंग प्रपोजल्स का इवेल्यूएशन करें वो भी हम यहां पर सीखेंगे इज दैट क्लियर आपको समझ में आ रहा है हमारा सिलेबस क्या है राइट right? दोस्तों जब आप कोई भी कैपिटल बजटिंग प्रपोजल जब भी जब आप कोई भी कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ी रिस्क होती है कि आप जहां से पैसा बोरो कर रहे हैं वहां पर अचानक से रेट ऑफ इंटरेस्ट शूट अप नहीं हो जाए मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं आप में से शायद कुछ लोगों को पता भी होगी जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था उसके सेकेंड डे अगले ही दिन रशियन सेंट्रल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 परसेंट से बढ़ाकर 20 परसेंट कर दी थी आरबीआई इंडिया में आरबीआई वैसे वहां पर रशिया में अपनी सेंट्रल बैंक कैन यू इमेजिन कि अगर आरबीआई एक दिन अचानक से उठाकर इंडिया चाइना का कोई इश्यू हो जाए और आरबीआई एकदम से उठाकर सेवन परसेंट की रेपो रेट को सीधे 14 कर दे कैन यू इमेजिन कि अभी क्या हो रहा है बहुत सारे जो लोन के प्रपोजल्स होते हैं ना लोन वो सब किससे कनेक्टेड होते हैं रेपो रेट से और अचानक से अगर रेपो रेट डबल हो गई तो आपकी सारी की सारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डबल हो जाएंगे एंड दिस हैपेंड रशिया रशिया के साथ हुआ था दोस्तों अब आप एक बात बताइए अगर ऐसा हो जाता है तो वहां के जो बिजनेसेस है उनकी अचानक से कॉस्ट ऑफ बोरिंग डबल हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ बोरिंग डबल होने की वजह से उनके जो बिजनेसेस है वो प्रॉफिटेबिलिटी से स्लिप होकर लॉसेस में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं आ सकते हैं राइट right? क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे कि आप मुझे बता सके कि सर इस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे यानी इंटरेस्ट बढ़ भी जाए तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हाँ जी प्रोविजन एग्रीमेंट बट आपका तो फ्लोटिंग रेट वाला एग्रीमेंट है मिनट जो मैंने बोला क्या इसकी जरूरत कभी पड़ सकती है नहीं पड़ सकती पड़ सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पचास हजार करोड़ रुपए बोरो इमेजिन कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वन परसेंट से इंक्रीज होती तो इंपैक्ट कितना आता है करोड़ का 1 कितना होता है पांच करोड़ का इंपैक्ट सीधे उनके पी एनडेल में आता है सीधे उनका प्रॉफिट 500 करोड़ से अफेक्ट होता है और अगर 2 परसेंट से रेट बढ़ गई तो 1000 करोड़ से उनका प्रॉफिट कम हो जाता है ऐसे केस में वहां के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनमें यह टैलेंट होना चाहिए कि अगर वह फोरकास्ट कर पा रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाली है तो, तो कैसे अपनी कंपनी को इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने के इंपैक्ट से बचाया जाए This is what we are precisely going to learn in our next chapter that is interest rate risk management ये हम सीखेंगे कहां पर interest रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में हम सीखेंगे राइट दोस्तों फॉरन एक्सपोजर भी हम पढ़ेंगे जिसमें मैंने आपको बताया कि हम कैसे foreign से बोरोइंग करते हैं कैसे foreign में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका इंपैक्ट किस तरीके से देना दोस्तों इसी के साथ हमारी ये जो कंपनी है वो स्टार्ट हो गई इसके ऑपरेशन स्टार्ट हो गए हैं कंपनी ने बढ़िया से प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया सेल्स करना शुरू कर दिया अब अचानक से कॉम्पिटिशन ने देखा और उन्होंने देखा कि कंपनी तो कुछ प्रॉफिट कमाना शुरू हो गई और कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा चलने लग गया है अब आती है कंपटीशन और जैसे ही कंपटीशन पिक्चर में आती है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगती है आपने एक कॉल किया जर्मनी और बोला कि नाउ देयर इज अ फियर्स कंपटीशन जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो गए हैं हमारे यहाँ का टैलेंट वो लोग पोच कर रहे हैं टैलेंट लेकर जा रहे हैं हमारे मार्केट पर कब्जा कर रहे हैं हमारा मार्केट शेयर जो पहले 80 परसेंट था वो अब कम होकर सिक्सटी परसेंट फिफ्टी हो गया एंड देयर इज अ फियर्स कॉम्पिटिशन वॉट शेल वी डू आपने कॉल कनेक्ट करा कहाँ पर जर्मनी जर्मनी से आपको एक फरमान आया उन्होंने बोला उठा लो सामने वाले को उठा लो आपने कहा ठीक है समझ गए बताइए दोस्तों क्या समझ गए मॉर्जर्स एंड एक्विजीशन राइट सो हियर कम्स इन टू पिक्चर अवर नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड लैस मॉर्जर्स एक्विजीशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आप किसी कंपनी को चला रहे हैं तो कंपनी की लाइफ में ऐसे मोड आ सकते हैं जब आपको मॉर्जर्स एंड एक्विजीशन करने पड़े Yes. तो and किस तरीके से किए जाते हैं डील किस तरीके से होती है किस तरीके से होते हैं वो सारी हम कहां पर सीखेंगे, सीखेंगे. दोस्तों जब भी आप करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है जो कि अक्वायर और टारगेट के बीच में डिसाइड होता है एंड दट इज परचेज कंसिडरेशन कि आखिर हम कितने में सामने वाली कंपनी को अक्वायर करें राइट right? जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर करा एंड दे हैव कम अप एट कितना 19 बिलियन डॉलर्स सो दे मस्ट हैव मेड सर्टेन कैलकुलेशंस आखिर ये कैलकुलेशंस उन्होंने कैसे किए होंगे उसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप का वैल्यूएशन किया होगा उसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप का वैल्यूएशन किया होगा दोस्तों वैल्यूएशन आखिर किस तरीके से किया जाए वो हम सीखते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर यहां पर हम वैल्यूएशन करना सीखेंगे वैल्यूएशन यानी कंपनी का वैल्युएशन तो प्रैक्टिकली जब आप ये चैप्टर सीख लेंगे तो आप अल्फा एकेडमी का वैल्यूएशन कर पाएंगे क्या आखिर अल्फा एकेडमी का वैल्यूएशन क्या है और ये जो वैल्यूएशन चैप्टर है आपको रियल लाइफ में स्टॉक मार्केट में भी काम में आएगा इनफैक्ट जब कंपनीज के आईपीओ आते हैं तब क्या होता है वैल्यूएशन होता है तो दोस्तों हम यहां पर सीखेंगे सिक्योरिटी एंड बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में राइट right? दोस्तों आपने उस कंपनी को उठा लिया उसका वैल्यूएशन कर लिया चार पांच साल आपको जॉब करते करते हो गए आप सीनियर मोस्ट पोजीशन पर हैं अच्छा खासा आपका पैकेज चल रहा है पर दिल में एक अरमान है कि क्यों ना मैं एक काम करूं थोड़ा फाइव इयर्स टेन इयर्स जॉब करने के बाद ना एक ऐसा फील आता है कि यार जब इस कंपनी को मैंने शुरू से खड़ा किया है ये जर्मनी बेस्ड कंपनी को और अब तो मेरा इतना पैकेज भी हो गया है तो मेरे पास अच्छे खासे फंड इकट्ठे हो गए हैं क्या होती है थॉट प्रोसेस फाइव ईयर्स टेन ईयर्स डाउन द लाइन की मैं काम करूं खुद का ही कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर दूं क्योंकि यार एक खुद की कंपनी कंपनी का ओनर वो फील अलग होता है आपने मन बनाया कि क्यों ना मैं अपना खुद का कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर दूं राइट अब आप स्टार्टअप के लिए आइडियाज इवेल्युएट करने लग गए आपके पास कुछ फंड इकट्ठे हो गए थे दस साल जॉब करने के बाद आपके पास कुछ पांच करोड़ दस करोड़ टैवर ये कुछ फंड आपके पास इकट्ठे हो गए और आपने कहा क्यों ना मैं अपना स्टार्टअप करूं मेरे इतने सारे इन्वेस्टर्स से कॉन्टेक्ट भी तो है तो मैं अपने आइडिया के लिए उन इन्वेस्टर्स को कन्विंस करूंगा और उनका भी फंड्स लगवाऊंगा और जब मैं इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी के अंदर लेकर आऊंगा वैल्यू बनेगी प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे कुछ क्रिएटिव काम करेंगे और वैसे भी अभी तो स्टार्टअप का काफी क्रेज चल रहा है दोस्तों स्टार्टअप का कोई आइडिया है आपके दिमाग में स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए तो फिनटेक फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन जैसे पेटीएम है या गूगल पे हुआ फोनपे हुआ ये सब क्या है दिस आर फिनटेक स्टार्टअप राइट फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं राइट अब दोस्तों स्टार्टअप जब भी आ, कुछ भी नया काम करता है तो उसे काफी सारे फंड्स की जरूरत होती है राइट स्टार्टअप में फंड्स कौन लोग लगाते हैं आप एक दो तो मुझे नाम बताइए ना कि आ, किन तरह के लोग आपने नाम सुने होंगे वेंचर कैपिटल एंजल इन्वेस्टर्स राइट तो एंजल इन्वेस्टर्स आखिर कौन होते हैं वेंचर कैपिटल आखिर कौन होते हैं हम कैसे उनको पिच कर सकते हैं कैसे अप्रोच कर सकते हैं हम उन्हें कैसे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपने आइडिया के बारे में कैसे उन्हें कन्विंस कर सकते हैं ये सारी चीजें जानेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्टअप फाइनेंस की स्टार्टअप की आखिर फाइनेंसिंग किस तरीके से की जाती है राइट right? तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर सेवन एक्चुअली स्टार्टअप फाइनेंस हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड कई बरसों से चली आ रही है आईटीसी बरसों से चली आ रही रिलायंस बरसों से चली आ रही है टाइटन बरसों से चली आ रही है इन कंपनीज़ को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबली रन करना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है यानी आपने शायद आपकी स्कूल लाइफ में एक सेंटेंस सुना होगा कि स्कूल में फर्स्ट रैंक लाना आसान है लेकिन फर्स्ट रैंक को मेंटेन करना हर बार वो मुश्किल है राइट सिमिलरली दोस्तों एक कंपनी को अच्छे लेवल पर ले जाना आसान है लेकिन अच्छे लेवल पर ले जाकर उसे कंसिस्टेंटली टॉप टियर में रखना वो मुश्किल है और ऐसे केसेस में दोस्तों एथिक्स पॉलिसीज करेक्ट स्ट्रेटजीज ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यानी कई सारी ऐसी इतिहास में कंपनियां हुई हैं जो कि अपने समय की टॉप नॉच कंपनीज थी लेकिन आज वो कंपनीज बैंक हो चुकी है कोडेक 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 कैमरा नोकिया ये नाम सुने होंगे आपने दोस्तों जब लोगों ने इंडिया में सबसे पहला सेलफोन खरीदा था ना तो हर किसी की लाइफ का सबसे पहला सेलफोन ही कौन सा हुआ करता था नोकिया का आज की तारीख में नोकिया का नाम है क्या नहीं है जबकि नोकिया उस वक्त की सबसे टॉप कंपनी हुआ करती थी उसी तरीके से जब आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि उन्होंने उनका जो सबसे पहला फोटो खिंचवाया वो कौन से कैमरे से खींचा हुआ है तो वो कोडेक से ही खींचा हुआ है जिस जमाने में वो फोटो खींचते थे, थे और वो पेपर पर प्रिंट निकलता था और वो रील निकलती थी राइट है ना उस वक्त कोडेक दुनिया की ऐसी कंपनी थी कि पूरे वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कोडेक कैमरा का नाम चलता था लेकिन उनसे कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हो गई हैं जिसकी वजह से वो कंपनी बैंक हो गई कोडक आज की तारीख में बैंक है। राइट right? नोकिया का कोई नामो निशान नहीं है राइट right? तो दोस्तों अगर हम हमारे स्टार्टअप को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं देन वी नीड टू हैव फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज हमें हमारी कंपनी के अंदर कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज कुछ ऐसी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज इन करनी पड़ेंगे और रियल लाइफ में कंपनीज ऐसा करती हैं ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना हिंदुस्तान यूनिवर यहाँ पर एक सेगमेंट एक डिपार्टमेंट बना हुआ होता है स्ट्रेटिक स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट जो कि डेली बेसिस पर एक चीज़ इवेल्युएट करता है कि क्या कोई हमारा नया कॉम्पिटिटर आया है अगर आया है तो इसे करो कि ये कौन कॉम्पिटिटर है है ये हमें कितनी दे सकता डेली बेसिस पर ये होता है वहां पर कि कौन नया कॉम्पिटिटर पैदा हुआ है उसको देखो और क्या वो हमें हिट कर सकता है और अगर वो हमें हिट कर सकता है तो हम उसे कैसे काउंटर करें क्योंकि अगर आपने ये नहीं करा और एक भी कॉम्पिटिटर सौ कॉम्पिटिटर आएंगे अगर एक भी कॉम्पिटिटर आपके ऊपर भारी पड़ गया तो यू हैव टू पे कॉस्ट राइट तो ये लोग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाकर ऐसा काम करते हैं राइट right? वो चीज यही सीखेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर सेवन दैट इज फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ओके दोस्तों जब आप फिनटेक स्टार्टअप करेंगे है ना फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी तो आपको पता है पेटीएम लोन्स भी देता है पेटीएम लोन एक्सटेंड करता है राइट right? है ना जब हम लोन देते हैं सपोज करो आपने सौ करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करा और आपने हंड्रेड करोड़ के लोन बांट दिए बस हो गया दैट्स इट हंड्रेड करोड़ आपने रेज करे और हंड्रेड करोड़ के आपने लोन बांट दिए खत्म लाख रुपीज का लोन चाहिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एडिशनल फंड रेज कर लो लेकिन अभी मार्केट में एडिशनल फंड रेज करने जैसा माहौल नहीं एडिशनल फंड बड़ी मुश्किल से रेज हो रहे हैं ऐसे केसेस में कॉन्सेप्ट काम में आता है जो आपने इंटरमीडिएट में भी नाम सुना हुआ होगा सिक्योरिटाइजेशन कभी नाम सुना है क्या सिक्योरिटाइजेशन मुझे सिक्योरिटाइजेशन एक नाम था एक वर्ड था दोस्तों सी इंटरमीडिएट के सिलेबस में हम सिक्योरिटाइजेशन में क्या करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग लोन हमने जो दे रखे हैं ना हम उसका एक पार्सल बनाते पैकेज बनाते और उस पैकेज को हम किसी को सेल आउट करते हैं और उससे फंड करते हैं और फिर से उन फंड्स को हम लोन के रूप में बांटते हैं सो दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग राइट अभी सिक्योरिटाइजेशन डिटेल में क्या प्रोसेस होती है वो हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में दैट इज सिक्योरिटाइजेशन राइट फिर दोस्तों इसके बाद ये हुआ हमारा सारा का सारा इंट्रोडक्शन किससे रिलेटेड कॉर्पोरेट फाइनेंस के टॉपिक्स से रिलेटेड राइट ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि जॉब फ्लोर पर काम में आते हैं एक बार मैं अगर रिपीट करूं सारे टॉपिक्स को तो हमने सबसे पहले एडवांस कैपिटल बजटिंग देखा था फिर हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा था फिर हमने फॉरन एक्सचेंज देखा था फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट देखा था फिर उसके बाद हमने मॉर्जर्स एंड एक्विजिशन देखा उसके बाद हमने वैल्यूएशन देखा फिर उसके बाद हमने स्टार्टअप फाइनेंस और फिर उसके बाद फाइनेंशियल पॉलिसी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी राइट ये सारे हमारे टॉपिक्स थे किससे रिलेटेड कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड अब कुछ पर्सनल फाइनेंस की बात हो जाए जो कि हमारे सिलेबस में ऐसे टॉपिक्स है जो कि हमारी पर्सनल लाइफ में काम में आएंगे यानी आप सी बनने के बाद जॉब भले ही मत करो प्रैक्टिस करो टीचिंग कर लो कुछ भी कर लो दोस्तों पैसा तो कमाओगे है ना जॉब करोगे पैसा कमाओगे प्रैक्टिस करोगे पैसा कमाओगे टीचिंग तो खैर दोस्तों सेवा हाँ भाव से होती है तो किसी भी तरीके से दोस्तों आप जब पैसा कमाओगे है ना जस्ट इमेजिन कि सीए बनने के बाद आपकी जॉब लगी फर्स्ट ऑफ फ़रवरी को आपने ज्वाइन करा 28 फरवरी का दिन है आज आप रात को आठ बजे ऑफिस से लॉग आउट करके निकले अगले दिन एक मार्च सुबह जब आप सात बजे उठे दोस्तों एक मैसेज आया आपके सेलफोन पर, टेंग, योर अकाउंट एक्स 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 सिक्स सिक्स फाइव हैज बिन क्रेडिटेड विथ वन लाख टू थाउजेंड रुपीज एक लाख दो हजार रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए एंड नाउ योर अवेलेबल बैलेंस इज वन लाख टू थाउजेंड फिफ्टी रुपीज एक लाख दो हजार रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए या आपकी पहले मंथ की सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट क्या करेंगे अब आप इन एक लाख दो हजार रुपए का तो नॉर्मली दोस्तों जो पहली वाली सैलरी होती ना उसके ऊपर बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं

सीए फाइनल पास हो गए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए दोस्त आया फिर से गले लगाया और उसने बोला मेरा भाई सीए है अब मुझे पार्टी देगा आपने बोला अभी तो सिर्फ सीए बना हूं जॉब तो लगने दे जॉब दोस्तों ऑफर लेटर आ गया आपके हाथ में पंद्रह लाख रुपए के पैकेज का दोस्त आया फिर से गले लगाया उसने बोला भाई अब तो तेरी जॉब लग गई अब तो पार्टी दे आपने बोला जॉब लग गई पर अभी सैलरी तो आने दोस्तों अब तो एक महीना पूरा हो गया अब तो सैलरी भी अकाउंट में क्रेडिट हो गई है वो अपना दोस्त अपने होम टाउन से बोला मैं आ रहा हूं मुंबई तेरे पास भाई को पार्टी चाहिए दोस्तों अब वो आ गया मुंबई तो अब एक तो हमारे पार्टी के बहुत सारे कमिटमेंट रहते हैं जो अब तो दे अब तो कुछ बचा ही नहीं ना यार अब तो पैसे ही आ गए ये रहता है दूसरी एक और चीज रहती है और हमारी जिंदगी की पहली कमाई मम्मी पापा जिन्होंने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया है जिनके इतने अरमान थे कि हमारा बेटा बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने अब हम बन गए और हमारी पहली सैलरी आ गई है क्या हम उनके लिए पहली सैलरी तो पहली सैलरी दोस्तों हमारी गिफ्ट्स में चली जाती है पार्टीज में चली जाती है दूसरी सैलरी आई फिर से एक लाख दो हजार तीसरी सैलरी आई एक लाख दो हजार तीन चार पांच महीने में तीन चार लाख पांच लाख का बैलेंस इकट्ठा होने लगा क्या करेंगे दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट राइट right. क्योंकि जिंदगी में जो भी लोग अमीर हुए हैं ना वो एक जॉब वॉब करके अमीर कोई नहीं हुआ है पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं है ना ये जो हमारा पंद्रह लाख का पैकेज होता है ना इससे अमीर कोई नहीं हुआ है इनफैक्ट आप एक काम करो चलो मैं आपको रियलाइज करवाता हूँ आप इमेजिन करो कि आपकी फैमिली में आपके रिलेशन में जो भी व्यक्ति अमीर है उनको सोचो अभी दिमाग में सोचा आपने उनके बारे में क्या वो व्यक्ति जॉब से अमीर हुए हैं क्या वो व्यक्ति अपने बिजनेस के प्रॉफिट से अमीर हुए हैं या इन्वेस्टमेंट से अमीर हुए हैं इन्वेस्टमेंट से अमीर हर व्यक्ति किसी भी बड़े व्यक्ति का ख्याल मन में ले आओ वो सब इन्वेस्टमेंट से अमीर हुए या तो प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट से अमीर हुए या शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट से अमीर हुए कहीं कही ना कहीं उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं दोस्तों क्योंकि हम अभी जॉब कर रहे हैं हमारा कोई एक दो पाँच करोड़ का तो बैलेंस हो नहीं गया है कि हम कोई जाकर प्रॉपर्टी खरीद लें तीन पाँच लाख रुपए से हम क्या कर सकते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स तो कर सकते हैं और शेयर मार्केट एक बहुत आ, अच्छा इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू है ऐसा कहते हैं कि प्रॉपर्टी से भी ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न निकलता है किसमें शेयर मार्केट में राइट तो दोस्तों जब हमारे पास सैलरी आनी शुरू होगी तो क्या आप उसे बैंक अकाउंट में रखेंगे सेविंग अकाउंट साढ़े तीन परसेंट का ब्याज इन्फ्लेशन सात परसेंट नहीं राइट यू हैव टू इन्वेस्ट इट राइट अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करें किस शेयर में करें कितना करें किस प्राइस पर करें कब बेचें किस प्राइस पर बेचें वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में दैट इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट राइट क्योंकि आपकी जो जॉब है वो आपको रेगुलर इनकम देगी लेकिन आपको अमीर नहीं बनाएगी आपका सर्वाइवल होगा लेकिन अगर अमीर बनना चाहते हो तो यू हैव टू इन्वेस्ट इट समेर राइट और हम इन्वेस्टमेंट कहां करें इन्वेस्टमेंट्स में कितना रिटर्न्स मिलेगा किस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करें किस प्राइस पर एंट्री लें किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाए क्या आप किसी एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दोगे सारा पैसा नहीं तो किस तरीके से पोर्टफोलियो डिजाइन करें ताकि हमारे रिटर्न मैक्सिमाइज हो और रिस्क मिनिमाइज हो ये चीज हम कहां पर सीखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इज दैट क्लियर ओके दोस्तों पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जब आप करोगे तो आपको शेयर्स का एनालिसिस करना होगा एक मिनट दो तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकता है एक तो आप टिप 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 आती ना शेयर मार्केट में कि इसका शेयर बाय कर लो ये स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है ऐसी टिप्स आती हैं राइट है ना ऐसी कही सुनी चीजों पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम नहीं बने हुए You are a यार, है ना? वो जो आपको टिप दे रहा है ना मैं आपको बताऊप ये जो बहुत सारे लोग नहीं, आज की में चलाते हैं, और टिप हैं, है ना जो अपने आपको बता दें एक बहुत बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट जो आप उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखोगे ना तो आप सर पीट लोगेगी यारिकॉम पास है और बिकॉम तो कोई भी पास हो जाता है तो वो लोग क्या इन्वेस्टमेंट की टिप देंगे हम उनकी टिप पर काम करेंगे नहीं दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपको खुद को करते आना चाहिए जैसे मैं मेरी खुद की बात करूं मैं कभी किसी से टिप नहीं लेता हूं कि कोई मुझे टिप दे दे कि कौन सा शेयर खरीदना है इनफैक्ट कोई मुझे टिप देता है तो मैं उसको कंप्लीटली इग्नोर करता हूं मैं बस उस कंपनी का नाम रखता हूं मेरे दिमाग में कि अच्छा जैसे किसी मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल करा कि प्रवीण ये वाला शेयर बहुत अच्छा है मैं कहता हूँ ठीक है ये शेयर का नाम नोट कर लिया अभी मैं इसका कंप्लीट एनालिसिस करूंगा मेरे ही ओपिनियन में देखूंगा कि इस कंपनी का क्या वैल्यूएशन है क्या इसका फ्यूचर का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है इसके शेयर में किस प्राइस पर एंट्री करनी चाहिए किस इस पर एग्जिट करना चाहिए वो सब मेरा खुद का होता है और ऐसा ही आपको बनना पड़ेगा अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो अगर कहीं सुनी टिप पर आपने पैसा लगाया तो जैसे आएगा वैसे ही जाएगा और अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद द द द सेम सेम एट एट लेवल राइट तो दोस्तों वैल्यूएशन आपको करना आना चाहिए और वो हम सीखेंगे शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे करना हमारे नेक्स्ट चैप्टर में दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने सुना हुआ होगा चार्ट्स पैटर्न्स, राइट वो भी हमारे सिलेबस में है यानी हम हमारे सिलेबस में टेक्निकल एनालिसिस भी सीखेंगे राइट right? तो दोस्तों हमारे आप समझ रहे हैं जो ए एफ एम का सिलेबस कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि आपको जॉब फ्लोर के भी सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर और जो आपकी पर्सनल लाइफ में काम में आने वाले हैं वो भी सारे टॉपिक्स हैं अगर आप सी ए इन प्रैक्टिस भी हो तो भी पैसा कमाओगे इन्वेस्टमेंट करोगे एंड यू माइट नीड टू यूज टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं राइट right? <laughs> इसी के साथ साथ दोस्तों एक सवाल है मेरा आपसे उस सवाल का आप जवाब दीजिएगा फिर मैं आपको चीज बताता हूं जब आप किसी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं है ना कंपनीज के बॉन्ड में डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो बॉन्ड्स पर डिबेंचर्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है चलिए बताइए एट परसेंट टेन परसेंट जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होंगे तो सेवन एट परसेंट कारपोरेट बॉन्ड्स हुए रिलायंस का बॉन्ड हुआ टाटा का बॉन्ड हुआ टेन परसेंट इलेवन परसेंट है ना ओके तो बॉन्ड मार्केट में क्या बीस परसेंट रिटर्न कमा सकते हो नहीं कमा सकते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है बॉन्ड मार्केट में आप ट्वेंटी परसेंट रिटर्न कमा सकते हो यानी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप शेयर मार्केट में जितना रिटर्न कमा सकते हो ना उससे ज्यादा रिटर्न आप बॉन्ड मार्केट में कमा सकते हो अब आप ये आश्चर्य में पड़ गए कि बीस परसेंट रिटर्न कैसे कमा सकते हैं में। वो तो लेवरेज हो गया और लेवरेज हो गया तो रिस्क आ गई तो मैं तो बिना ज्यादा रिस्क लिए आपको ट्वेंटी परसेंट रिटर्न की एक स्कीम बताने वाला हम्म देखिए तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एक जैसी रहती है इकोनॉमी में या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होती रहती है चेंज होती रहती है right? आपको पता होगा कि कोविड का जब वक्त था 2020 में तब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई थी या तब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत, बहुत हाइक कर दी राइट right? दोस्तों मैं यहां पर पैटर्न बता रहा हूं इंटरेस्ट रेट का एक साइकिल होता है राइट इंटरेस्ट रेट के साइकिल में जब आप पीक पर हो कहां पर हो पीक पर हो राइट सपोज करें कि आज की तारीख में हम इंटरेस्ट रेट साइकिल के पीक पर हैं। लेट्स मेक एन और इंटरेस्ट रेट की का पीक बन रहा है एट परसेंट पर कितने परसेंट पर एट परसेंट पर राइट right? ओके okay. आप इंटरेस्ट रेट साइकिल के पीक पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए क्या कर दीजिए इंटरेस्ट रेट साइकिल के पीक पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए यानी ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही बॉन्ड की बात कर लेता हूं विच इज द सेफेस्ट थिंग इन द कंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी बॉन्ड इश्यू कर रही है वन लाख रुपीज का फेस वैल्यू है और वन लाख रुपीज की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड एट परसेंट के कूपन पर इशू हो रहा है एट परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रॉमिस कर रहा है आपने एक लाख ट्रांसफर कर दिए आपके पास वन लाख रुपीज का बॉन्ड आ गया उस पर कूपन कितना लिखा हुआ है एट अब एक आम इंसान जब उसे सुनेगा तो क्या समझेगा कि एट परसेंट रिटर्न अब ये व्यक्ति हर साल कमाएगा लेकिन देखना क्या हुआ हमने कब इन्वेस्टमेंट करा जब वो इंटरेस्ट रेट साइकिल अपने पीक पर थी है ना 7.5% परसेंट हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में अच्छा 7.5% परसेंट जब इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो आपको अब 7.5 मिलेगा या आपको तो 8 ही मिलेगा एट ही मिलेगा क्योंकि बॉन्ड्स का जो कूपन रेट होता है वो फिक्स होता है राइट सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई तब भी आपको कितना मिल रहा है एट सेवन परसेंट हो गई तब भी एट और इस तरीके से गिर गिर कर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से फाइव परसेंट पर आ गई नहीं आ सकती क्या फाइव परसेंट पर आ सकती अब दोस्तों इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है फाइव परसेंट एंड यू आर होल्डिंग अ बॉन्ड पेपर विच इज गिविंग यू एट परसेंट का कूपन रेट जब आप इसे बाजार में सेल करने जाएंगे क्या आप इसे वन लाख ,00 में सेल कर देंगे वन लाख ,00 से कम में सेल करेंगे या वन लाख से ज्यादा ज्यादा क्योंकि अब एक नया व्यक्ति जो बॉन्ड मार्केट में आएगा फ्रेश रुपए लेकर वो जब कंपनीज या गवर्नमेंट जो बॉन्ड इश्यू कर रही है तो वो जो बॉन्ड खरीदेगा वो तो फाइव परसेंट ही रेट ऑफ रिटर्न देंगे और हमारा बॉन्ड ऑलरेडी हमारे वी आर होल्डिंग अ बॉन्ड बिकॉज वी बॉट एट द पीक ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल बॉन्ड इज एट परसेंट रिटर्न और नए बॉन्ड सिर्फ कितना दे रहे फाइव परसेंट हमारे बॉन्ड की वैल्यू क्या वन लाख होगी या उससे ज्यादा होगी उससे ज्यादा होगी इनफैक्ट अब आप इमेजिन कर पा रहे हो कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में गिरती है तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स होते हैं उनकी वैल्यूज बढ़ती है तो बॉन्ड मार्केट में क्या सिर्फ जितना कूपन रेट छपा हुआ होता है सिर्फ उतना ही कमाने का मौका है या बॉन्ड मार्केट भी शेयर मार्केट के जैसा है जिसमें बॉन्ड के भाव चेंज होते हैं बॉन्ड के भाव बॉन्ड के प्राइस चेंज होते हैं और ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा ये जो वन लाख का बॉन्ड ना ये आराम से वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में बिकेगा तो भी लोग फायदे में रहेंगे क्योंकि या तो वो वन लाख रुपीज दे और फाइव परसेंट इंटरेस्ट कमाए कितना एक लाख पच्चीस एट थाउजेंड लाख रुपए लगाकर पांच हजार कमाना ज्यादा अच्छा है या सवा लाख लगाकर आठ हजार जब आप परसेंटेज निकालोगे तो वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लगाकर एट थाउजेंड कमाने का रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज ज्यादा आएगा तो आप समझ रहे हो 25% परसेंट कैपिटल गेन हुआ है आपको किसमें बॉन्ड में यानी बॉन्ड मार्केट दिखता है ऐसा है कि सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन बॉन्ड के प्राइजेस डेली फ्लक्चुएट होते हैं तो बॉन्ड मार्केट में भी पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है अब इस केस में आपको ये समझते आना चाहिए कि कब इंटरेस्ट रेट साइकिल का पीक है और कब उसका ट्रफ है कब उसका बॉटम है और ये ज्यादा आसान होता है पता करना इंटरेस्ट रेट के साइकल के पीक और बॉटम पकड़ना ज्यादा आसान है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऐसी नहीं होती कि 80 परसेंट हो रेट ऑफ इंटरेस्ट सत्तर परसेंट हो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसी कभी सुनी आपने नहीं राइट right? इंडिया में नहीं राइट right? तो आप जानते हो एक ब्रॉड रेंज होती इंटरेस्ट रेट की और उस रेंज के अगर हम टॉप को टच कर रहे हैं मतलब वी आर नियर टू द पीक और जब आप उस रेंज के बॉटम को टच कर रहे हो यानी गैस हाँ अब ये बॉटम आ चुका है इंटरेस्ट रेट का तो इंटरेस्ट रेट साइकल्स को पकड़ना ज्यादा आसान है तो बॉन्ड मार्केट के अंदर हम कॉन्फिडेंस के साथ पैसा कमा सकते हैं और बॉन्ड मार्केट में किस तरीके से वैल्यूशन किए जाते हैं बॉन्ड मार्केट में क्या रिस्क होती है वो सारी चीजें जानेंगे हम, हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में दैट इज मैनेजमेंट ऑफ बॉन्ड्स पोर्टफोलियो इज दैट क्लियर ठीक है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एफ एंडो कॉल पुट ये शब्द कभी सुने दोस्तों ऑप्शंस यस आखिर ये डेरेवेटिव मार्केट क्या होता है वो हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में डेरेवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन राइट आई एम वेरी श्योर कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे शेयर खरीदे बेचे होंगे और कुछ कुछ लोगों ने तो ऑप्शन भी खरीदे बेचे होंगे यस yes, ओके okay. तो दोस्तों हम यहां पर सीखेंगे कि ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं ऑप्शन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन नाम की कोई चीज होती है जिन्होंने नहीं कर रखी ट्रेडिंग में जरा भी चिंता ना करें हम स्क्रेच से सारी चीजें शुरू करेंगे लेकिन ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होते हैं फ्यूचर्स क्या होता है इनका वैल्यूएशन कैसे होता है यानी जिन्होंने ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रखी उनके लिए एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा कि अभी जब आपने ऑप्शन खरीदे तो बस आपने स्क्रीन पर भाव देखा कि ऑप्शन पच्चीस रुपए का चल रहा है खरीद लो पर आपने ये नहीं सोचा है कि ये पच्चीस रुपए का क्यों चल रहा है बीस रुपए का क्यों नहीं चल रहा है और ये तीस रुपए का क्यों नहीं चल रहा है देयर हैज टू बी सम रीजन दैट इज समर ट्रेडिंग एट ट्वेंटी फाइव ये सारे वैल्युएशन ऑप्शन के बारे में डीपली हम यहां पर समझते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में कॉल्डेज डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन राइट दोस्तों शेयर मार्केट में नॉर्मली प्रॉफिट होता है नॉर्मली लॉस होता है नॉर्मली लॉस होता है लेट मी बी फ्रैंक नॉर्मली शेयर मार्केट में लॉस होता है और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ने शेयर मार्केट में अभी पैसा लगाया होगा बाइंग सेलिंग करी होंगी खरीदा बेचा होगा वेरी श्योर sure कि आप में से बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ होगा उसके पीछे रीजन ये है कि आप लोग शेयर मार्केट को समझते हैं टी ट्वेंटी क्रिकेट जबकि शेयर मार्केट है टेस्ट मैच डिफरेंस समझे मैंने क्या बोला हम शेयर मार्केट में किस सोच के साथ उतरते हैं कि ये मैंने वन लाख रुपए इन्वेस्ट करें पंद्रह दिन में पैसा डबल यानी कि एक लाख रुपए को मुझे क्या बनाना है दो लाख रुपए बनाना है आप इस सोच के साथ शेयर मार्केट में उतरते हैं नॉर्मली कोई बुराई नहीं है जब मैंने भी पहली बार शेयर मार्केट करा था हम भी इसी सोच के साथ उतरे थे राइट तो वन लाख रुपीज को हमें करना है टू लाख रुपीज हम इस सोच के साथ उतरते हैं कि हमें ऐसी स्कीम चाहिए कि पंद्रह दिन में पैसा डबल लेकिन वो वन लाख के होते हैं एट्टी थाउजेंड फिर एट्टी के होते हैं सिक्सटी सिक्सटी के होते हैं फोर्टी थर्टी ट्वेंटी सीरो खत्म शेयर मार्केट इज नॉट ए टी ट्वेंटी क्रिकेट मैच जिसमें आए चौके छक्के लगाए इट इज अ टेस्ट मैच यू हैव टू बी पेशियंट यू हैव टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हालांकि बोलते वक्त ऐसा लगता है ये लॉन्ग टर्म कौन करेगा राइट right? लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा कमाया है ना लोगों ने वो कमाया ही कहां पर है लॉन्ग टर्म में और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो एक तो पीस ऑफ माइंड रहता है जैसे मैं आपको मेरे दो तीन पर्सनल इन्वेस्टमेंट बताता हूं आई टी सी नाम की कंपनी उसका मैंने शेयर खरीदा था वन फिफ्टी रुपीज में कितने में डेढ़ सो

ट्रिपल तो हो ही गया और आप में से किसी को अगर पता हो तो आई तो डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता फाइव टू सिक्स परसेंट जो बैंक की एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना उतना तो वो डिविडेंड दे देती है राइट तो दोस्तों शेयर मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे देन प्रोफिट्स तो होकर ही रहने मतलब तय है कि आपको प्रॉफिट होकर रहेंगे दस में से आठ से नौ शेयर में आपको प्रॉफिट हो जाएगा और वो एक दो शेयर में लॉस होता है तो ठीक है बिकॉज शेयर मार्केट में हंड्रेड परसेंट थिंक आपके कंट्रोल में नहीं है इन सब में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है और वो होती है रिस्क मैनेजमेंट शब्दों का प्रयोग देखिए मैंने क्या बोला रिस्क मैनेजमेंट जब हम टेस्ट मैच खेलते हैं ना तो हमारा फोकस रन बनाने पर नहीं होता है विकेट बचाने पर होता है ऐसा कहते हैं टेस्ट मैच में कि आपने अगर विकेट बचा लिया ना अपना तो रन तो अपने आप बन जाएंगे बस वही कहावत शेयर मार्केट पर लागू हो रही है अगर आप टिके रहे ना शेयर मार्केट में आउट नहीं हुए नुकसान नहीं करा तो रिटर्न तो प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही कह रहा हूं किसी किताब को देखकर नहीं कह रहा हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में बने रहे टिके रहे तो शेयर मार्केट ऊपर ही जाता है लॉन्ग टर्म में तो अगर आप टिके रहे तो आपको प्रॉफिट होकर रहेंगे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट क्या बोल दिया मैंने रिस्क मैनेजमेंट राइट रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया यानी आपने अपनी विकेट बचाने वाला काम कर लिया तो रिटर्न अपने आप आएंगे मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो मुझे नहीं पता था जब मैं आई का शेयर खरीद रहा था ना मुझे नहीं पता था मुझसे मत पूछो ना मुझे नहीं पता था कि ये वन का शेयर फोर जाएगा जब मैंने इन्वेस्टमेंट करा था तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि अब बॉस ये 150 पर खरीद रहा हूं बहुत गिरी से गिरी हालत में ये 120 पर जाएगा इससे नीचे पक्का नहीं जाएगा इतनी तो वर्थ है कंपनी की तो मैंने सिर्फ मेरा विकेट बचाया था कि माई मैक्सिमम डाउन साइड इज ट्वेंटी परसेंट अपसाइडर्स टू हंड्रेड परसेंट द लिमिट तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करते वक्त रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया रिटर्न अपने आप आएंगे राइट right? तो रिस्क मैनेजमेंट आखिर कैसे किया जाए वो हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में राइट right? अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप एक बहुत ही स्मार्ट कैंडिडेट हैं कंपनी ने पहचान लिया कि यार ये बंदा ये बंदी ये बहुत काम का रिसोर्स है तो जो ज्यादा काम करता है ना ऑफिस में उसे ज्यादा काम दिया जाता है आप तो खैर आर्टिकलशिप में तो आपको पता ही होगा राइट जिसे ज्यादा आता है उसे ही ज्यादा काम दिया जाता है राइट तो हो सकता है कि आपको अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करने का भी समय ना मिले एंड देन वी कैन रिसोर्ट टू म्यूचुअल फंड्स, राइट अभी म्यूचुअल फंड्स की दुनिया क्या होती है म्यूचुअल फंड्स में भी किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है यह भी तो एक टैलेंट है तो म्यूचुअल फंड्स का इवेल्यूएशन कैसे करते हैं म्यूचुअल फंड्स की एनएवीज क्या होती है म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स खुद किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सारी चीजें हम सीखेंगे हमारे चैप्टर कॉल्ड लैस म्यूचुअल फंड में इज दैट क्लियर ये है दोस्तों हमारे सारे के सारे टॉपिक्स जो कि किससे रिलेटेड है पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है राइट तो आप समझ रहे हैं कितना शानदार सिलेबस है जिसमें मुझे तो ऐसा पर्सनली नहीं लगता है कि हमने कोई सी कोई कोई सा भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऐसा एस्पेक्ट है जो अनटच्ड रखा है सारे के सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने सारे आपके 360 डिग्री थॉट्स थे कि मुझे शेयर मार्केट सीखने मिले मुझे वैल्यूएशन सीखने मिले मुझे फाइनेंस सीखने मिले मुझे कैपिटल बजटिंग सीखने मिले मुझे म्यूचुअल फंड्स का आइडिया हो मुझे बॉन्ड्स का आइडिया हो वो चीजें दोस्तों हमारे सिलेबस में कवर हो रही है इस सारे सिलेबस को हम कवर करेंगे हमारे 80 लेक्चर्स में हर लेक्चर अप्रोक्सीमेटली थ्री आवर्स का होगा राइट right? दोस्तों अब जब हम जब पढ़ाई करेंगे तो आखिर मैं टीचिंग मटेरियल क्या यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ तो जो हमारे नोट्स होंगे अल्फा एकेडमी के नोट्स होंगे उसमें आपको दो किताबें मिलेंगी क्लास वर्क की वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू है ना ये जो दो किताबें रहेंगी ये हम क्लास वर्क में पूरी कवर करेंगे है ना और ये अपने आप में बहुत सफिशियंट है बहुत बहुत सफिशियंट सिर्फ इतना कर लिया तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि ये जो दो किताबें मैंने डिजाइन करी है उसका सोर्स देखें क्या ऑफ योर स्टडी मेटेरियल इज कवर्ड अगर हमें एग्जाम पास करनी है हमें स्टडी मेटीरियल को देखना ही देखना है तो क्योंकि स्टडी मेटेरियल मेरे पास भी रखा हुआ है तो जितने सारे हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन थे स्टडी मेटेरियल के वो मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिए यानी इन किताबें को करने के बाद आपको स्टडी मटेरियल को करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी राइट लेकिन फिर भी मैं आपको मेरी तरफ से एक सलाह देता हूं कि जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर क्लास में कंप्लीट करें आप लोग अपनी जिम्मेदारी पर बस एक छोटा सा काम कर लें चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका स्टडी मटेरियल आपके पास प्रिंटेड हो तो ठीक है नहीं तो डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद सिर्फ एक बार स्क्रॉल कर लो जस्ट मेक श्योर की हमने सारी चीजें कवर कर ली हंड्रेड परसेंट ऑफ द क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे लेकिन एक कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए राइट right? दूसरी चीज दोस्तों हमारे नोटर प्रैक्टिस हुआ करता था और उसके भी क्वेश्चन आईसीआई एग्जाम में पूछता है तो प्रैक्टिस मैन्युअल के ऐसे क्वेश्चन जो कि स्टडी मटेरियल में नहीं है वो भी हमने हमारे नोट के अंदर इंकॉर्पोरेट कर लिए क्योंकि जब पेपर सेट करने वाला बैठता है ना वो कोई फ्रेशली क्वालिफाइड सीए नहीं होता है वो हो सकता है उस वक्त का सीओ जिस वक्त प्रैक्टिस मैनुअल चलता और वहां से भी क्वेश्चन आते हैं यानी अभी रीसेंट की बात बताऊं तो आईसीआई ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो उन्होंने 1999 में पूछा था 1999 में 24 साल पहले 25 साल पहले और उसके बाद वो क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं और सीधे उठाकर ईयर 2022 के अटेम्प्ट में पूछ लिया तो आईसीआई का जो क्वेश्चन है ना वो बहुत वाइड right? तो है इनकॉर्पोरेट कर लिया पास्ट एग्जाम पेपर बहुत ही बेसिक सी बात है मुझे इनकॉर्पोरेट करना ही था ना, जिसे हम सजेस्टेड आंसर कहते हैं राइट right? फिर इसके अलावा एग्जाम क्वेश्चन <coughs> 2025 में आने वाले क्वेश्चन 2026 में आने वाले क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिए कैसे कवर कर लिए आईसीआई के जो मैं पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूं ना ये जिस तरीके से पेपर बनाए जा रहे हैं और आपका भी आपका भी फ्रेंड सर्कल होगा जिन्होंने आपको बताया होगा कि और इस बार वाला तो पेपर बिल्कुल ऐसा ट्रिकी आ गया एंड सो ऑन राइट आईसीआई मालूम है क्या कर रहा है क्वेश्चन उठाता है और उसके अंदर ट्विस्ट डाल देता है एक छोटा सा ट्विस्ट मतलब पुराने ही क्वेश्चन उठाए उन्होंने नया नहीं बनाते पुराना क्वेश्चन उठाते उसके अंदर एक एडिशनल पॉइंट ट्रिकी डाल देते और वो एक एडिशनल पॉइंट उसका पूरे सोल्यूशन का चेहरा ही चेंज हो जाता है राइट right? तो ऐसी सारी चीजें हम क्वेश्चन के अंदर करेंगे यानी जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट विल एक्सपेरिमेंट विथ वन एंड विथ वन और टू ट्रिकी पॉइंट की वट एफ दिस लैंग्वेज इज चेंज टू दिस की एक है, वो क्या करते हैं कई बार ना सीधा नहीं पूछते उल्टा पूछते इन द सेंस सीधा कैलकुलेशन तो हर कोई करके ही जाता है वो लोग आपको आखिरी वाला नंबर दे देते हैं कि ये है आंसर यानी आंसर के नाम से नहीं देते हैं। कि ये है इंफॉर्मेशन बताइए कि ओरिजिनल कंटेंट आखिर क्या रहा होगा शायद ऐसा आपने इंटरमीडिएट में रेशियो एनालिसिस चैप्टर में करा होगा कि एनालिस पर क्वेश्चन नहीं आता था तो दिए रहते थे उससे बताओ कि बैलेंस शीट कैसी थी और पी एंडल कैसा था वैसा ही काइंड ऑफ यहां पर होता है तो दोस्तों ये सारे एक्सपेरिमेंट भी हम क्लास के अंदर कवर करने वाले जिससे थ्री डिग्री हमारी चीजें कवर होंगी राइट right? इसी के साथ साथ आर हम यहां पर कवर करते हैं और मॉक टेस्ट पेपर एम जो आती हर अटेम्प्ट में दो दो एम आती है एमटीपी के भी क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करते हैं यानी जो अपने नोट्स आपके हाथ में लगेंगे उसके अंदर आपको सोर्स एमटीपी सोर्स आरटीपी सोर्स स्टडी मटेरियल सोर्स प्रैक्टिस मैनुअल लिए सारी चीजें मिलेंगी इसी के साथ-साथ क्योंकि हम न्यू स्कीम में पढ़ रहे हैं और न्यू स्कीम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ओल्ड स्कीम में थी ही नहीं जैसे कि एनर्जी डेरिवेटिव्स वेदर कॉन्ट्रैक्ट्स वेदर वेदर मौसम विभाग वेदर से रिलेटेड डेरेवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी से रिलेटेड वो ओल्ड सिलेबस में थे ही नहीं सो so, ऐसे ये, के लिए हमने दोस्तों सी एफ ए और दूसरे फेमस ऑथर की किताबों को रेफर किया है और वहां से भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं राइट right? अब यहां पर एक और चीज है जो हम ए एफ एम का पेपर देंगे एग्जाम में उसमें सेवेंटी मार्क्स के आएंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लेकर और थर्टी मार्क्स के आएंगे एमसीक्यूज राइट right? अब एमसीक्यूज हो सकता है आपके लिए बोनस साबित हो अगर इजी पूछ लिए गए तो लेकिन एमसीक्यूज़ हो सकता है बहुत ट्रिकी लेवल पर भी ले जाए जा सकते हैं तो दोस्तों ये सारी प्रिपरेशन हम इन सारे सोर्सेज के साथ करेंगे यानी जब हम एक पर्टिकुलर चैप्टर करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी सारे कर लेंगे और एमसीक्यूज भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे राइट right? अब एक आखिरी चीज आपके मेरे बीच डिस्कस हो जाए कि हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी अक्रॉस द बैच कैसी रहेगी तो सबसे पहले जब भी मैं कोई चैप्टर पर्टिकुलर शुरू करूंगा तो मैं इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ले डाउन करूंगा कि आखिर ये चैप्टर आया ही क्यों इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी और मैं उससे रिलेटेड आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताऊंगा कि आखिर इस चैप्टर का क्या-क्या पर्पस -क्या है आईसीएआई किसके एंगल से इस चैप्टर को टेस्ट करता उसके बाद मैं हर चैप्टर के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल दूंगा इसका मीनिंग ये है कि जब मैं डेरिवेटिव्स चैप्टर स्टार्ट करूंगा या फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर स्टार्ट करूंगा या वैल्यूएशन चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो हम चैप्टर स्टार्ट ही नहीं करेंगे पहले हम कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट देखेंगे जब मैं उस चैप्टर का और मैं एग्जाम्पल वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल वर्ड मैं यूज कर रहा हूं विच मीन मेरा एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा कि मैंने एग्जाम्पल लिखा और दो मिनट में सोल्यूशन हो गया हो गया शायद वो एग्जाम्पल पूरी बैच में तीन घंटे तक एक ही एग्जाम्पल चल रहा है जिसमें हम 360 डिग्री सारे कॉन्सेप्ट एक ही एग्जाम्पल में कवर कर रहे हैं इस तरीके के मैंने ना कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रीहसिपल हर चैप्टर में डिजाइन कर रखे कैसे कर लेते हैं सर आप ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल डिजाइन मैं मालूम मालू है क्या करता हूं आपको सीक्रेट बता रहा हूं प्लीज किसी को मत शेयर करना मैं चैप्टर उठाता हूं वैल्यूएशन चैप्टर उठाया सपोज और वैल्यूएशन चैप्टर के जितने सारे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना उन सारे के सारे क्वेश्चंस में वो क्या 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 टेस्ट कर रहे हैं उसे मैं एक सिंगल एग्जाम्पल पर उन सारे क्वेश्चंस के जो ऑब्जेक्टिव है वो एक सिंगल एग्जाम्पल पर लगा देता हूं यानी उस एग्जाम्पल को मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव बनाना पड़ता है थोड़ा ज्यादा डेटा रखना पड़ता है शायद कंपनी का बैलेंस शीट आपके सामने रखना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट और बस उसी एग्जाम्पल पर हम सारी वैल्यूएशन की टेक्निक्स लगाते चले जाएंगे इससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन बनता है चीजों का और फिर दोस्तों इतना सब करने के बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर हम उठाते हैं हमारे मॉड्यूल यानी फिर उठाते हैं हम क्वेश्चन नंबर और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर तो अब हम दोस्तों फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की और क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं वो मेनली प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं क्योंकि नॉलेज में सारा आपको पहले ही डिलीवर कर चुका होता हूं राइट right? दोस्तों इतना सब करने के बाद कन्फ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आज कहना चाह रहा हूं कि पेपर में जितने भी मार्क्स आते हैं आपको उसका मोर देन फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपके आखिरी दिन पर डिपेंड करता है इसको ऐसा इमेजिन करो आप सब सी इंटरमीडिएट पास ही हो सी इंटरमीडिएट में सोचो कि आपको इनकम टैक्स के पेपर में कितने मार्क्स आए थे चलो सोचो जितने भी मार्क्स आए थे मैं एक एवरेज नंबर ले रहा हूं फिफ्टी मार्क्स आए थे है ना आपने एग्जाम पेपर देने से एक दिन पहले जो छुट्टी मिलती पढ़ाई करी थी जम के पढ़ाई करी थी फ्लैशबैक में आ जाओ और इमेजिन कर लो कि आपने वो जो 1.5 डे आपको मिलता है ना उसमें आपने पढ़ाई नहीं करी आपने एक वेब सीरीज निपटा दी और आप सीधे आप चल गए इनकम टैक्स का पेपर देने क्या अब आपको फिफ्टी आते कितने आते ट्वेंटी फाइव पच्चीस ज्यादा से ज्यादा ना आप बताओ ना बिना रिवीजन करे जाते तो यानी हम आप समझ रहे जो आपको मार्क्स आए ना किसी भी पेपर में तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया किसी भी पेपर में जो आपको मार्क्स आते हैं ना उसका पचास परसेंट मार्क्स सिर्फ किस दिन को एट्रीब्यूटेबल है लास्ट डे के रिविजन को एट्रीब्यूटेबल है सो कैन यू रियलाइज द इंपोर्टेंस ऑफ द लास्ट डे और इसीलिए मैं एक बात और कहता हूं कि आखिरी दिन तक हार नहीं मानना क्योंकि आधे नंबर तो आखिरी दिन ही डिसाइड होते हैं आखिरी दिन अगर सुधर गया ना अंत भला भला सो सब याने दिन भी अगर आपने जमकर मेहनत कर ली तो भी आप पेपर निकाल सकते हो इतना दम होता है उस आखिरी दिन में लेकिन वही आखिरी दिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिस होता है और आप शायद रियलाइज करेंगे आप लोग टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करते हो बहुत सारे लोग टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करते होंगे हां लेकिन जो आपके टाइम टेबल बनते हैं ना वो मालूम है कब तक के बनते हैं अगर आपकी नवंबर में एग्जाम है नवंबर है तो आपका टाइम टेबल बनता है इकतीस अक्टूबर तक का उसके बाद तो अपन बोलते अब तो मैदान में उतरना आप किस बात का टाइम टेबल जबकि आपको आखिरी वो जो 1.5 डेज है ना उसका आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए कि इस 1.5 डेज में मेरे पास कितने आर्ट्स हैं उन आर्ट्स में मुझे कौन कौन से चैप्टर्स कितने कितने समय करने हैं और उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मुझे क्या रिवाइज करना है और क्या छोड़ना है डोंट यू थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या आपने इंटरमीडिएट में जब रिविजन करा था तो आपसे कंप्लीट रिविजन हो गया था चीजें छूट गई थी छूट गई थी राइट right? ऐसा छूटना चाहिए क्या नहीं छूटना चाहिए राइट right? तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है और उसके अंदर क्या क्या रिवाइज करना है बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपने एक भी चैप्टर छोड़ दिया तो फिर उसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होते है. मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता एग्जाम में तो कोई मतलब नहीं है राइट right? दूसरी चीज अभी अभी रिसेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ए एफ एम का पेपर ट्रिकी आ रहा है आप में से किसी ने सुना है क्या एस एफ एम का पेपर जो पिछली बार आया था ना ट्रिकी आया था राइट खुशी की बात है दोस्तों आप इसे मार्केटिंग मत समझना कि जो ऑल इंडिया हाइएस्ट मार्क्स आए वो अपने ही स्टूडेंट था ये यहां पर कहीं पर आपको उसका फोटो भी नजर आएगा यहां पर आप ये विदित नाम के स्टूडेंट को देख पा रहे हैं ही वॉज ऑल इंडिया टॉपर और कितने मार्क्स आए एटी ये हाईएस्ट है ऑल इंडिया हाईएस्ट है एटी मार्क्स से अटेप के इस बार कोई 90 प्लस नहीं ला पाया क्योंकि पेपर ही इतना ट्रिकी पूछ लिया गया था एट्टी ऑल इंडिया हाइएस्ट लेकर आए राइट right. उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना तो मैं ना आपको एक लेवल प्लस की प्रिपरेशन करवाता हूं इसको देखो मैं आपको कैसे रियलाइज करवाता हूं जब आपने छठी क्लास सिक्स क्लास पास करी थी तब वो आपको टफ लगती थी इमेजिन करो अपने स्कूल के दिन जब आप सेवेंथ में आ गए तो आपको सिक्स इजी लगने लगी थी यह बिल्कुल अभी भी होता है कि जब आप अभी आप फाइनल में आ चुके हैं तो आपको इंटर अभी वो तो देखना हम ए पढ़ेंगे तो आपको इंटर इजी लगेगा और जब आप इंटर में थे तब तो आपको फाउंडेशन इजी लगता था तो फाइनल इजी लगे उसके लिए क्या किया जाए ऐसा पढ़ा जाए जो फाइनल प्लस One हो यानी एक लेवल अगर ऊपर प्रिपरेशन कर लेते हैं ना तो चीजें आसान लगने लगती है और ट्रिकी पेपर में सिर्फ एक यही सहारा रहता है कि हमने अगर अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर रखी तो है रखी होती है तो फिर ट्रिकी पेपर भी आसान सा लगने लगता है तो ये दूसरा काम मैं आपको करवाऊंगा तीसरा काम आप जब इंटरमीडिएट में पेपर एग्जाम पांच बजे छूटती है ना पांच बजे आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले तब क्या आपके साथ ऐसा हुआ था अरे और ये था क्या मिस्टेक हो गई गए पांच नंबर ऐसा हुआ था क्या कि यार कुछ चीजें आते हुए भी गलत हो गई थी दिस इज कॉल्ड एस कॉमन पिटफॉल इसे क्या कहते हैं कॉमन पिटफॉल यानी आईसीआई को पता है कि स्टूडेंट्स इस जगह पर गलती करेंगे इस जगह पर गलती करेंगे तो दोस्तों वो कॉमन पिटफॉल्स कहाँ हैं जहां आप गलती कर सकते हैं वो सारे मैं आपको क्लास के अंदर बताने वाला हूं इसका मतलब ये है कि जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद ये बताऊंगा देखो यहां पर आपसे गलत हो सकता है और देखो आपसे गलत हुआ है वो तो क्लास के अंदर बहुत मजा आएगा आपको जब मैं बताऊंगा कि देखो आपने ये गलत करा है वो मुझे तो पहले से ही मालूम था कि आपने गलत कर जिन्होंने इंटरमीडिएट में अगर मुझसे पढ़ रखा है एफएम तो उन्हें मालूम ही है कि वो मतलब पूरा सब समझाने के बाद और फिर बताते हैं कि देखो यहाँ पर ये यह दो गलती आपने कर ली और आपको एहसास भी नहीं हुआ कि आपने यहाँ पर गलती कर ली और कॉन्फिडेंट कि नहीं ये तो गलत हो ही नहीं सकता तो ऐसी कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ क्लास के अंदर उसके पीछे कारण समझिए आप में से डेफिनेटली अभी मैं पुराने जख्म तो नहीं लाना चाहता ऊपर लेकिन 180 190 और जब ये वन एटीज वन आते थे ना इंटरमीडिएट में तब बस ऐसा लगता था कि यार काश वो एक क्वेश्चन एफएम का मेरा बस सही हो जाता ना इतनी सी मिस्टेक कर दी थी मैंने उसमें पांच नंबर गए उस मिस्टेक के कारण अकाउंट्स के पेपर में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई और गए दस नंबर उसके कारण ऐसा हुआ है आपके साथ कभी कि यार ये छोटा सा आते हुए भी गलत हो गया यार काश ये पहले पता होता कि यार ये मिस्टेक होती है क्या यार यहां घुमाता है क्या पेपर दोस्तों मैं आपको 100% परसेंट ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूं यानी जब मैं वो कॉन्सेप्ट कॉपी की बात करूंगा ना अभी जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना तो मैं कॉन्सेप्ट के अंदर ये लिखवाता हूँ डू नॉट मेक दिस मिस्टेक इन एग्जाम डू नॉट मेक दैट मिस्टेक इन एग्जाम कि इन कॉन्सेप्ट में तीन मिस्टेक्स होती है एग्जाम में ये वाली ये वाली ये वाली और ये तीन मिस्टेक एग्जाम में मती करना क्योंकि अगर आपने एक भी गलती कर दी तो एक गलती के जजाए एक दो मार्क्स नहीं होते सीए की एग्जाम एक एक में वन मिस्टेक इज इक्वल टू फाइव टू एट मार्क्स क्योंकि एक मिस्टेक हुई उससे आपका एक कैलकुलेशन गलत हुआ और एक कैलकुलेशन गलत से नीचे के सारे कैलकुलेशन गलत हो गए जीरो मार्क्स मिलते हैं स्टेप मार्किंग भी तब मिलती है जब आपकी जैसे फाइव स्टेप्स हैं तो फाइव में से थ्री स्टेप सही है लेकिन अगर आपने फर्स्ट ही स्टेप में मिस्टेक कर दी और उसके रिजल्ट को सेकेंड स्टेप में यूज कर लिया तो सब गलत हो गया जीरो मिलते हैं और ऐसा अगर आपने एक मिस्टेक भी कर दी एग्जाम में तो आपके आठ नंबर गए एट मार्क्स गए चलो छोड़ो पांच नंबर तो गए और अगर एक मिस्टेक के अगर पांच नंबर आप दे बैठे तो तीन पेपर में कितने पंद्रह नंबर और पास या फेल में फासला ही क्या होता है सी ए के एग्जाम में जो फेल भी होते हैं वो कोई ऐसे थोड़ी ना फेल होते हैं कि टू हंड्रेड लाने थे और वन ट्वेंटी लेकर आए जो फेल होते हैं वो कैसे फेल होते हैं वन एटी आए वन एटी फाइव आए वन आए वन नाइन्टी फाइव आए वन नाइन्टी एट आए इस तरीके से फेल होते हैं तो आपको जो फेल से पास करवाने में मदद करवाने वाली चीज है वो ये है कि हम कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड कर दें क्योंकि आप कॉमन मिस्टेक्स करते हो और भोले भाले बच्चे हो कर सकते हो एग्जाम में आपका एक अटेम्प बर्बाद हो सकता है तो मैं पहले से ही प्रिकॉशनरी अप्रोच लेकर जितनी सारी हम मिस्टेक्स कर सकते हो ना क्वेश्चन में वो सब लिख्वा, मैं क्वेश्चन के अंदर ही लिखवा लिखवाता हूँ मैं लिखवाता हूँ कि ये मिस्टेक एग्जाम में हो सकती है और आखिरी दिन जब आप रिविजन करोगे ड्रेड मिस्टेक्स यू अस्ट ऑफ हंड्रेड मिस्टेक्स लिस्ट बनेगी सौ मिस्टेक्स की और जब आप उन सौ मिस्टेक को आखिरी दिन पंद्रह मिनट लगते हैं पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है हंड्रेड मिस्टेक्स को जब आप आखिरी दिन पढ़कर जाओगे यू विल बी अवेयर किया और ये मिस्टेक हो सकती थी और जब वो पॉइंट आएगा ना एग्जाम में यूल से थैंक यू सर कि यह मिस्टेक अदरवाइज हो जाती है अगर आप बताते ही नहीं तो Right? तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं क्लास के अंदर और ये है दोस्तों हमारा पिरामिड का जो सबसे टॉप पार्ट है लास्ट कॉमन एंड एडवांस लेवल क्वेश्चन दोस्तों जब हम पढ़ाई करेंगे तो हम दो कॉपीज बनाएंगे जिसमें एक होगी आपकी कॉन्सेप्ट कॉपी और एक होगी हमारी सोल्यूशन कॉपी यानी हम कॉन्सेप्ट एक अलग एक कॉपी में लिखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स पिटफॉल्स मिस्टेक्स दैट यू कैन मेक इन एग्जाम देर विल बी कॉपी फॉर दैट और ये कॉपी रफली तीन सौ साढ़े तीन सौ चार सौ पेज की होगी राइट ये अकेली कॉपी में के अंदर सारे कॉन्सेप्ट होंगे यानी अगर एग्जाम में ऐसा भी हो जाए ना कि आप एक क्वेश्चन भी रिवाइज नहीं कर पाओ और सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को भी देख लोगे तो भी आपका 100 परसेंट सिलेबस रिवाइज हो जाएगा राइट और दूसरी कॉपी हम बनाने वाले कौन सी सोल्यूशन कॉपी जिसके अंदर हम क्वेश्चन के सोल्यूशन करेंगे दैट तो इस तरीके से दोस्तों हम पढ़ाई करने वाले हैं ये था हमारा सिलेबस इसी के साथ हमारा यहां पर इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम फिफ्टीन मिनट्स का और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे पढ़ाई की ओके

हेलो चलिए वेलकम बैक तो दोस्तों हमने एएफएम की शुरुआत कर दी थी जिसमें हमने सारा का सारा इंट्रोडक्शन देखा कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं किस तरीके से पढ़ने हैं हम हमारे सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर है मर्जर्स एक्विजिशंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग है ना वहां पर चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने की सीक्वेंस अलग थी यहां पर हमारी पढ़ने की सीक्वेंस कुछ इस तरीके से रहेगी तो दोस्तों आपने जैसे कि आपकी मेरी बात हुई थी कि हम दो कॉपीज़ बनाएंगे तो सबसे पहली हमारी कॉपी है कॉन्सेप्ट कॉपी अब मैं कॉन्सेप्ट कॉपी के अंदर आपको मर्जर्स एक्विजिशंस और रीस्ट्रक्चरिंग करवा रहा हूं ओके सो लेट्स कम ऑन टू अवर चैप्टर नंबर वन मर्जर्स एक्विजिशंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज रफली एट टू टेन मार्क्स होता है सो रफली एट टू टेन मार्क्स का वेटेज रखता है ये चैप्टर राइट यानी इस पर एट मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है टेन मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन आ सकता है या फिर एट मार्क्स का क्वेश्चन प्लस एम या फिर फाइव मार्क्स का क्वेश्चन so right? तो के बारे में कुछ कुछ चीजें की होंगी राइट right? सबसे पहला सवाल मन में यह आता है कि जब मैं मॉर्जर्स एक्विजिशन के बारे में बातें ऑलरेडी कर चुका हूं अकाउंट्स में तो अब यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आखिर मॉर्जर्स एंड एक्विजीशन कर क्या रहा है दोस्तों जो आपने सी ए इंटरमीडिएट में मर्जर्स एंड है ना वो था अकाउंटिंग यानी जब सब कुछ हो जाया करता था जैसे हिंदी पिक्चरों में सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस आती है तो जब सब कुछ हो जाया करता था डील हो जाती थी परचेस कंसिडरेशन तय हो जाता था सब कुछ हो जाता था उसके बाद हम क्या करते थे अकाउंट्स में उसकी अकाउंटिंग एंट्री वो एक्विजिशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और वो क्या क्या था ना हाँ है ना तो हम करते थे इन द नेचर ऑफ परचेज और हम करते थे अकाउंटिंग एंट्रीज क्या आपने कभी सोचा है कि परचेज कंसिडरेशन खुद कैसे डिसाइड हुआ होगा क्या आपने कभी सोचा है कि जो एक्सचेंज रेशियो या फिर स्वैप रेशियो जो डिसाइड होता है कि अक्वायर टारगेट के इतने शेयर्स के बदले में अक्वायर इतने शेयर्स देगा आखिर कैसे डिसाइड होता होगा वो सीखेंगे हम हमारे चैप्टर में मॉर्जर्स एक्विजीशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग राइट यानी कि जब भी मॉर्जर्स एंड एक्विजीशन डील होती है तो ये यहां पर इस पॉइंट पर देखना है, ये इस पॉइंट पर डील हो गई डन डील डन होने के बाद आता है अकाउंट्स उंटिंग एंड ट्रीस लेकिन डील खुद किस तरीके से डन हुई स्वैप रेशो आखिर कैसे निकाला गया वैल्यूएशन आखिर कैसे किया गया क्या स्वैप रेशो पर टारगेट हा करेगा या नहीं ये सारी चीजें हम कहा पर सीखेंगे ए एफ एम के अंदर सीखेंगे Is that clear? तो आप यहां पर दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझ गए हैं कि यहां पर हम डील होने के बाद की बात करेंगे या डील से पहले की बात डील से पहले की बात डील ही हो गई उसके बाद तो फिर बात ही क्या लर्निंग ऑब्जेक्ट राइट सो यहां पर ओके डील डन यहां पर दो चीजें होती हैं एक होता है प्री डील एनालिसिस और पोस्ट डील कोई एनालिसिस नहीं होता है पोस्ट डील तो सिर्फ औपचारिकताएं शेष रह जाती है सो so, प्री डील एनालिसिस इज कवर्ड इन एफ एम प्री डील एनालिसिस इज कवर्ड इन एफ एम और ये जो पोस्ट डील वाला काम है ये होता है हमारा अकाउंट्स में ओके नाउ द पॉइंट इज कि प्री डील एनालिसिस में आखिर हम क्या करेंगे तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं मॉर्जर्स एंड एक्विजिशन चैप्टर से रिलेटेड उसमें दो कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं और यही दो कैटेगरी के क्वेश्चन आपको रियल लाइफ में भी आंसर करने होते हैं यानी जस्ट इमेजिन करो कि दो कंपनीज का मॉर्जर्स एंड एक्विजिशंस की टॉक्स चल रही है बातचीत चल रही है राइट तो उनके बीच जो सबसे मेन मुद्दा होगा वो मुद्दा होगा कि आखिर कितना मतलब तो एक्वायरर आखिर कितना पे करे टारगेट को टारगेट आखिर कितना मांगे अक्वायर से राइट right? तो सबसे पहला मुद्दा जो यहां पर रहेगा वो रहेगा स्वैप रेशो का किसका स्वैप रेशो राइट right? स्वैप रेशो का मीनिंग आप समझते हैं टारगेट के शेयर्स के बदले में एक्वायरर आखिर अपने कितने शेयर्स दे जिसे हम एक्सचेंज रेशो भी कह सकते हैं तो सबसे पहला तो हमें यहां पर यह सीखना है हाउ द स्वैप रेशो इज डिसाइडेड आपने स्वैप रेशो कई पढ़े होंगे so तो वाले कि स्वैप रेशो कैसे कैलकुलेट होता है right? क्या में ऐसा होता होगा आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं क्या मर्जर्स एंड एक्विजीशन में ऐसा होता होगा कि एक कोई फॉर्मूला होगा और फॉर्मूले में डेटा डालो और स्वैप रेशो का आंसर निकल जाता होगा और दोनों पार्टी हां कर देती होगी नेगोशिएशंस होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं। acquirer अपनी तरफ से एक स्वैप रेशो प्रपोज करता है और टारगेट कंपनी अपनी तरफ से स्वैप रेशो प्रपोज करती है और फिर दोनों उसके बारे में बातचीत करते हैं यानी जस्ट इमेजिन कि अक्वायर ने एक स्वैप रेशो प्रपोज किया और अक्वायर ने बोला कि हम टू का स्वैप रेशो प्रपोज कर रहे हैं अब टारगेट मालूम है क्या करेगा टारगेट उस स्वैप रेशो को लेगा और अपने एंगल से कैलकुलेशन करेगा कि क्या यह स्वैप रेशो मेरे लिए फायदे का सौदा है या नहीं इस स्वैप रेशो में मुझे कितना फायदा हो रहा है अब टारगेट ने देखा इसमें मुझे कम फायदा हो रहा है तो टारगेट अपनी तो तरफ से एक स्वैप रेशो भेजेगा कि हमारे हिसाब से तो हमें इतना स्वैप रेशो चाहिए क्वायर उसे लेगा और अपना कैलकुलेशन करके देखेगा कि क्या इस स्वैप रेशो पर मेरा फायदा है या नहीं राइट दोनों एक ऐसे स्वैप रेशियो पर आना चाहेंगे जो कि विन विन सिचुएशन हो यानी जिसमें अक्वायर को भी फायदा दिखे नहीं तो फिर अक्वायर क्यों करेगा अक्वायर और जिसमें कि टारगेट को भी फायदा दिखे राइट right? सो so, दूसरे कैटेगरी का एनालिसिस जो हम एंड डील में करते हैं वो ये होता है दैट गिवन द द स्वैप रेशियो हाउ हाउ टू फाइंड आउट मच ईच ऑफ पार्टी इज गेनिंग इज दैट क्लियर ये दो तरह के दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं और ये दो ही सिचुएशन रियल लाइफ में बनती कौन सी दो सिचुएशन एक तो कैसे कैलकुलेट करना स्वैप रेशियो और अगर एक बार कैलकुलेट कर लिया तो उससे पता करना कि किस पार्टी को कितना फायदा हो रहा है किस पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है इज नॉट क्लियर और ये सारा काम कब होता होगा डील हो जाए उसके बाद या सब उसके पहले सब उसके पहले मतलब ये जो गेन या लॉस का कैलकुलेशन होता है हो जाने के बाद क्या करोगे सब उसके पहले इमेजिन कर लिया जाता है कि अगर हमने इस रेशियो में एक्सचेंज करा तो ऐसा ऐसा होगा तो हमें इतना इतना फायदा या नुकसान होगा राइट तो दो तरह के क्वेश्चन जो हम यहां पर एड्रेस करने वाले हैं वो है टू फाइंड आउट द बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स To find out the benefit to the shareholders based on some given swap ratio. अगर एक पर्टिकुलर स्वैप रेशियो प्रपोज किया है किसी ने तो उस स्वैप रेशियो पर फायदा है नुकसान है क्या है वो हमें कैलकुलेट करते आना चाहिए तभी हम डील का एनालिसिस कर पाएंगे कि डील हमारे फेवर की हो रही या नहीं राइट और दूसरा ये कि आखिर स्वैप रेशियो खुद कैसे पता किए जाते हैं यानी कि अगर सपोज करें कि हम टारगेट कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो हो सकता है कि अक्वायर हमें स्वैप रेशियो प्रपोज कर दें और फिर हमारा सिर्फ इतना काम रह जाए कि चलो देखते हैं इस स्वैप रेशो पर हमारा कितना फायदा है नुकसान है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अक्वायर कंपनी ने हमें स्वैप रेशियो प्रपोज करा एंड वी फाउंड आउट कि नहीं नहीं ये तो उतना बेनिफिशियल नहीं है नाउ व्हाट नेक्स्ट यू प्रपोज अ डिफरेंट स्वैप रेशियो सो नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट द स्वैप रेशियो राइट तो अब हम यहां पर एक और चीज सीखेंगे कि स्वैप रेशियो का कैलकुलेशन आखिर कैसे किया जाता है और स्वैप रेशियो के कैलकुलेशन में दोस्तों हम यहां पर तीन सिचुएशन एड्रेस करेंगे जिसमें सबसे पहली सिचुएशन होगी स्वैप रेशियो का कैलकुलेशन और यहां पर स्वैप रेशियो का मतलब होता है एक फेयर स्वैप रेशो एक उचित स्वैप रेशो जिसमें अक्वायर को भी फायदा दिखे और टारगेट को भी फायदा दिखे इसे हम कह सकते हैं इक्विटेबल स्वैप रेशियो इसे हम बोलते हैं स्वैप एक, एक right? है है, ना? दो मिनट के लिए हम डील करना चाहते हो जैसे आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो और आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप दिमाग में एक नंबर लेकर जाते हो ना कि यार इतने में करना है और ऊपर से ऊपर में मतलब इतना तक बोल देंगे और इससे ऊपर बात गई तो फिर हम बैठक पर से उठकर

मैक्सिमम स्वैप रेशो की अगर टारगेट कंपनी ने यहां तक बोला तो हम हां कर देंगे लेकिन अगर इससे भी ज्यादा डिमांड रखी तो फिर हम ना कर देंगे राइट right? तो ये आखिर मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट कैसे होता है बिकॉज बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ टारगेट कंपनी और अगर वो आपको डील में लेकर जा रहे तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही कि आप कम से कम टारगेट कंपनी को यह बताइए कि मिनिमम इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है इस डील का तो वो मिनिमम स्वैप रेशियो कैसे पता करते सिमिलरली बींग चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ अक्वायर कंपनी कि मैक्सिमम हम कितना पे करेंगे इससे ऊपर पे करना बनता नहीं है राइट right? तो ये सारे कैलकुलेशंस हम यहां पर सीखेंगे मैक्सिमम स्वैप रेशियो एंड मिनिमम स्वैप रेशियो राइट ये है दोस्तों हमारे इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे लर्निंग ऑब्जेक्टिव <coughs> सबसे पहला तो ये कि मर्जर्स एंड डील आखिर होती ही क्यों होंगी क्या मर्जर्स एंड एक्विजीशन डील की कोई जरूरत पड़ती है जी हां अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं और आपको दिख रहा है कि यह है हमारा कॉम्पिटिटर एंड नाउ वी हैव टू चॉइस या तो हम उससे कंपीट करते रहें हम कम्पीट कैसे कर सकेंगे हमें हमारी सेलिंग प्राइस थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी हमें कमीशन थोड़े से ज्यादा बांटने पड़ेंगे और ये कॉम्पिटिशन में हमारी भी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी और उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी राइट right? या फिर दूसरा तरीका है क्यों ना लेट्स ज्वाइन हैंड्स दोनों कोलेबरेट कर लें और फिर विन विन सिचुएशन होगी ना तुम्हें हमारा प्राइस कट करना पड़ेगा ना हमें तुम्हारा प्राइस कट करना पड़ेगा दोनों एक बढ़िया प्राइस चार्ज कर पाएंगे ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे राइट दोस्तों वोडाफोन और आइडिया दोनों ने क्या किया मर्जर्स एंड एक्विजीशन राइट क्योंकि दोनों को लग गया था कि रिलायंस जियो से हम अकेले तो कंपीट मतलब अगर ये अकेले होते तो तो अभी तक तो मार्केट से बाहर हो चुके होते हैं तो फिर भी दोनों मिल गए तो दोनों का कस्टमर बेस मिल गया तो फिर भी एक बड़ी कंपनी बन गई राइट तो दोस्तों एंड कई बार सर्वाइवल के लिए भी किया जाता है कई बार प्रॉफिट को एनहैंस करने के लिए भी किया जाता है राइट अब ये जो मर्जर्स एंड एक्विजीशन होते हैं ना इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग सी टर्म्स आती है जिस पर एमसीक्यूज बन सकते हैं जैसे गोल्डन पैराशूट्स बेयर हग अब ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्या होती है मतलब तो गोल्डन पैराशूट आखिर क्या होता है पॉइजन पिल आखिर क्या होता है ये सारी एसोसिएटेड है एंड से इसमें क्या होता है कई बार जो अक्वायर कंपनी होती है ना वो बहुत ही अग्रेसिव होती है और होस्टाइल टेक ओवर की कोशिश करती है क्या करती है होस्टाइल टेक ओवर होस्टाइल टेक ओवर का मीनिंग क्या है कि अगर मेरी कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है तो पहले तो बाजार से शेयर खरीदेंगे दे विल स्टार्ट कॉर्नरिंग द शेयर्स और एक सब्सटेंशियल अमाउंट के बाद अपने कंपनी लॉ में के अंदर पढ़ा होगा कि वो पब्लिक ऑफर लेकर आ जाते हैं ओपन ऑफर लेकर आ जाते हैं कि हम इस कंपनी के शेयर इतने भाव में खरीदने वाले हैं जो जो भी बेचना चाहे हमें बेच दें। और जब वो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर बन जाएंगे तो फिर हमें थक हार कर हमारी कंपनी उन्हें हैंड ही करनी पड़ेगी राइट तो अब इन सारी टैक्टिक्स को कैसे डिफेंड किया जाए ये सारी टैक्टिक्स भी हमारे सिलेबस में कवर्ड है वो थ्योरी पोर्शन के अंदर कवर्ड है और इस पर परफेक्ट एमसीक्यूज बन सकते हैं राइट सो लेट स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ पर प्रैक्टिकल पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट में हमारे ये दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या आप मुझे इंडिया के मार्केट में एक दो मर्जर्स एंड एक्विजिशन डील के एग्जांपल दे सकते हैं कि सर ये इंडिया में ये एक दो मर्जर्स एंड एक्विजिशन डील हुई है हीरो और होंडा उनका मर्जर हुआ या उनका डी हुआ yes. क्योंकि हीरो हीरो होंडा पहले एक ही कंपनी थी राइट right? और फिर हीरो अलग हो गई और होंडा अलग हो गई तो वो तो एक्चुअली डी मर्जर का एग्जाम्पल हुआ है ना और डी मर्जर भी है हमारे सिलेबस में हाँ जी एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक का जस्ट अब भी अब भी मर्जर हुआ है सो दैट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजीशन राइट पीवीआर और आईनॉक्स का मर्जर हुआ राइट right? क्योंकि दोनों को दिख गया कि कोई मतलब नहीं है हम एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन करें और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर मार्जिन ज्यादा रखेंगे अगर पी अलग है और आईनॉक्स अलग है तो फिर जो मूवी मेकर है फिल्म मेकर हैं वो लोग मार्जिन ज्यादा रखेंगे लेकिन अगर पी और आइनॉक्स एक साथ हो गया और उनका कंप्लीट कंट्रोल हो गया इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर तो वो ज़्यादा दम के साथ बैठ पाएंगे फिल्म मेकर के साथ और ज्यादा मार्जिन ज़्यादा बेहतर डील अपने लिए लेकर आ पाएंगे राइट तो पीवीआर वी आइनॉक्स आपने बढ़िया एग्जांपल दिया एच डी एफ सी बैंक एच लिमिटेड का मर्जर हुआ यह आपने एक बढ़िया एग्जांपल दिया कोटक बैंक ने आई एनजी बैंक को अक्वायर किया था कोटक महिंद्रा बैंक आई एन बैंक नाम की एक बैंक हुआ करती थी कोटक बैंक ने उसे अक्वायर करा आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत सालों पहले बैंक ऑफ राजस्थान को अक्वायर किया था एक बैंक ऑफ राजस्थान नाम की एक बैंक हुआ करती थी आईसीआईसीआई बैंक ने उसे सी करा फेसबुक ने दोस्तों व्हाट्सएप को अक्वायर किया तो ऐसे कई सारे मर्जर्स एंड एक्विजीशन है जो कि अभी आप सोच पा रहे हैं और मैं आपको रियलिटी बताऊं तो डेली बेसिस पर इंडिया में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं ये जो आप और मैं यहां पर क्लासरूम में बात कर रहे हैं तो सिर्फ बड़े मर्जर्स एंड एक्विजीशन की बात कर रहे हैं छोटे मोटे मर्जर्स एंड एक्विजीशन तो हो जाते हैं और कहीं उनकी खबर भी नहीं छपती आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन्फोसिस TCS, Wipro विप्रो जैसी कंपनी में एक डिपार्टमेंट ही होता है जिसका नाम ही मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डिपार्टमेंट होता है और वहां के जो पंद्रह लोगों का स्टाफ है उसमें से मेरा फ्रेंड भी है पंद्रह लोगों का जो स्टाफ है ना वो डेली बेसिस पर सिर्फ एक ही काम करता है मर्जर्स एंड एक्विजीशन मतलब वो लोग यूरोप जाते हैं वो लोग अमेरिका जाते हैं वो लोग साउथ एशिया जाते हैं और मर्जर्स एंड एक्विजीशन के लिए कंपनी टारगेट कंपनीज ढूंढते रहते हैं ढूंढते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी जिसके सपोज करें टू हंड्रेड एम्प्लॉज है और इन्फोसिस को दिख गया कि यार ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो तो एक निष्ठ प्रोडक्ट है क्यों ना इस कंपनी को अक्वायर कर लिया जाए क्योंकि इस कंपनी के पास एक बढ़िया प्रोडक्ट है और हमारे पास बींग एन इन्फोसिस हमारे पास बहुत बड़ा क्लाइंट्स का नेटवर्क है तो हम इनके प्रोडक्ट को सौ गुना लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो कि ये छोटी कंपनी खुद के दम पर नहीं पहुंचा पाएंगी तो इन्फोसिस बहुत मास स्केल पर पहुंचा देगा राइट तो मर्जर्स एंड एक्विजीशन डेली बेसिस पर होते ही रहते हैं और बहुत सारे मॉर्जर्स एंड एक्विजीशन की तो खबर ही पेपर में नहीं छपती है दुनिया का सबसे बड़ा मॉर्जर्स एंड एक्विजीशन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कौन सा था <laughs> <laughs> जिसका डील साइज सबसे बड़ा था <laughs> नहीं टाटा जेगुआर वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नहीं दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा मॉर्जस एंड एक्विजीशन डील है वो देखना कौन सा है वोडाफोन वोडाफोन अक्वायर्स आइडिया नहीं दोस्तों बहुत छोटा सा एक्विजिशन मैनेजमेंट एजी एक मैनेजमेंट एजी नाम की कंपनी थी यूरोपियन कंपनी जिसको वोडाफोन ने एक्वायर किया था वोडाफोन यूके का ग्रुप है यूनाइटेड किंगडम लंदन वहां का ग्रुप है उसने यूरोपियन कंपनी मैनेजमेंट एजी को अक्वायर करा और डील साइज सुने दोस्तों डील साइज था 183 बिलियन डॉलर्स 183 बिलियन डॉलर्स का था डील साइज अब ये हमें बिलियन में और डॉलर में फील नहीं आता है तो सबसे पहले तो ये कि बिलियन यानी कितना होता है वन बिलियन इज इक्वल टू कितना हंड्रेड करोड़ दस करोड़ दस लाख टेन करोड़ हंड्रेड करोड़ वन थाउजेंड करोड़ टेन लैक्स ओके okay. तो दोस्तों हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो मिलियन बिलियन में ही चलने वाला है क्योंकि आपने देख लिया फॉरेन एक्सचेंज है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवांस कैपिटल बजटिंग है सारा राइट right? तो क्यों ना हम डे वन पर ये क्लियर कर लें कि वन मिलियन क्या और वन बिलियन क्या राइट right? और वन मिलियन इज इक्वल टू कितना टेन लैक्स एंड वन बिलियन इज इक्वल टू कितना हंड्रेड करोड़्स या फिर थाउजेंड मिलियन जैसा आपने कहा है ना ओके okay. तो आ, मैं आपको एक तरीके से इसको समझा देता हूं तो आपके लिए लाइफ में बहुत आसान हो जाएगा मिलियन और बिलियन को डी करना है ना दोस्तों आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम इंडिया में कैलक्यूलेटर चलाते हैं तो तीन जीरो के बाद कॉमा लगता है फिर उसके बाद हर दो दो जीरो के यहां पर कॉमा लगना शुरू हो जाता है राइट लेकिन यही जब आप अमेरिका में कैलकुलेटर चलाएंगे तो वहां पर आपको ये पता होगा कि हर कितने जीरोस के बाद कॉमा लगता है ये आपको मालूम है या नहीं है है ना इंडिया का जो नंबरिंग सिस्टम है वो ऐसा है ये जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा राइट right? और अमेरिका फॉरेन का जो नंबरिंग सिस्टम है वो ऐसा है राइट right? और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि ये कॉमा आखिर क्यों लगाया जाता है मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी हैव टू डू इट राइट लेकिन आप ये जानते होंगे कि हम जब भी कॉमा लगाते हैं तो कॉमा लगाने का रीजन होता है कि वहां पर यूनिट चेंज हो रही है वहां पर यूनिट चेंज हो रही है जैसे कि यहां पर हम इसे क्या बोलते हैं थाउजेंड्स राइट फिर इसके बाद यहां पर हम इसे क्या बोलते हैं लैक्स और फिर हम इसे बोलते हैं करोस तो सिमिलरली यहां पर जो क्योंकि इंडिया में हर दो दो जीरो के बाद यूनिट चेंज होती है इसलिए हम हर दो दो जीरो के बाद कॉमा लगाते हैं अमेरिका में हर तीन तीन जीरो पर यूनिट चेंज होती है विच मीन्स कि यहां पर ये जो ट्रिपल जीरो है इसे तो अमेरिका में भी थाउजेंड ही कहते हैं कोई दो राय नहीं है लेकिन अब आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर इसे क्या कहते होंगे अमेरिका इसे कहते हैं मिलियन राइट right? और अब आप यहां पर सोच पा रहे हैं मिलियन टू कितना? तो वो उसके लिए यहां पर वन इमेजिन करना पड़ता है तो आप देखिए वन मिलियन इज इक्वल टू कितना आ रहा है टेन लैक्स आ रहा है ना यहां पर ये यह देखो ना अपन इंडिया के हिसाब से सोचते हैं तो है ना सो so, वन मिलियन इज इक्वल टू टेन लैक्स और अब दोस्तों फिर से जब तीन जीरो लगाएंगे ना तो यूनिट चेंज होगी राइट और मिलियन के बाद नेक्स्ट यूनिट क्या होती है उन लोगों की बिलियन राइट तो अब आप यहां पर देखिए कि बिलियन यानी कितना होता है तो टेन लैक्स तो यहीं तक ही हो गया था फिर ये एक और जीरो जोड़ दिया तो हंड्रेड लैक्स यानी वन करोड़ फिर एक और जीरो टेन करोड़ और एक और जीरो करोड़, राइट सो वन बिलियन टू जिन्होंने भी जवाब दिया था ये सौ करोड़ बिल्कुल सही अब जब मैंने इस तरीके से आपको सिखा दिया तो मिलियन और बिलियन के ऊपर अब नेक्स्ट यूनिट क्या होती है ट्रिलियन क्या मुझे बताना पड़ेगा ट्रिलियन में कितने जीरो हैं नहीं आप जानते हैं कि अगर मैं यहां पर कॉमा लगाकर अभी कितने जीरो और ऐड कर दूं तीन जीरो तो ये बन जाएगा ट्रिलियन राइट तो कॉमा का लॉजिक समझ में कॉमा पर यूनिट चेंज होती है राइट तो सौ करोड़ यानी वन बिलियन और सौ करोड़ में कितने जीरो और जोड़ देंगे तीन जीरो तो हंड्रेड करोड़ में तीन जीरो और जोड़, वन लाख करोड़ है ना सो वन ट्रिलियन इज इक्वल टू कितना वन लाख करोड़ इज दैट अब उसके बाद वो कुछ भी बोले जिलियन बोले वट एवर बोले यू you नो know कि हर तीन तीन जीरो जोड़ते जाने और यूनिट हमें बढ़ाते चले जाने और इंडिया में यही काम कैसा होता है हर दो दो जीरो पर होता है कमिंग बैक टू अवर एक्विजीशन वोडाफोन है डील साइज वॉज वन एटी थ्री बिलियन अब इस वन एटी थ्री बिलियन को अगर हम डी कोड करेंगे तो दोस्तों वन एटी थ्री बिलियन मैं बिलियन की जगह पर क्या ले लू हंड्रेड करोड़ सो इट बिकम्स वन एटी थ्री 18,300. हंड्रेड एटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड अट्ठारह हजार तीन सौ करोड़ डॉलर वन डॉलर इक्वल्स टू एटी मान लेते हैं राउंड नंबर में एटी से ऊपर है, एटी मान लेते हैं ना अठारह हजार तीन सौ करोड़ को जरा मल्टीप्लाई करें एटी से एंड लुक एट द डील साइज, एटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड इंटू एटी दोस्तों कितना आ रहा है फोर्टीन लाख सिक्सटी फोर थाउजेंड कर चौदह लाख चौसठ हजार करोड़ का डील साइज था यह है दुनिया का सबसे बड़ा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आखिर वो कौन लोग होते होंगे जो ऐसी इतनी बड़ी डील करवाते हैं चौदह लाख करोड़ की डील कौन लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स तो से जो मर्जर्स एंड एक्विजीशन डील करवाते तो कुछ लोग चाहिए ना जिन्होंने वोडाफोन को मैनेजमेंट के साथ कॉन्टेक्ट करवाया होगा उन दोनों के बीच में नेगोशिएशन करवाए होंगे लीगल फॉर्मेलिटीज करवाई होंगी स्टॉक एक्सचेंज पर काफी सारी रेगुलेटरी फॉर्मेलिटीज होती होंगी वो वो करवाई होंगी कौन लोग होते हैं वो वो होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स गोल्डमैन से बैंक ऑफ अमेरिका मैराल जेपी मॉर्गन चेस राइट ये लोग ये सारी डील्स करवाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स दुनिया में जो सबसे क्रीम जॉब है ना सबसे क्रीम जॉब दुनिया का फाइनेंस की फील्ड वालों के लिए वो सबसे क्रीमेस्ट जॉब ही क्या है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपके पैकेज का एक कंपोनेंट होता है फिक्स और दूसरा होता है वेरिएबल और ये जो वेरिएबल वाला कंपोनेंट होता है ना यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है यानी ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की टीम लगती है ना सपोज करो पंद्रह लोगों की टीम है जो कि डील करवा रही है हालांकि ये डील ऐसे नहीं होती कि आज हमने स्टार्ट करा नेगोशिएशन और सात दिन पंद्रह दिन में इट टेक्स मंथ्स इट इट टेक्स ईयर माइट टेक अप टू और थ्री इतना समय लग जाता है एक एंड डील को करवाने में सारी हर जगह से हमें फॉर्मेलिटीज लीगल फॉर्मेलिटीज करवानी पड़ती है रेगुलेटरी कंप्लाइंस सब करने पड़ते हैं पहले तो उन दोनों पार्टीज को तैयार करना पड़ता है कि वो आपस में नेगोशिएट करें उनका प्रॉपर इंटीग्रेशन करवाना पड़ता है लेकिन इतनी बड़ी डील साइज पर आप कमीशन इमेजिन कर पा रहे हो जब एक छोटा सा प्रॉपर्टी ब्रोकर जब एक प्लॉट इधर से उधर बिकवाता है खरीदवाता है दो लोगों के बीच में डील करवाता है तो प्रॉपर्टी ब्रोकर कितनी लेता है दलाली कमीशन कितना लेता है टू परसेंट थ्री परसेंट लेता है एक करोड़ का प्लॉट है दो परसेंट कितना हो दो लाख रुपए में ये डील साइज देख रहे हो ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं अगर दोस्तों आपने दस हजार करोड़ की भी डील करवाई टेन थाउजेंड करोड़ की भी डील करवाई और उस पर अगर आपने वन परसेंट कमीशन भी चार्ज करा तो आपका सीधे हंड्रेड करोड़ का बिल बनता है ना दस हजार करोड़ का वन परसेंट कितना हंड्रेड सौ करोड़ का बिल बन रहा है

तो कोई तो व्यक्ति होगा ना जिसने टाटा के मैनेजमेंट को कॉन्टैक्ट किया होगा और उसी व्यक्ति ने जाकर जेगवार और लैंड के मैनेजमेंट को कॉन्टैक्ट करा दोनों को नेगोशिएशन पर बैठाया दोनों को कन्विंस किया अक्वायर को यानी टाटा मोटर्स को यह कन्विंस किया कि आपको जेगवार को अक्वायर करना चाहिए आपके लिए फायदे का सौदा है एट द सेम टाइम उसने जगवार या लैंड को कन्विंस करा कि आपको अपनी कंपनी कंटिन्यू करने की बजाय सेल करने में फायदा है तो दोस्तों यह काम करता है इन्वेस्टमेंट बैंकर और उसको इसी बात के पैसे मिलते हैं कि वो दो लोगों के बीच में नेगोशिएशन करवाता है डील करवाता है जो उनके डिफरेंसेस होते हैं उसको वो रिकनसाइल करता है आखिर कौन लोग बनते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर में हु बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट बैंकर दो तरह के लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रोफाइल के लिए एलिजिबल होते हैं एक तो एम और दूसरे सीएस एमबीएस अगेन फ्रॉम टॉप नॉच कॉलेजेस जैसे आई हुआ और वहां के जो टॉप नॉच कॉलेजेस के एमबीएस होते हैं उन्हें दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की टीम में रखा जाता है क्योंकि आप समझ रहे हो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेगा उसको टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट से जाकर मिलना है और उसको जगवार लैंड रोवर के मैनेजमेंट से जाकर मिलना है और जो मैनेजमेंट का व्यक्ति होगा वो कोई आम इंसान नहीं होगा वो ऑलरेडी इंडस्ट्री का पूरा एक्सपर्ट नॉलेज लेकर बैठा होगा इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहा है वो हजारों करोड़ की और आपको उससे मिलने जाना है यू नीड दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू नीड दैट काइंड ऑफ नॉलेज यू नीड दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स नेगोशिएशन स्किल्स, तो ऐसे लोगों की लगती है, में जिनकी बढ़िया होती, जिनकी बहुत बढ़िया होती है जो नेगोशिएशन में एक्सपर्ट होते हैं लोगों को कन्विंस करने में अपनी बात मनवाने में एक्सपर्ट होते हैं ये बन, ये बनते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर फ्रंट एंड वाले ले, लेकिन इनको सपोर्ट लगता है बैक एंड का क्योंकि जब आपको टाटा मोटर्स को कन्विंस करना है कि आप जगवार लैंड रोवर को खरीदें तो उसके लिए पहले आपको जगवार लैंड रोवर का एनालिसिस करना पड़ेगा डेटा क्रंचिंग करनी पड़ेगी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने पड़ेंगे उनका मार्केट समझना पड़ेगा उनके फोरकास्ट डेवलप करने पड़ेंगे वो टाटा मोटर्स को बताने पड़ेंगे कि देखो ये रहा टाटा मोटर्स स्टैंड अलोन और ये रहा टाटा मोटर्स प्लस जेग्वार लैंड रोवर एंड लुक एट द मार्केट साइज दैट यू आर गोइंग टू एड्रेस तो यहां पर आता है बैक ऑफिस का काम नॉर्मली दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट को शुरुआत में बैक ऑफिस में जॉब मिलता है और ऐसा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है कि रफली फोर ईयर्स बैक ऑफिस में स्पेंड करने के बाद हमें फ्रंट एंड की अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाती है क्योंकि फोर ईयर्स वहां पर काम करके हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाता है राइट right? उसी तरीके से एम बी एस को भी डायरेक्टली फ्रंट एंड में नहीं रखा जाता है क्योंकि पहले आपका बैकग्राउंड नॉलेज बहुत सॉलिड होना चाहिए यार आप टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट से जाकर बात कर रहे हो हो आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे तो पूरा आपका बैकग्राउंड पूरा सॉलिड होना चाहिए कि आप उनको कन्विंस कर पाए विथ नंबर विथ योर टॉक्स एंड एवरी राइट तो नॉर्मली बैक एंड पर पहले जॉब मिलता है और फिर वो फ्रंट एंड पर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए रास्ता फ्रंट एंड वाला चार साल बाद खुलता है राइट right? तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में अच्छा खासा पैकेज

करती है आप में से कुछ लोग जो शेयर मार्केट में काम करते होंगे उन्हें पता होगा कि आजकल छोटी कंपनीज के भी आई आते हैं एसएमई आईपीओ राइट तो ये छोटी कंपनीज भी एक दूसरे को अक्वायर करती सो ऑन so राइट तो अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ गई है राइट डोमेस्टिक मर्जेस एंड एक्विजीशन भी होते हैं और इंटरनेशनल मर्जेस एंड एक्विजीशन भी होते हैं राइट यहां पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में अच्छी खासी जॉब लगती है बढ़िया सा पैकेज लगता है अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि मर्जर्स एंड एक्विजीशन करने के एडवांटेजेस क्या है मतलब क्यों करते होंगे ये लोग मर्जर्स एंड एक्विजीशन क्या फायदा है कुछ फायदे मुझे बताइए कंपटीशन खत्म करना मार्केट को कवर करना यानी टू ग्रो योर मार्केट शेयर एक्सपैंड मार्केट इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर एग्जाम्पल राइट कितना बढ़िया इन्होंने पॉइंट बोला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक कंपनी है छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें 50 लोग हैं और उन्होंने कर, एक एक बढ़िया प्रोडक्ट डिजाइन करा सॉफ्टवेयर पैकेज बढ़िया सा उन्होंने डिजाइन करा बट उनके पास ग्रो करने के लिए नेटवर्क नहीं है कैपिटल नहीं है हियर कम्स इन टू पिक्चर ऑनअर कंपनी जिसका नेटवर्क स्ट्रांग है जिसके पास कैपिटल है वो सिंपल उस कंपनी को अक्वायर कर लेगा और इसका प्रोडक्ट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा राइट right? दैट्स जैसे वोडाफोन है और आइडिया है राइट right? वोडाफोन का अपना एक नेटवर्क है पूरा टॉवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और आइडिया का भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उन दोनों के टावर्स अभी पास पास में लगे हुए और दोनों टावर्स का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 40 से 50 के बीच में है लेकिन आपको टॉवर का खर्चा तो पूरा ही उठाना है आप उसको फोर्टी परसेंट यूटिलाइज करो चाहे ट्वेंटी परसेंट अगर ये मोर्जर्स एंड एक्विजीशन करते हैं तो इन्हें जो नंबर ऑफ टावर्स की रिक्वायरमेंट होंगी वो अब कम हो जाएंगे और जिसकी वजह से इन्हें ऑपरेशनल सेविंग ऑपरेशनल सेविंग्स होंगी और जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी सो वन ऑफ द रीजन कुड बी कॉस्ट रिडक्शन राइट और बताइए दोस्तों बढ़िया एडवांटेजेस बता रहे मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट करना कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर एंड एक्विजिशंस एंड लुक एट पीवीआर वी आप भी जब मूवी थिएटर जाते हो तो हमारे पास मेनली चॉइस ही दो ही होती है ना आईनॉक्स का बुक कर लो या फिर पीवीआर का और जब ये दोनों ही एक हो जाएंगे तो हमारे पास चॉइसेस बहुत कम हो जाएंगे और उस केस में ये लोग टिकट का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं दे विल हैव मोनोपोली पावर राइट सो मोनोपोली कुड बी वन ऑफ द रीजन की कंपनीज मर्चर्स एंड एक्विजिशंस करना चाहते टैक्स बेनिफिट आप एक लॉस मेकिंग कंपनी को अक्वायर कर सकते हैं और उसके लॉसेस को आप अपने प्रॉफिट्स एडजस्ट करके कर so, एडवांटेजेस है, right? तो होते हैं मॉर्जर्स एंड एक्विजीशन के एक छोटा सा थियोरिटिकल डिस्कशन मैं और आपसे करना चाहूंगा फिर हम प्रैक्टिकल पर मूव करेंगे और ये वो थियोरिटिकल डिस्कशन है जो आपने ऑलरेडी सी इंटरमीडिएट में पढ़ रखा होगा एक दो तीन चार चार तरह के मर्जर्स होते हैं देर आर फोर टाइप्स ऑफ मर्जर्स हॉरिजोंटल वर्टिकल कॉन्ग्लोमेरिट और वो कोजेनेरिक है ना ओके okay. तो दोस्तों ये चारों टर्मिनोलॉजी हमारे भी सिलेबस में हमारी स्टडी मटेरियल में लिखी हुई है तो इसलिए हम इसको एक बार डिस्कस कर ले राइट right? तो सबसे पहला मर्जर एंड एक्विजीशन होता है हॉरिजॉन्टल एंड जो कि आपको पता है यहां पर हॉरिजॉन्टल मर्जर एंड का मतलब है कि कि दो कंपनीज जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होती है एक दूसरे को अक्वायर करती है दट इज हॉरिजोंटल एम एंड ए राइट इसका एग्जाम्पल हो सकता है वोडाफोन आइडिया इसका एग्जाम्पल हो सकता है पीवीआर वी राइट दस आर एग्जाम्पल्स ऑफ हॉरिजोंटल मर्जर राइट या फिर टाटा मोटर्स और जेगवर लैंड ओवर राइट ओके एक और एंड एक्विजीशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं वर्टिकल एंड एक्विजीशन राइट वर्टिकल में भी दो होते हैं एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन और एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन राइट वर्टिकल एंड का मीनिंग होता है कि जब आपका जो सप्लाई चेन है राइट सप्लाई चेन का मतलब होता है कि कहां पर रॉ पैदा हो रहा है कहां से आ रहा है उसकी प्रोसेसिंग कहां हो रही है फिर वो किस चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये 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 कहलाता है कंप्लीट सप्लाई चेन राइट तो अगर आपने अपने सप्लायर को अक्वायर कर लिया तो ये भी वर्टिकल मर्जर होगा या फिर आपने अपने कस्टमर मर्जर को अक्वायर कर लिया तो ये भी वर्टिकल मर्जर होगा इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं सपोज करो कि एक थ्रेड मैन्युफैक्चर या एक ए, एक एग्जाम्पल लेते सपोज करो कि एक कॉटन मिल है जो कि रुई बनाती है राइट कॉटन बनाती है फिर वो कॉटन सप्लाई करती है और उससे क्या बनता है थ्रेड फिर थ्रेड खरीदने के बाद उससे बनता है कपड़ा क्लोथ्स राइट right? और फिर ये क्लोथ्स जाता है रिटेल स्टोर्स पर और वहां से बिकता है कस्टमर्स को राइट है ना अब अगर ये जो थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो किसको अक्वायर कर ले उस कॉटन मिल को अक्वायर कर ले राइट right? तो ये हो जाएगा वर्टिकल मर्जर की उसने अपने सप्लायर को ही अक्वायर कर लिया और इसके पीछे रीजन भी आप समझ रहे हैं कि उसने अपने सप्लायर को इसलिए अक्वायर कर लिया कि अब उसे रॉ मेटेरियल का एक्सेस ज्यादा ईजिल अवेलेबल हो जाए सस्ते में अवेलेबल हो जाए श्योरिटी हो जाए कि मुझे अभी ये रॉ मेटेरियल

उसने बोला यरी जो पेंटालून स्टोर्स हैं इन्हें कपड़ा तो हम ही बना कर देते हैं फिर ये लोग उस पर डबल मार्जिन लेकर बेचते हैं क्यों ना एक काम करो पेंटालून स्टोर्स को ही खरीद लो राइट तो ये जो मर्जर है ये भी क्या हो जाएगा वर्टिकल मर्जर राइट इसके बाद दोस्तों तीसरे तरह का आपने कौन सा बोला था कॉन्ग्लोमेरेट राइट कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है जिसमें ना सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो ना ही वो किसी भी तरीके से सप्लाई चेन से कनेक्टेड हो मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस की कंपनीज आपस में अगर मर्ज हो जाती है जिनके मर्जर पर हमें यह भी समझ में नहीं आता कि इन्होंने मर्जर किया क्यों होगा ऐसे मर्जर्स क्या कहलाते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहलाते हैं राइट इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सपोज करो कि इन्फोसिस नाम की कंपनी ने एक सोयाबीन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अक्वायर कर लिया इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी सोयाबीन ऑयल कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन कोई कनेक्शन नहीं है राइट ऐसे मर्जर को हम क्या कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहते हैं हालांकि बहुत कम होते हैं नॉर्मली तो हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल ही होते हैं क्योंकि उसके पीछे रैशनली हमें समझ में आता है राइट कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के पीछे सिर्फ दो ही रीजंस हो सकते हैं सबसे पहला तो आपका डाइवर्सिफिकेशन का उद्देश्य हो यानी इन्फोसिस का कहना है कि अब टेक्नोलॉजी में तो बहुत फियर्स कंपटीशन है हमें किसी दूसरे बिजनेस में और कदम रख लेना चाहिए राइट right? जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ क्या रिलायंस इंडस्ट्री सिंगल बिजनेस में ऑपरेट करता है मल्टीपल बिजनेस और मल्टीपल बिजनेसेस का फायदा यह रहता है कि चलो किसी बिजनेस का अगर बिजनेस साइकिल डाउन भी चल रहा है तो किसी और बिजनेस का अप साइकिल चल रहा होगा वहां से हमारा काम चलता निकलेगा राइट right? तो ऐसे केसेस में अगर आपको डायवर्सिफिकेशन करना हो तो फिर आप कॉन्ग्लोमरेट मर्जर पर जाते हैं राइट right? और या फिर इसका दूसरा रीजन हो सकता है कि हमें कोई डायवर्सिफिकेशन नहीं हमारे पास तो एक्सेस कैश रखा हुआ है काफी सारा सरप्लस तो कैश तो एक काम करो एक दूसरे सेगमेंट की कंपनी है उसी को अक्वायर कर लो राइट right? तो डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस कैश या फिर डाइवर्सिफिकेशन दिस कुड बी इज दैट क्लियर ओके इसके बाद एक और आखिरी आपने बताया था को जेनेरिक मर्जर राइट को जेनेरिक मर्जर का मीनिंग होता है कि दो कंपनीज तो काइंड ऑफ़ ऑफ़ डिफरेंट डिफरेंट लाइन बिज़नेस में, बट दे आर समहाउ कनेक्टेड किसी तरीके से उनमें कनेक्शन बिठाया जा सकता है इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो समझ में आएगा दैनिक भास्कर दैनिक भास्कर पत्रिका प्रिंट मीडिया है ये लोग यस yes. और आज तक चैनल उनका प्रिंट मीडिया नहीं है उनका यहां पर टेलीविजन नेटवर्क है राइट लेकिन दोनों काम तो कौन सा कर रहे हैं न्यूज का

थी तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया अभी वो हम थ्योरी में पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर राइट जो मैंने आपके साथ वो टर्मिनोलॉजी ने डिस्कस करी थी गोल्डन पैराशूट पाइजन पेल और न जाने क्या क्या राइट right? वो सब हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कस करेंगे अब हम आते हैं हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन पर मॉर्जर्स इंक्विजीशन चैप्टर में मैंने तीन कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम्पल डिजाइन कर रखे कितने तीन ये तीन एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए कि आपका 25 क्वेश्चन का काम हो जाएगा कितने 25 क्वेश्चन सिर्फ इन तीन एग्जाम्पल में कवर हो जाएंगे राइट लेकिन इन तीन एग्जाम्पल को मैं आपको समझाऊं ये कॉम्प्रेहेंसिव एग्जाम्पल दे टेक रफली वन डे यानी तीन से चार घंटे सिर्फ वो तीन एग्जाम्पल चलेंगे राइट इन कॉम्प्रेहेंसिव एग्जाम्पल को समझाऊ उससे पहले मुझे ना आपको कुछ छोटे छोटे बेसिक्स समझाने पड़ेंगे जैसे स्वैप रेशो क्या होता है पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या होता है ना ऐसे छोटे छोटे मुझे आपको बेसिक समझाने पड़ेंगे पीई रेशो क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है राइट तो मैं आज के लेक्चर में ये सारे छोटे छोटे बेसिक्स कवर कर रहा हूँ और फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स की शुरुआत करेंगे दोस्तों आते हैं हम यहाँ पर बेसिक्स समझते हैं ओके okay. अब जब मैं बेसिक समझाऊंगा तो हो सकता है कि आपको ये बहुत ही बेसिक लगे सबसे पहला बेसिक है ईपीएस बच्चा बच्चा जानता है ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है है ना थोड़ी सी हम हमारी इंटरमीडिएट की अगर यादें ताजा करें तो हमने जब लिवरेज चैप्टर पढ़ा था इंटरमीडिएट में तब हमने ना इनकम स्टेटमेंट बनाया था पूरा इनकम स्टेटमेंट हम बनाते थे, राइट? इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते थे, तो हम सबसे पहले लिखते थे सेल्स। इसमें से माइनस क्या करते थे वेरिएबल कॉस्ट ये आता था कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट वो डिपेंड करता है कि कॉस्टिंग आप पे ज्यादा भारी पड़ा था कि एफएम। अगर कॉस्टिंग भारी पड़ा था तो हम यहां पर क्या बोलते हैं प्रॉफिट और एफ एम भारी पड़ा था तो हम यहाँ पर बोलते हैं ए बी आई टी राइट तो ये डिफरेंस एक्चुअली कॉस्टिंग में और एफ एम में है ना कॉस्टिंग uh, में इसको प्रॉफिट इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि इसके नीचे के जितने सारे एक्सपेंस रहते हैं उससे कॉस्टिंग को कोई मतलब नहीं होता है कॉस्टिंग को कोई मतलब नहीं कि आपने डेट रेस करी वो किस कॉस्ट पर रेस करी और आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो कॉस्टिंग को कोई मतलब नहीं कि आप इनकम टैक्स कितना पे कर रहे हो तो इसलिए कॉस्टिंग तो इसे ही क्या बोल देता था प्रॉफिट लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो ये हमारे लिए क्या होगा ईबीआईटी, ठीक है इसमें से माइनस कर लेंगे इंटरेस्ट तो आता है ईबीटी अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्स ये आता है

नंबर ऑफ है तो ये हो जाएगा अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस यानी ईपीएस बिलोंग करता है शेयर होल्डर्स को या फिर ईपीएस बिलोंग करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है ईपीएस इज दैट क्लियर ओके तो ईपीएस का फॉर्मूला अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो ईपीएस का फॉर्मूला होगा ई एस यानी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स या फिर कई बार आपको स्टडी मटेरियल में या एग्जाम में सजेस्टेड आंसर में आपको यह वाला फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है ई ए टी अपॉन एन गलत नहीं है फॉर्मूला यह भी सही है कब सही है ये जब शेयर्स हो ही नहीं राइट सो इफ शेयर्स डजेंट एग्जिस्ट देन दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो ओके नो प्रॉब्लम इफ प्रेफरेंस शेयर्स डेंट एग्जिस्ट तो फिर यह वाला फॉर्मूला भी चलेगा तो आपको किताबों में कई बार ये वाला फार्मूला देखने को मिलेगा तो हमें चलेगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रेफरेंस नहीं हो तो यह भी चलेगा राइट ओके इसके बाद दोस्तों दूसरी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमें डिस्कस करनी है वो डिवेट डिवरेंट से रिलेटेड डिवरेंट से रिलेटेड तीन टर्म्स होती है एक होता है डिवरेंट परसेंट एक होता है डिवरेंट ईल्ड परसेंटेज और एक होता है डिवरेंट पे आउट रेशियो और ये तीनों सेम है एक ही बात है तीनों अलग है तीनों अलग है है ना तीनों में फर्क समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एग्जाम में बैठकर अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो देन यू हैव टू पे अटेंशन कि उन्होंने डिवरेंट परसेंट ट्वेंटी लिखा है या उन्होंने डिवरेंट ईल्ड परसेंटेज ट्वेंटी लिखा है या उन्होंने डिवरेंट पे आउट रेशियो ट्वेंटी लिखा है तीनों पर कैलकुलेशन अलग चलेंगे राइट right? सो so, वन एज डिवरेंट परसेंटेज फिर हम इसे कंपेयर करेंगे कि डिवरेंट इल्ड परसेंटेज क्या होता है और डिवरेंट पे आउट रेशियो आखिर क्या होता है बहुत बेसिक बेसिक डिस्कशन चल रहे हैं क्योंकि ये कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे तो हमें उस वक्त मालूम होना चाहिए कि डिविडेंड परसेंट क्या है डिविडेंड यील्ड परसेंटेज क्या है ओके okay. दोस्तों जब आपने इलेवेंथ ट्वेल्थ में अकाउंट्स पढ़ा होगा और कंपनी अकाउंट्स पढ़ा होगा तो आपका जो सामना हुआ होगा वो सिर्फ और सिर्फ इससे हुआ होगा डिविडेंड परसेंट से राइट right? अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज एजीएम में एनुअल जनरल मीटिंग में आकर अनाउंसमेंट करती है दैट वी आर डिक्लेयरिंग फिफ्टी परसेंट डिवरेंट तो क्या इसका मतलब यह है कि रिलायंस का जो शेयर का प्राइस है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज उसका फिफ्टी परसेंट साढ़े बारह तो डिविडेंड परसेंटेज का फॉर्मूला होगा डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड पर शेयर अपॉन क्या फेस वैल्यू राइट तो लेट अस सपोज कि रिलायंस के शेयर की फेस वैल्यू है टेन रुपीस और मुकेश अंबानी जी आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि दिस आवर इस 50 बैठा हुआ रिलायंस का शेयर होल्डर क्या उस फिफ्टी परसेंट को फिफ्टी परसेंट तो डिविडेंट देती है कंपनी पचास परसेंट तो डिविडेंड ही क्या एक इन्वेस्टर डिविडेंड परसेंटेज पर फोकस करेगा नहीं इन्वेस्टर मालूम है किस एंगल से देखेगा कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है रिलायंस का तो रिलायंस का सपोज करें मार्केट प्राइस चल रहा है पच्चीस सौ रुपए ट्वेंटी फाइव हंड्रेड क्या कितने रुपए दिया डिविडेंट पांच रुपए तो क्या बोलेगा कितना परसेंट बन रहा है अपना फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव हंड्रेड राइट यानी कितना टू परसेंट टू भी नहीं पॉइंट टू परसेंट राइट तो पॉइंट टू परसेंट कंपनी डिविडेंड दे रही है एंड दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड यील्ड परसेंटेज राइट तो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस एमपीएस ठीक है डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस है ना और अब आप ये भी समझ गए हैं कि कंपनी जब अनाउंसमेंट करती है तो कंपनी डिविडेंड यील्ड का अनाउंसमेंट नहीं करती कंपनी अनाउंस डिविडेंड परसेंटेज लेकिन व्हाट कंसर्न्स एन इन्वेस्टर इज डिविडेंड यील्ड परसेंटेज इज दैट क्लियर ओके तो जब भी आप स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पर जाएंगे ना तो वहां पर आपको डिविडेंड यील्ड परसेंटेज ही नजर आएगा क्योंकि एक इन्वेस्टर को जो मतलब है वो किससे है डिविडेंड परसेंटेज से इज दैट क्लियर ओके दोस्तों डिविडेंड पे आउट रेशियो हर कोई जानता है ईपीएस है ना सपोज करें रिलायंस का अर्निंग पर शेयर है फिफ्टी रुपीज और रिलायंस ने फिफ्टी रुपीज में से फाइव रुपीज डिवरेंट दिया है। अर्निंग कमाई है फिफ्टी रुपीज उसमें से फाइव रुपीज दे दिया डिविडेंड तो ये क्या हो जाएगा डिविडेंड पे आउट ratio kitna percent are the different payout ratio 10 percent right five rupees has been paid out of 50 rupees of EPS right so the formula is dPS upon EPS is that clear okay तो आप जब क्वेश्चन बढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना रहेगा उन्होंने डिफरेंट परसेंट लिखा है परसेंट या फिर payout ratio. सबका बेस अलग है सबके न्यूमरेटर में है तो डिफरेंट ही लेकिन सबका बेस अलग है पे आउट रेशो का बेस है ईपीएस का बेस है मार्केट प्राइस और डिवरेंट परसेंट का बेस क्या है फेस वैल्यू इज दैट क्लियर ओके और एक बात और कभी भी लाइफ में जब भी ये वर्ड आ जाए कौन सा वर्ड ईल्ड वर्ड तो हमेशा डिनोमिनेटर मार्केट प्राइस ही होगा हंड्रेड परसेंट ऑफ द सिचुएशन में एफ एम में जब भी यील्ड कैलकुलेट की जाती है तो उसको मार्केट प्राइस के बेस पर ही कैलकुलेट किया जाता है हाँ ना अच्छा ये यील्ड वर्ड का मीनिंग कॉस्टिंग में अलग होता है और एफ एम में अलग होता है जब हम कॉस्टिंग में यील्ड पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है आउटपुट हंड्रेड के जीस का इनपुट डाला एंड ईल्ड इज 80 परसेंट मतलब आउटपुट कितना है है में में का का मीनिंग अलग होता है, का मतलब रिटर्न कितना मिला मतलब कितना रिटर्न मिला तो इंसान रिटर्न किस पर कैलकुलेट करेगा कि उसका खुद का कितना पैसा ब्लॉक है इज दैट क्लियर ना कि कंपनी ने कितनी फेस वैल्यू पर शेयर इश्यू करा था किसी जमाने में थर्ड बेसिक टर्मिनोलॉजी दोस्तों हम यहां पर पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज रिटेंशन रेशियो तो अगर कंपनी ने ईपीएस अर्निंग पर शेयर कमाया है फिफ्टी रुपीज का और उसमें से डिविडेंड पे कर दिया कितना फाइव रुपीज बचा हुआ फोर्टी फाइव क्या हो जाएगा रिटेन अर्निंग्स राइट तो रिटेंशन रेशियो राइट रिटेंशन रेशियो का कोई फॉर्मूला बताना चाह रहे हैं हाँ दो फॉर्मूलेज यहां पर बन सकते हैं एक तो ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन ईपीएस फिफ्टी रूपीज का अर्निंग पर शेयर माइनस फाइव रुपीज का डिविडेंड फोर्टी फाइव रुपीज अपॉन फिफ्टी या फिर आप चाहो तो इसको आर ई पी एस अपन ईपीएस भी बोल सकते जहां पर आर ई पी एस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा रिटेन अर्निंग पर शेयर राइट और या फिर कुछ स्टूडेंट ने यह भी फॉर्मूला सोच लिया होगा कि जब हमें डिविडेंड का पे आउट रेशियो ही मालूम है

और इसका फॉर्मूला में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं अर्निंग right? अर्निंग का मतलब होगा कि अर्निंग्स की फॉर्म में कितना रिटर्न हम कमाते हैं राइट right? तो मैंने कितने रुपए में शेयर खरीदा और कंपनी कितने रुपए का अर्निंग कमाकर दे रही है राइट right? जैसे डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या था डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला होगा अर्निंग्स अपॉन मार्केट प्राइस राइट सो इट विल बी ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस ओके अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसे हम मार्केट कैप भी कहते हैं राइट right? तो अगर दोस्तों मैं आपको कहूं कि हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप कैलकुलेट करना है मान लो सीधे ही बोल दिया मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है ना मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स यानी हम सबसे पहले तो रिलायंस का मार्केट प्राइस ढूंढ लेंगे मार्केट प्राइस ढूंढना बहुत आसान है राइट right? रिलायंस का मार्केट प्राइस ढूंढने के बाद हमें पता करने होंगे रिलायंस के नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आखिर कितने हैं और वो आसानी से मिल जाते हैं या तो आप उनके लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर चल जाइए और वहां देख लीजिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स राइट और या फिर स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पर भी लिखे हुए रहते हैं कि इनके नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं राइट सो मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स राइट पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर और डिस्कशन करेंगे इस बारे में सो so, एम कैप यानी कि मार्केट कैप इज इक्वल टू मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स और हमें अभी उस पाइफरकेशन में जाने की जरूरत नहीं आउटस्टैंडिंग ऑथोराइज कैपिटल वो सब आउटस्टैंडिंग ही लेते हैं यहां पर है, कि इस तारीख पर कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, है ना <laughs> आप जानते हैं इंडिया में सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैप किस कंपनी का है रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंडिया का में जो सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना 15 लाख करोड़ 18 लाख करोड़ 18 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ एक बार चेक करते हैं मार्केट कैप आखिर हाँ जी अब तो एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी का हो जाएगा तो अपन एक काम करते हैं पहले रिलायंस का चेक कर लेते हैं फिर एच डी एफ सी का भी हम यहां पर चेक कर लेंगे ओके हम्म तो एक काम करते हैं ना हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पर आते हैं सपोज करो मैं यहाँ पर गूगल फाइनेंस ओपन कर लेता हूँ हाँ और गूगल फाइनेंस की वेबसाइट पर हम यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आते हैं मैंने यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज टाइप करा अरे वाह आज अपना शेयर बढ़ा हुआ है हाँ जी आप यहाँ पर मैं ये तो इनका खैर शेयर का प्राइस है है हाँ ना मैं यहां पर आ रहा हूं राइट साइड पर और राइट साइड पर यहां पर आप देख पा रहे मार्केट कैप लिखा हुआ है मार्केट कैप लिखा हुआ नाइनटीन पॉइंट टू वन टी का मतलब यहां पर ट्रिलियन है और ट्रिलियन हमने देखा था वन लाख ,00 करोड़ तो नाइनटीन पॉइंट टू वन इंटू वन लाख वही नाइनटीन पॉइंट टू वन लाख करोड़ 19 लाख ,00 ,00 करोड़ इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन रफली बीस लाख करोड़ ही मान लो तो ये सबसे है दोस्तों है ना मतलब एच और एच के मर्जर के बाद भी रिलायंस ही ऊपर चल रहा है राइट तो बीस लाख ,00 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है किसका रिलायंस इंडस्ट्रीज का यानी अगर हम रिवर्स में कैलकुलेट करना चाहें तो हम नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं इनके है ना तो थोड़ा सा कैलकुलेटर को कष्ट देना और नाइनटीन लाख ट्वेंटी है ना नाइनटीन लाख ट्वेंटी लिखना करोड़ को मन में रखना क्योंकि कैलकुलेटर से बाहर निकल जाएंगे लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड लिखा और उसको डिवाइड किससे कर लेंगे टू एट फोर जीरो से मार्केट प्राइस से और जो आया उसमें करोड़ लगाकर पढ़ना छह सौ करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है सिक्स सेवेंटी सिक्स करोड़ इज द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग राइट आप इमेजिन करो कितने सारे शेयर्स आउटस्टैंडिंग है छह सौ छिहत्तर करोड़ शेयर्स उनके आउटस्टैंडिंग है नंबर ऑफ शेयर्स राइट तो दोस्तों जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे रिलायंस है तो उनका मार्केट कैप तो उन्नीस लाख करोड़ के आसपास है एच डी एफ सी है टी है टी का भी मार्केट कैप लगभग बारह तेरह चौदह लाख करोड़ के आसपास एक बार टीसीएस का भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं टीसीएस का भी अच्छा खासा मार्केट कैप है इन्हीं कंपनीज ने हमारे देश का नाम रोशन कर रखा है हाँ जी यहाँ पर टीसीएस का मार्केट कैप देखेंगे अच्छा है काफी है ट्वेल्व लैख सेवेंटी करोड़ राइट तो यहाँ पर टीसीएस अच्छा दिखता है एक्चुअली रिलायंस बड़ा है लेकिन टाटा ग्रुप उससे भी बड़ा है क्योंकि टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज है अभी टीसीएस में हम टाटा मोटर्स जोड़ लेंगे और टाइटन जोड़ लेंगे और बहुत सारी कंपनी टाटा स्टील जोड़ लेंगे तो उनका मार्केट कैप उससे भी ऊपर निकल जाएगा बट उनकी अलग अलग कंपनीज कंपनीज लिस्टेड टाटा टाटा की, टाटा की कितनी सारी ना आपको मालूम हो तो ही होगा, है। है, तो बड़ा दिखता है क्योंकि वो एक ही के अंदर सब कुछ है। लेकिन में सारी सेपरेटली है, तो हमें यहां पर समझ में आया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होता है मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ना अब दोस्तों यहां पर मार्केट कैप कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला होता है वो मैं यहां पर अभी आपको लिखवा रहा हूं राइट और उसे हम समझ थोड़ी देर बाद लेंगे तो वो एक और फॉर्मूला होता है पीई रेशो इन टू ई एस पीई रेशियो इंटू ईस है ना ये भी एक और फॉर्मूला होता है राइट ये फॉर्मूला कैसे आया उसके लिए मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल दे देता हूं राइट तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल में हम दोनों तरीके से कैलकुलेट करके देख लेंगे आंसर सेम आएगा है ना तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सपोज करें कि एक कंपनी है जिसके की नंबर ऑफ शेयर्स है वन लाख शेयर्स उस कंपनी का ई एस यानि अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज और उस कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस चल रहा है सपोज करें फिफ्टी रुपीज लेट्स कैलकुलेट मार्केट कैप यूजिंग बोथ द फॉर्मूलास है ना तो क्या फर्स्ट फॉर्मूला के लिए है हमारे पास इंफॉर्मेशन मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स राइट तो चाहे तो यहां पर लिख लेते हैं मार्केट कैप इज इक्वल टू मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट प्राइस इज फिफ्टी रुपीज एंड नंबर ऑफ शेयर्स हैं वन लाख शेयर्स सो so, ये कितना आ जाता है फिफ्टी लैक्स ये आ गया मार्केट कैप सेकेंड फार्मूला के लिए एक बार फॉर्मूला तो लिखते हैं अब मार्केट कैप इज इक्वल टू पीई रेशो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट ई एस अब हमें यहां पर पीई रेशियो डायरेक्टली तो दिया हुआ नहीं है है ना लेकिन पीई रेशियो -E शायद आपने इंटरमीडिएट में सुन तो रखा होगा हालांकि मैं वो वापस से अगला बेसिक कॉन्सेप्ट पीई रेशियो पर ही हम आने वाले हैं पीई रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो पी नहीं वो कॉस्टिंग है पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन रेशो है ना पीई रेशियो राइट प्राइस टू अर्निंग्स रेशो और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में ही फॉर्मूला छुपा हुआ है प्राइस टू अर्निंग्स यानी मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस एक्टर ओके है ना ये पीई रेशो की महिमा क्या है वो अगला ही हमारा डिस्कशन है लेकिन हमें क्योंकि ये पता है कि पीई रेशो होता है मार्केट प्राइस अपॉन ई पी एस सो लेट्स कैलकुलेट पीई रेशो तो मार्केट प्राइस है फिफ्टी रुपीज और अर्निंग्स पर शेयर कितना आ जाएगा

फिफ्टी लैक्स राइट अब ये जो मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए हैं ना उसमें से नॉर्मली second वाला है, दूसरा वाला ये जो फॉर्मूला ही हमें ज्यादा काम में आने वाला है सिलेबस मैंने क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन ही ऐसी दी होगी कि सेकेंड फॉर्मूला ज्यादा कन्वीनियंटली अप्लाई होगा राइट right? सोचने की बात यह है कि आखिर यह सेकेंड फार्मूला आया कैसे क्योंकि जो मैं नेचुरली क्लिक होता है वह मैं फर्स्ट फार्मूला ही क्लिक होता है आखिर ये सेकेंड फार्मूला आया कैसे इतना आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं आप मार्केट प्राइस को डिवाइड कर दो मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस बिकम्स व्हाट? पी रेशो और क्योंकि आपने जबरदस्ती डिवाइड किया राइट हैंड साइड पर तो अब मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो आप नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो ईपीएस

आज का जो मेन डिस्कशन होना है हमारा वो होना है पीई रेशो e. के बारे में प्राइस टू अर्निंग्स रेशो चलिए तो नेक्स्ट बेसिक में हम कवर कर रहे हैं पीई रेशो e. को सिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट है पीई रेशो प्राइस टू अर्निंग्स रेशो ओके दोस्तों प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का फॉर्मूला हर किसी को क्लियर है बस मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस है ना मेन जो आपका मेरा डिस्कशन है वो ये है कि आखिर पीई रेशो मतलब इसका मीनिंग क्या है ये जो पीई रेशो कैलकुलेट होता है आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है हा? तो सिग्निफिकेंस में आपको बताना शुरू करूं उससे पहले मिस्टर वॉरेन बफे वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर हिज फेवरेट रेशो इज पीई रेशो यानी जब आप उनकी किताबें भी पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत सारी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ किसका जिक्र किया है पीई रेशो e. का प्राइज अर्निंग्स रेशो का जिक्र किया है और मैं खुद भी पर्सनली आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर मुझे किसी स्टॉक का एनालिसिस करना है और मुझे बोला जाए कि सिर्फ एक ही रेशो पता करने को दिया जाएगा उसके अलावा आप दूसरी इंफॉर्मेशन ही नहीं पूछ सकते आपसे हाँ आप हमसे हम दूसरी इंफॉर्मेशन ही नहीं पूछ सकते उस शेयर के बारे में बस एक ही इंफॉर्मेशन पूछो तो मैं बोलूंगा कि सिर्फ एक काम करो ये बता दो कि उसका पीई रेशो आखिर कितना है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आखिर कितना है सिर्फ एक रेशियो अगर मुझे अलाउ किया जाए कि इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ एक रेशियो देखकर इन्वेस्टमेंट करना आई गो फॉर पीई रेशियो राइट इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में समझने के लिए मैं कुछ थोड़ा सा डेटा यहां पर ले रहा हूं और फिर इसकी सिग्निफिकेंस हम ऑलराउंड समझेंगे राइट तो छोटा सा डेटा यहां पर ले रहा हूं सपोज करें दोस्तों इन्फोसिस नाम की एक कंपनी है और इन्फोसिस का मार्केट प्राइस इन्फोसिस के शेयर का अस सपोज मार्केट प्राइस चल रहा है फिफ्टीन हंड्रेड रुपीस और इन्फोसिस के शेयर का अर्निंग्स पर शेयर है सेवेंटी फाइव रुपीज इन्फोसिस के शेयर का ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना है सेवेंटी फाइव राइट तो अब आप मुझे इन्फोसिस का पीई रेशियो क्या बताएंगे ट्वेंटी टाइम्स राइट बस ये डेटा हमारे सामने आ गया नंबर्स आ गए तो आपको समझाना आसान हो गया यहाँ पर पी ई रेशो आ गया है ट्वेंटी टाइम्स है ना कभी कभी कुछ कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि वो कभी तो रेशो निकाल कर परसेंट लिखते और कभी टाइम्स लिख देते हैं तो उसका सिंपल सा एक रूल होता है नाइन्टी नाइन परसेंट केसेस में लगेगा ये वो ये है कि जब आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉर्मली बड़ा है और न्यूमरेटर नॉर्मली छोटा है तो आंसर परसेंटेज में निकलता है जनरल रूल है और नॉर्मली न्यूमरेटर ही ज्यादा भारी है और डिनोमिनेटर हल्का है तो नॉर्मली जो रेशियो निकलेगा वो टाइम्स में निकलेगा ये जनरल रूल है है ना एक्सेप्शन भी है इसके राइट right? ये जो 20 टाइम्स पी रेशियो निकल गया है इसका सबसे बेसिक लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन पता है क्या है कितना गुना है ना देखो जब भी आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग कमानी पैसा कमाना है तो आज आपको एक लमसम अमाउंट लगाना पड़ेगा जैसे आप चाहते हो कि यार, मुझे ना हर साल बैंक की एफ से लाख रुपए भी आ जाए तो उसके लिए एफडी वन लैख की करनी पड़ेगी या वन लैख से ज्यादा की ज्यादा की राइट तो उसी तरीके से दोस्तों जब आप इन्फोसिस के शेयर से रेगुलर इनकम चाहते हो कि मुझे तो एक रेगुलर इनकम आती रहे तो यहां पर इन्फोसिस का शेयर कितनी कमाई कर रहा है सेवेंटी फाइव रुपीज की कमाई कर रहा है है ना उस में से आपको कुछ डिविडेंड मिल जाएगा और कुछ कंपनी खुद रख लेगी लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर हो ना आप तो कम, कमाई है तो अल्टीमेटली आपकी कुल में लागत तो पिछहत्तर रुपए सेवेंटी फाइव रुपीज की कमाई पाने के लिए आज आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं पंद्रह सौ सेवनटी फाइव पाने के लिए आपको फिफ्टीन हंड्रेड देने पड़ रहे हैं तो 75 पाने के लिए अगर फिफ्टीन हंड्रेड देने पड़ रहे हैं यानी हर एक एक रुपए की कमाई के लिए बीस रुपए देने पड़ रहे हैं यानी एक रुपए एक रुपए का सिक्का एक रुपए की कमाई चाहिए तो आज बीस रुपए का नोट निकाल कर दे दो आपने आज बीस रुपए दे दिए अब आपको हर साल वन 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 वन, वन रुपए की इनकम आती चली जाएगी राइट तो पीई रेशो का बेसिक इंटरप्रिटेशन ये होता है कि एक रुपए की कमाई के लिए मुझे कितना गुना दाम देना पड़ रहा है फॉर एवरी वन रुपी ऑफ अर्निंग वॉट मल्टीपल आई है कितना निकला वो मल्टीपल ट्वेंटी टाइम्स एक रुपए की कमाई के लिए मुझे एक रुपए का बीस गुना यानी बीस रुपए देने हैं ठीक है ठीके? मैं अगर सेवेंटी फाइव रुपीज कमाना चाहता हूं तो मुझे फिफ्टीन हंड्रेड देने हैं मैं अगर वन रुपी कमाना चाहता हूं तो मुझे ट्वेंटी रुपीज देने इज नाट क्लियर ओके ये समझ गया बेसिक इंटरप्रिटेशन है ना ओके तो पीर इशो टेल्स कि हमें कितना गुना देना पड़ रहा है एक रुपए की कमाई पाने के लिए ठीक है जैसे अगर आपको एफ से एक रुपए का ब्याज चाहिए तो क्या आप एक रुपए की एफडी करोगे ज्यादा रुपए की एफ ज्यादा शायद कम से कम दस बारह पंद्रह रुपए की एफडी करनी पड़ेगी तो जाकर एक एक रुपए का ब्याज आएगा तो उसी तरीके से इन्फोसिस के शेयर में आपको ट्वेंटी रुपीज देने पड़ेंगे तो आपको एक रुपए की कमाई आएगी इज दैट क्लियर ओके अब दोस्तों हुआ यू कि यहां पर इंदौर में एक और सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी मतलब कंपनी वालों ने नाम ही क्या रखा लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी और ये लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी को ना रुपए की जरूरत पड़ी कुछ फंडिंग की जरूरत पड़ी इन्हें कुछ ऑफिस एक्सपेंशन करना था न ब्रांच ऑफिस खोलना था इन्हें अमेरिका में और इसके लिए इन्वेस्टर्स तलाशने लगे जब ये इन्वेस्टर्स तलाशने लगे तो ये ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए इन्होंने कहा कि सर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए तो मैंने कहा बट आप तो एक अनलिस्टेड कंपनी हो आपके तो शेयर का कोई बाजार भाव भी अवेलेबल नहीं है तो उन्होंने कहा सर बहुत सिंपल है ना हम आपको बताते हैं कि हमारे शेयर की वैल्यू क्या है तो उन्होंने ना उनका लेटेस्ट इनकम स्टेटमेंट उठाया लेटेस्ट इनकम स्टेटमेंट में उन्होंने अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर लिया और उनके नंबर ऑफ शेयर से उन्होंने डिवाइड कर दिया राइट right? और उनका जो ई आया उनका ई आया टेन उनका अर्निंग पर शेयर कितना आया दस रुपए यानी उनके हर एक एक शेयर पर दस दस रुपए की कमाई होती है मैंने कहा ठीक है ऑडिटेड आपका इनकम स्टेटमेंट है और आपके सारे रेवेन्यूज तो सारे फ़ॉरेन से आ रहे हैं तो सब कुछ जेन्यून सारे एक्सपेंसेस मुझे आपके एम्प्लॉइज दिख भी रहे हैं तो आई कैन ट्रस्ट योर ईपीएस नंबर आपका ईपीएस कितना आ रहा है टेन उन्होंने बोला सर बहुत सिंपल क्योंकि इन्फोसिस की वन रुपी की इनकम के लिए लोग कितने गुना देने को तैयार है ट्वेंटी टाइम्स है ना 75 रुपी की इनकम पाने के लिए 1500 देने को तैयार है उनका शेयर 1500 रुपए दो उनका शेयर आ जाएगा राइट तो यहां पर जब हमारी कमाई कितनी है 10 रुपीस तो हमारी मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए 200 रुपीस क्योंकि Infosys भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी हमारे भी नाम में सॉफ्टवेयर तो उनकी वन रुपी की कमाई के लिए लोग ट्वेंटी टाइम्स पे करने को तैयार हैं तो हमारी भी हर एक रुपए की कमाई के लिए बीस गुना दाम दो तो दस रुपए की कमाई के लिए आप हमें कितना दे दे मार्केट प्राइस दो सौ रुपए यानी कि यहां पर अप्लाइंग द सेम पीई रेशो अप्लाइंग द सेम पीई रेशो मार्केट प्राइस वर्क्स आउट टू बी रुपीस टू हंड्रेड मैंने कहा एक बार रिवर्स में चेक कर लेते हैं आपका यानी आपका पीई रेशो e. कैसे निकलेगा आपकी मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय आपका ईपीएस है ना टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय टेन तो आपका पीई रेशो e. भी कितना आ गया टाइम्स और इन्फोसिस की भी एक रुपए की कमाई के लिए लोग कितना गुना देने को तैयार है बीस गुना तो आपकी भी हर एक रुपए की कमाई के लिए लोग कितना देने को तैयार हो जाए अगर आप होते मेरी जगह और आपके पास कुछ रुपए कुछ धनराशि रखी हुई होती तो आप अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना में ज्यादा समझदारी समझते है? इन्फोसिस क्योंकि जब एक रुपए की कमाई के लिए इन्फोसिस को भी ट्वेंटी टाइम्स ही देना है और उसी सेम वन रुपीस की कमाई के लिए यहां पर भी ट्वेंटी टाइम्स ही देना है जिसके नाम में लोकल लिखा हुआ है लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका एक प्रोजेक्ट गया कि सीधे उसकी अर्निंग डाउन कंपनी आधी इन्फोसिस तो कितनी बड़ी कंपनी सो मेनी प्रोजेक्ट एक दो प्रोजेक्ट चले भी जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वो लोग जल्दी अडेप करेंगे दे दे हैव हैव गॉट गॉट रिसोर्सेज मनी और ये तो क्या है लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट गया।, गया तो दोस्तों लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी में आपका विश्वास भरोसा ज्यादा होगा या आप बोलोगे फिर तो इन्फोसिस ही बढ़िया यार फिर तो इन्फोसिस ही बढ़िया है ना जब मुझे एक ही रुपए की कमाई चाहिए और वो लोग मुझसे ट्वेंटी टाइम्स मांग रहे और आप भी उसी वन रुपए की कमाई के लिए आप भी ट्वेंटी मांग रहे हो तो वह ट्वेंटी टाइम्स में उन्हीं को दूंगा तो आप अपने जनरल नॉलेज से बताइए कि लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी का जो पीई रेशो चलेगा वो ट्वेंटी टाइम्स चलेगा उससे ज्यादा या उससे कम उससे कम क्योंकि लोग इसका जब वैल्यूएशन करेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं उनको ट्वेंटी टाइम्स देते हैं आपको थोड़ी ना ट्वेंटी टाइम्स देंगे आप पर तो हमें ट्रस्ट थोड़ा कम है आपके इसमें रिस्क थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको बीस गुना नहीं देंगे है ना अब इसको दो तीन एग्जाम्पल से मैं आपको कनेक्ट करवाता हूं सपोज करें दोस्तों कि ये अपनी बात चल रही है मैंने ना आपके सामने बातों ही बातों में एक स्कीम रख दी कि बच्चों अभी जब सब जाओ ना तो जाते जाते आप मुझसे मिलना और मुझे सिर्फ दस रुपए का नोट देना टेन रुपीज का नोट आप मुझे दे देना मैं आपको हर साल वन वन रुपी देता जाऊंगा देता जाऊंगा देता जाऊंगा यानी आप मुझे टेन रुपीज देना मैं आपको हर साल एक, एक रुपया देता जाऊंगा आपने कहा ठीक है एक वन वन रुपी की इनकम स्ट्रीम चालू हो जाएगी सर को कितने देने दस रुपए देने पर आपने कहा ठीक है सर थोड़ा सा सो सोच के बताएंगे राइट आप दोस्तों यहां पर बिल्डिंग से नीचे उतरे आप पार्किंग लॉट में खड़े हुए थे बात कर रहे थे यार सर ने आज बढ़िया पड़ा है ऐसा वैसा इतने में एक व्यक्ति आपके पास आया और उसने बोला एक स्कीम है हमारे पास इन्वेस्टमेंट की आपने पूछा क्या इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसने बोला बस दस रुपए दो और एक एक रुपए की इनकम आपकी चालू अब आप एक बात बताइए अगर आपको दस रुपये पक्का कहीं ना कहीं लगाने हैं तो आप उस व्यक्ति को दोगे जो आपसे सीधे पार्किंग लॉट में पहली बार मिल रहा है मुझे दोगे मेरी इज्जत रखना तो हम <laughs> बोलोगे नहीं यार कम से कम इन्हें हम जानते हैं इन पर हमें भरोसा है प्रवीण सर है तो दस रुपए इन्हें देना फिर भी बनता है आपने वो पार्किंग लॉट में जो बंदा मिला था ना उसने बोला कि अगर एक रुपए की कमाई के लिए दस ही रुपए देने टेन रुपीज ही देने तो फिर तो हम प्रवीण सर को ही देंगे उसने बोला चलो एक काम करो आठ रुपए दे देना मतलब एट रुपीज आप उसे दे और वो आपको वन रुपी की इनकम दे देगा अब आप बोलोगे कि हाँ अब अब सोचेंगे राइट तो सिंपल सी बात है दोस्तों जहां पर ब्रांड नेम होता है जहां विश्वास ज्यादा होता है वहां पर पी मल्टीपल हाई होता है ज्यादा होता है आप चाहो तो इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफ वर्सेस प्राइवेट बैंक की एफडी के एग्जाम्पल से भी कंपेयर कर सकते हो दोनों में से एफडी का इंटरेस्ट रेट कहां कम चलता है एसबीआई पर दो मिनट के लिए करें कि जब आप एसबीआई में में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एफडी करते हो फाइव तो परसेंट इंटरेस्ट मिलता है यानी आप हंड्रेड रुपीज डिपोजिट करोगे तो फाइव रुपी की इनकम मिलेगी यानी फाइव रुपी की इनकम के लिए उसका ट्वेंटी टाइम्स देना है तो यस yes बैंक की एफडी अगर फाइव परसेंट इंटरेस्ट देगी तो इंसान यस yes बैंक में ऐसे भी कौन चांस लेगा फिर राइट एक बार हो चुका उनका तो उसकी वजह तो एसबीआई में करेंगे ना एफडी पर यस yes बैंक को क्या करना पड़ेगा एफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा यस yes बैंक आपको एट परसेंट इंटरेस्ट ऑफर करेगा कितना अब अब आप बोलेंगे हाँ, कि अब अगर मैं 100 रुपीस की FD करूंगा तो यस yes बैंक में कितना मिलेगा एट तो एट का कितने टाइम्स ट्वेल्व पॉइंट फाइव टाइम्स होता है हंड्रेड तो यस yes बैंक का जो पी मल्टीपल है वो ट्वेल्व पॉइंट फाइव भी है और एसबीआई का पी मल्टीपल कितना है ट्वेंटी तो जहां विश्वास ज्यादा होता है फिर वहां पी मल्टीपल भी ज्यादा होते हैं राइट दोस्तों कुछ मैं ऐसी कंपनीज के नाम अभी आपके सामने लेने वाला हूं जिस पर आपका 100 परसेंट विश्वास होगा हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड डेली बेसिस पर हम उनका प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं आपको तो मालूम ही होगा ना एचयूएल के कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर ए ब्रांडेड कंपनी राइट आपको मालूम है एच यूएल का पीई रेशो कितना हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड का पीई हैज एनी आइडिया उनका पीई रेशो कितना है टेन टाइम्स होगा ट्वेंटी टाइम्स होगा ट्वेंटी फाइव होगा थर्टी होगा कितना होगा बोलो ना थोड़ा फोर्टी ओके देखिए चेक करें यहां पर हिंदुस्तान यूनिलेवर लिमिटेड में टाइप कर रहा हूं और आप देखिए हिंदुस्तान यूनिलेवर लिमिटेड का पीई रेशो कितना है शेयर का प्राइस तो टू सिक्सटी टू टाइम्स है पीई रेशो एक मिनट नेस्ले मैगी नेस्ले का पीई रेशो आप यहां पर देखें नेस्ले इंडिया लिमिटेड पर मैंने क्लिक करा उनके शेयर का अभावेंटी टू थाउजेंड एंड लुक एट टाइम्स पी रेशो कैन यू इमेजिन एट्टी सेवन टाइम्स पी रेशो का मतलब होता है कि एक रुपए की कमाई के लिए इठियासी एट्टी एट रुपीज इट रुपीज दे रहे हो तो उनका एक रुपए की कमाई मिल रही है इतना ब्रांडे में आ र उनका राइट right? तो कुछ कंपनीज जिनके ब्रांड नेम बहुत अच्छे खासे होते हैं ना उनके पी -E रेशो ऐसे शूटअप रहते हैं और ऐसा ये पहली बार नहीं बरसों से इनके यही पीई -E रेशो चले आ रहे क्योंकि वो इतनी ब्रांडेड और स्ट्रांग कंपनीज है कि उनके सामने आज तक कोई कॉम्पिटिटर टिके ही नहीं है आपने बचपन से हिंदुस्तान यूनिलिवर के प्रोडक्ट का नाम सुना होगा लक्स पियर्स डव ये बचपन में सुन लिया होगा आज तक भी सुन रहे हो आज से बीस साल बाद भी सुनेंगे लाइफ बॉय तो ये जो इनके प्रोडक्ट्स है ना ये इतने वेल एस्टेब्लिड है ये लोग जब इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना दे आर कॉन्फिडेंट यार ये तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको इतने सालों में कोई नहीं ला पाए कोई इनका रिप्लेसमेंट ही नहीं है तो ये कंपनीज ना चलती जाएंगी तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने में सुकून है तो भले थोड़े से ज्यादा लगे जैसे घर वाले नहीं कहते यार क्वालिटी वाली चीज में थोड़े ज्यादा भी लगे तो दे देना चाहिए तो ये क्वालिटी वाली चीज है तो जो हाई क्वालिटी कंपनीज होती है उनके पी रेशोस बहुत ज्यादा होते हैं इज दैट क्लियर ओके अब दोस्तों यहां पर पीई रेशियोज -E में आपको समझ में आ गया इन्फोसिस का पीई रेशियो डेफिनेटली ज्यादा चलेगा और लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी का पीई रेशियो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट कम ही चलेगा है ना ये आपको समझ में आया ठीक है नवंबर 2005 हजार पांच अटेम्प्ट इन विच आई बिकेम सी इसके बाद मैंने कैंपस इंटरव्यू में अप्लाई करा मुंबई का कैंपस मैंने फ़िलअप करा था उस वक्त इतनी सारी जगह पर कैंपस होते नहीं थे मतलब मेट्रो सिटीज़ में ही मेनली कैंपस होते थे मुंबई का कैंपस वहां पर फ़िलअप करा सुबह नौ या दस बजे का वहां पर था रिपोर्टिंग टाइम और मुंबई में तो आपको मालूम ही होगा कि डेढ़ दो घंटे पहले तो निकलना पड़ता है ना तो सात बजे बिल्कुल तैयार होकर निकले बिल्कुल आयरन करी हुई शर्ट है ना और वो जैसे ही बस में चढ़े तो उन्होंने सारा उसका आयरन वायरन बिगाड़ दिया अपने को ऐसा लगा कि यार अब इंटरव्यू में वो लोग देखेंगे तो कि यार ये कैसे उठकर आ गए बिना प्रेस करे कपड़े फिर वापस से सेकेंड था स्ट्राइक हुआ क्योंकि ये तो मुंबई है तो मैं कोई अकेला तो ऐसा आ नहीं रहूंगा तो सभी ऐसे ही आ रहे होंगे फिर वहां पर गर्मी भी, भी बहुत ह्यूमिडिटी भी बहुत पसीना तो वो सब बिल्कुल है ना कैंपस इंटरव्यू में ऐसी लाइन लगती है लाइन भले आप सीए हो वो पच्चीस लोगों की लाइन में खड़े हुए थे वो हॉल में बैठे रहते इंटरव्यू लेने वाले और आप ऐसे लाइन लगाकर जिस जिस कंपनी ने आपका शॉर्टलिस्ट में में वहां पर एक्चुअली फाइनेंस की प्रोफाइल के लिए था जॉब है ना और इंटरव्यू में उन्होंने, उन्होंने मुझसे कुछ पहले तो बेसिक दो तीन क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने जो मुझसे सवाल पूछा वो बिल्कुल साक्षात सत्य घटना में आपके सामने रख रहा हूं और आप बताइएगा मेरी जगह आप होते तो क्या जवाब देते हैं वट दे टोल्ड इज प्रवीण दे आर टू कंपनी कंपनी ए कंपनी बी कंपनी ए हैज अ पीई रेशियो ऑफ ट्वेंटी टाइम्स एंड कंपनी बी हैज अ पीई रेशियो ऑफ फिफ्टीन टाइम्स कमेंट इंटरव्यू चल रहा है छह लाख का सवाल उस वक्त यही होता था पैकेज लाख का सवाल अपने सामने प्रवीण आर टू कंपनी ए बी है वो कमेंट करो राइट तो इंटरव्यू में ध्यान रखना फॉर्मुले नहीं पूछते पीई रेशो काट इज दमूला टू कैलकुलेट पी यू रेशो मार्केट में एनालिटिकल क्वेश्चन है ना तो उन्होंने बोला कमेंट अब मैंने सबसे पहला जो जवाब दिया वो यही दिया और आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैंने ये जवाब दिया सर इट माइट बी पॉसिबल दैट कंपनी है कंपनी ए हैज अ हायर गुडविल हायर ब्रांड नेम हायर रेपूटेशन दैट्स अ हाई क्वालिटी कंपनी एंड दैट्स वाई इट इज एंजॉइंग अ हायर पी ई मैंने गलत बोला क्या सही बोला राइट ओके ही प्रवीण, बोथ द कंपनीज हैव सेम गुडविल सेम रेप्युटेशन सेम ब्रांड नेम नाउ कमेंट रिस्क बिल्कुल सही मैंने एक्चुअली उनको यही बोला सर वन ऑफ द कंपनी कंपनी ए वच इज हैविंग अ हायर पीई रेशो क्योंकि एको जब लोग सोच रहे कि अरे इसमें तो रिस्क कम है क्योंकि जब आपकी परसिवड रिस्क पर लग रही है रिस्क है ना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा उस पर चलता है इंटीविशन पर कि क्या लग रहा है सो इन्वेस्टर्स माइट बी परसिविंग कंपनी ए एज लेस रिस्की कंपनी एंड दैट इज वाई दे आर रेडी टू पे हायर पी मल्टीपल है ना जब लेस रिस्की लगेगी कंपनी तभी तो लोग ज्यादा गुना देंगे जैसे नेस्ले में बताओ ना क्या रिस्क है हिंदुस्तान यूनिलिवर में क्या रिस्क है गवर्नमेंट आके इनके प्रोडक्ट को बैन कर देगी नहीं करेगी तो इनके ऊपर तो बहुत कम रिस्क अप्लाई होती है राइट right? इनका मार्केट भी वेल well डाइवर्सिफाइड होता है इनका कोई कॉम्पिटिटर आकर ऐसा नहीं कि रातों रात प्रोडक्ट इनका खत्म कर देगा मार्केट से ऐसा नहीं होता है इनके केस में तो इनके पी -E रेशो ज्यादा होते तो वट आई आंसर कंपनी ए हुज पी रेशियो इज हायर माइट बी परसिव्ड एज अ लेसर रिस्की कंपनी बाय द इन्वेस्टर्स एंड दट इज वाई दे आर रेडी टू पे अ हायर पीई रेश

हम्म hmm. जो उन्होंने जवाब दिया वो मैंने दिया था हा? मतलब आपके जवाब भी गलत नहीं है बट मैं मेरी सीक्वेंस बता रहा हूं वहां पर क्या हालत हुई थी मैंने वहां पर आंसर दिया सर कंपनी ए हुई इज हायर कितना टाइम्स ट्वेंटी टाइम्स मस्ट बी हैविंग हायर फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्योंकि अदर थिंग्स बींग कॉन्स्टेंट अगर एक कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा अच्छे हैं तो उसका पीई रेशो ज्यादा चलेगा आप इसको ऐसे समझो मान लो दो कंपनी कंपनी ए और कंपनी बी है। कंपनी ए भी वन रुपी कमा रही है और कंपनी बी भी वन रुपी कमा रही है इसका पीई रेशो भी फिफ्टीन टाइम्स और इसका भी फिफ्टीन टाइम्स मतलब इसका भी फिफ्टीन रुपीज में शेयर मिल रहा है इसका भी फिफ्टीन में और इसकी बी कंपनी की ग्रोथ रेट है टू परसेंट और लेकिन फ्यूचर की ग्रोथ तो किसमें अच्छा कि ग्रो भाव बढ़ते हैं तो भाव तो आज से ही बढ़ना चालू हो जाते भाव शेयर मार्केट जो है वो होने के बाद नहीं होता है होने के पहले ही सब हो जाता है शेयर मार्केट में यानी रिलायंस जियो की ग्रोथ तो बाद में होगी उसके वैल्यूएशन आज ही बढ़ जाएंगे क्योंकि शेयर मार्केट पास्ट में नहीं चलता है फोरकास्ट पे चलता है तो अगर लोगों को लग रहा है कि आगे जाकर इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी है तो लोग आज ही उसके शेयर लैपअप करना शुरू कर देंगे खरीदना शुरू कर देंगे जब लोग शेयर खरीदेंगे तो उसकी मार्केट प्राइस बढ़ेगी जिसकी वजह से उसका पी रेशो -E आज ही ज्यादा दिखने लग जाएगा इज दैट क्लियर तो ऐसी कंपनीज जिनके फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ब्राइट हैं उनका पीई रेशो -E ज्यादा चलेगा सो आई आंसर द सेम थिंग जैसा कि आपने बताया सर वन ऑफ द कंपनीज हुज पीई रेशो इज ट्वेंटी टाइम्स मस्ट बी हैविंग हायर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट प्रवीण बौद्ध कंपनीज हैव सेम फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट मैं इनका बस अब बहुत हो चुका हाई क्वालिटी बोल दिया मैंने ब्रांड नेम गुडविल आपने बोला सेम फिर मैंने बोला उधर लेस रिस्क लगता होगा आपने बोला नहीं सेम फिर मैंने बोला इधर हाई ग्रोथ होगी इसकी इसलिए उसका पी रेशो ज्यादा होगा आपने बोला नहीं ग्रोथ भी सेम अच्छा अब मेरे मन में एक और चीज आया मैंने कहा कि हो सकता है कि जो कंपनी ए हो ना वो लार्ज स्केल पर काम कर रही हो अच्छी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी हो और ये जो कंपनी बी हो वो सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हो और उस पर रिस्क ज्यादा हो ना जो ज्यादा डाइवर्सिफाइड रहता है उस पर रिस्क कम होती है जो एस एफ एम भी पढ़ाता है और एस सी एम पी भी पढ़ाता है well अगर बंद भी हो जाए तो भी चलेगा पर जो सिर्फ एस सी एम पी पढ़ाता हो उसे तो फिर मजबूरी में आप सब्जेक्ट ही चेंज करना पड़ेगा ना तो सिंपल सी बात है दोस्तों जो वेल well डाइवर्सिफाइड रहता है उसका वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा बिकॉज उसमें रिस्क कम है पर मैंने कहा पॉइंट बोलने से मतलब नहीं क्योंकि सामने वाला बंदा अब भी बोल देगा बोथ इक्वली वेल डाइवर्सिफाइड प्रवीण नाउ कमेक्ट तो मैंने कहा अब कुछ अलग चाहिए मैंने कहा सब कुछ सेम है अब उसका गुडविल ब्रांड नेम रेपुटेशन परसिव रिस्क ग्रोथ सब कुछ सेम है तो अब मैं चाहे जो बोल दू सब कुछ सेम है तो मैंने कहा अगर सब कुछ ही सेम है तो फिर कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए आप जवाब दीजिए कंपनी ए में या बी में, भी में। बी में पैसा लगाना चाहिए जब सब कुछ सेम है तो फिर मैं बीस गुना वाला इन्वेस्टमेंट क्यों करूं जिसमें मुझे बीस गुना दाम देना पड़े रिजल्ट वही मिले उसकी बजाय मैं वही काम पंद्रह गुना देकर करूंगा ना एक रुपए की कमाई में बीस गुना दाम देकर क्यों कमाओ? मैं वो ही एक रुपए की कमाई सिर्फ पंद्रह गुना दाम देकर कमाऊ सो आई सेवरी थिंग इज कॉन्स्टेंट देन अदर थिंग रेशियो इज लेस इज एन अंडर वैल्यूड कंपनी एंड अ कंपनी हु मोर हायर इज एन ओवर वैल्यूड कंपनी सेट गॉट सिलेक्टेड सही में मेरा इसी क्वेश्चन पर मेरा सिलेक्शन हुआ था इन आंसर्स पर मेरा सिलेक्शन हुआ था राइट? Right? तो आप समझ रहे हो पी रेशो रियल लाइफ में भी कितना इंपॉर्टेंट नंबर है एक अकेला पी रेशो e. का नंबर कितनी सारी चीजें कन्वे कर रहा है कंपनी के बारे में पी रेशो रिफ्लेक्ट करता है कंपनी की क्वालिटी पी रेशो कंपनी की रिस्क लेवल कन्वे करता है पी रेशो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कन्वे करता है और पी रेशो बताता है कौन ओवर वैल्यूड और कौन अंडर वैल्यूड दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ पीई रेशियो राइट सत्य घटनाओं पर आधारित ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया और मेरा सही में इसी एग्जाम्पल पर उन्होंने जैसे ही मैंने ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड बोला ना उन्होंने बोला सिलेक्टेड राइट right? दोस्तों पी रेशियो के बारे में ये जो मैंने आपको चीजें लिखवाई चीजें बताई वो मैं यहां पर लिखवा देता हूं क्योंकि अब आपकी एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आने वाले हैं और हो सकता है इसी तरीके का क्वेश्चन आपको आ जाए राइट right? तो मैं यहां पर आपको लिखवा रहा हूं इंटरप्रिटेशन ऑफ पीई रेशियो बस ये इंटरप्रिटेशन ऑफ पीई रेशियो पढ़ लें फिर उसके बाद तो आप समझ ही गए होंगे चलिए हाँ जी A company having higher. एग्जाम्पल हिंदुस्तानियन लिवर नेस्ले है ना फिर उसके बाद दूसरा मैंने बोला था परसिव्ड रिस्क है ना अंपनी परसिव्ड मतलब लोगों को क्या लगता है कि उसकी क्या रिस्क है है हाँ ना उस परसीव रिस्क लेवल इज Lower will command हायर पीई e. ratio जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी तो वो हमें मालूम है कि उसमें रिस्क बहुत कम है तो हम बोलेंगे ठीक है थोड़ा कम ब्याज भी मिलेगा चलेगा तीसरा मैंने क्या जवाब दिया था वहां पे ग्रोथ का राइट कंपनी हुज फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस आर हायर विल हैव हायर पी ई रेशो क्योंकि आज तो उस कंपनी की अर्निंग कम होगी लेकिन प्राइस उसका आज से ही बढ़ने शुरू हो जाता है शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है अर्निंग बाद में आती पर अर्निंग की एक्सपेक्टेशन होना कि अर्निंग बढ़ेगी तो भाव आज ही बढ़ जाते हैं शेयर के है ना ओके और फिर मैंने बोला कि अगर सब कुछ ही सेम हो तो फिर तो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड वाला हाँ डाइवर्सिफाइड वो डाइवर्सिफाइड वाला मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि वो रिस्क लेवल में आ जाता है मोर डाइवर्सिफाइड यानी लेस रिस्क लेस डाइवर्सिफाइड यानी मोर रिस्क है ना अदर थिंग्स बींग कॉन्स्टेंट A company whose PE ratio is higher is overvalued, and a company whose PE ratio is lower. अंडर वैल्यूड क्योंकि हमें वही कमाई अब कम गुना दाम में मिल रही है तो बढ़िया है इज दैट क्लियर चलिए दोस्तों तो हमने सिर्फ पी रेशू को फॉर्मूला नहीं देगा उसके अराउंड 360 डिग्री के एनालिसिस जैसा हमने यहां पर समझा राइट एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बाकी और फिर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स वो जानने के लिए मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही